हाय गाइस वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर जिस फिल्म के रिकॉर्डिंग बात की जाएगी उस फिल्म का नाम है पूजाई तो दोस्तों एक तमिल लैंग्वेज की एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और साथ ही दोस्तों इस फिल्म को आपके नज़दीकी सिनेमा थेटरिकली पर तमिल एंड तेलुगु लैंग्वेज भी रिलीज़ की गई थी और फिर बाद में इस फिल्म को लेटर वन हिंदी वर्जन में भी रिलीज़ की गई थी जहाँ पर हिंदी वर्जन में इस फिल्म का नाम हिम्मतवर रखा गया था और साथ ही तमिल में पूजाई एंड तेलुगु में पूजा नाम रखा गया था तो, तो इसी तरह से इस फिल्म को रिलीज़ की गई थी तो दोस्तों इस फिल्म को कौन से ओ पर कौन से सैटेलाइट पर ऑफिशियली फ्री में हिंदी लैंग्वेज के साथ देख पाओगे आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ साथ ही फिल्म की प्रोडक्शन की, की, की भी बात की जाएगी आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस की भी बात की जाएगी साथ ही म्यूजिकल डिपार्टमेंट की भी और टेक्निकल डिपार्टमेंट की भी बात की जाएगी इसके अलावा फिल्म का प्लॉट का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ और साथ ही फिल्म का डीप रिव्यू एंड फैक्ट्स की भी बात की जाएगी फ़िल्म का बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर की बात की जाएगी इसके अलावा इस फिल्म का मेन कॉन्सेप्ट क्या रखा गया उसकी भी बात की जाएगी और साथ ही दोस्तों फिल्म का जो डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्टिंग की बातें हैं वो भी बात की जाएगी तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आप हमारा इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जरूर वाच करिएगा तो दोस्तों पूजा यानी कि हिम्मतवर हिंदी में नाम रखा गया है तो साल 2024 में रिलीज हुई इंडियन तमिल लैंग्वेज की एक्स एंड रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है तो दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट के हरी हरी सर के डायरेक्शन के अलावा उनके इस फिल्म में स्क्रिप्टिंग स्टोरी आइडिया डायलॉग्स स्क्रीन प्ले ये सभी चीजें आपको इस फिल्म में उनका ही देखने को मिलती है तो दोस्तों इस फिल्म का प्रोड्यूसर की बात की तो विशाल इस फिल्म में खुद प्रोड्यूस किए हैं जो कि काफ़ी बड़े एक्टर भी हैं और साथ ही प्रोड्यूस भी किए तो इस फिल्म में उन्होंने खुद ही प्रोड्यूस किए थे साथ ही दोस्तों स्टार्टिंग कास्ट की बात की जाए तो लीड कास्ट की इस फिल्म की तो सुपर स्टार जो कि एक्टर विशाल साउथ इंडस्ट्री के उसके साथ ही ब्यूटीफुल एक्टर सुरती हसन सोरी उसके साथ सत्य राज राधिका मुकेश तिवारी आप सभी को इस फिल्म में स्टार्टिंग लीड कास्ट में देखने को मिलती है तो दोस्तों फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात की जाएगी तो पुरियन का इस फिल्म में सिनेमाग्राफिक हम सभी को इस फिल्म में देखने को मिलती है वहीं पर आ, वी टी आ, वी जन आ, टी एस का आपको इस फिल्म में एडिटिंग देखने को मिलेगी यानी उन्होंने इस फिल्म को एडिट किए थे जहां पर 158 मिनट का रनिंग टाइम दिए थे इस फिल्म में यानी कि दो घंटा अड़तीस मिनट की डेफिनेटली uh, इतनी रनिंग टाइम के साथ आपको इस फिल्म को पूरी की पूरी देखने को मिलती है तो दोस्तों साथ ही म्यूजिकल डिपार्टमेंट की भी बात की जाएगी तो युवान शंकर राजा ये सब फिल्म में यानी उनका साउंड ट्रैक एल्बम कम्पोजिंग बैकग्राउंड स्कोर ये सभी आपको इस फिल्म में सुनने को मिलती है पूरी की पूरी सॉन्ग्स की साथ ही दोस्तों म्यूजिकल डिटेल की भी बात की जाएगी तो दोस्तों पहला सॉन्ग का जो टाइटल है तो दोस्तों तमिल वर्जन की बात कर रहा हूँ जहां पर आपको जो कि डब्ड वर्जन में भी सुनने को मिल जाएगी तो अगर सुनना है तो आप सुन सकते हो तो पहला सॉन्ग का टाइटल की बात की जाए तो देवटाई जो सॉन्ग था उसको सिंगिंग की बात की तो निवास सर ने सिंगिंग किए थे जहाँ पर चार मिनट चार मिनट चार सेकंड का सॉन्ग की लेंथ सुनने को मिलती है वहीं पर दूसरे सॉन्ग की टाइटल इपडिया जो सॉन्ग था उसको राहुल सर ने सिंगिंग किए थे चार मिनट चौथी सेकंड का सॉन्ग की लेंथ सुनने को मिलती है जहाँ पर नंबीर और मिली नर भी सिंगिंग किए थे इस सॉन्ग में तीसरे सॉन्ग की टाइटल की बात की तो उड़ी उड़ी जो सॉन्ग था पलक्कड सर ने सिंगिंग के थे और उसके साथ ही श्री राम सर ने भी सिंगिंग किए जहाँ पर चार मिनट बत्तीस सेकंड के सॉन्ग की, की लेंथ सुनने को मिलती है उसके साथ ही दोस्तों चौथे सॉन्ग की टाइटल सोडा बॉटल जो सॉन्ग था उसको यूजनियर सर ने सिंगिंग किए थे एंडोनी सर ने सिंगिंग किए थे उसके साथ ही दसन उसके साथ ही सत्यन इतने सिंगर सर ने मिलकर जो सिंगिंग किए थे इस सॉन्ग को जहाँ पर चार मिनट चौथी सेकंड की सॉन्ग लेंथ सुनने को मिलती है इसी तरह आप सुन सकते हैं पांचवे सॉन्ग की टाइटल उरे उ जो सॉन्ग था उसको सिंगिंग की बात की तो युवन शंकर राजा सर ने सिंगिंग किए थे जहाँ पर दो मिनट छब्बीस सेकंड की सॉन्ग की लेंथ सुनने को मिलती है वहीं पर छठे सॉन्ग की टाइटल जो कि वेरोराम और कांडिकर्तरे जो सॉन्ग था उसको कार्तिक सर ने सिंगिंग किया था उसके साथ ही पूजा ये भी सर ने भी सिंगिंग किए थे जहाँ पर तीन मिनट छियालीस सेकंड की सॉन्ग की लेंथ सुनने को मिलती है तो इसी तरह आप इस सॉन्ग की पूरी की पूरी सॉन्ग्स अगर आप सुनना चाहते हो तो आपको डेफिनेटली सॉन्ग सुनने को मिल जाएगी जहाँ पर वी म्यूजिक डी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सुनने को मिल जाएगी तो आप इस तरह से इस फिल्म की सॉन्ग्स को इन्जॉय कर पाएंगे तो दोस्तों साथ ही फिल्म की प्रोडक्शन की भी बात की जाएगी तो विशाल फिल्म फैक्ट्री के बैनर के नीचे इस फिल्म को बनाई गई थी तो वहीं पर डिस्ट्रीब्यूट की बात की तो वेंदर मूवीज की ओर से कंप्लीट करवाई गई इस फिल्म की डिस्ट्रीब्यूट तो दोस्तों अब कास्टिंग के बारे में फिल्म की बात की जाएगी तो फिल्म की कास्टिंग के बारे में अगर मैं आप सभी को बताता हूँ तो दोस्तों विशाल एज ए वासुदेवन का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे जहाँ पर मैन हीरो रहते हैं इस फिल्म में सूरती हजन एज ए दिव्या का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे जहाँ पर डी वासुदेवन को लव इंटरेस्ट इस फिल्म में दिखाते हैं उसके साथ ही दोस्तों सत्यराज एज ए पी शिवक को चुंडू का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे राधिका एज ए जो कि राजा लक्ष्मी का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नजर आते जहां पर वासुदेवंस के मदर रहते इस फिल्म में यानी इस फिल्म में उनका मां रहते हैं मुकेश तिवारी एज ए अन्नाथडम का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे जहां पर मेन अंटागोनिस्ट इस फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे सूरी एज ए कुट्टी पुल्ली का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे उसके साथ ही जयप्रकाश एज ए रामास्वामी का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे जहाँ पर वासुद के फर्स्ट योंग जो कि पटरेल अंकल रहते इस फिल्म में प्रताप फोटन आपको इस फिल्म में प्रताप फोटन एज ए दिव्यास का फादर का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे जानकी जो कि साबेश एज ए दिव्यास के मदर का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे तालाई विशावल विजय एज ए कुर स्वामी का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे जहां पर वासुद के सेकंड यंग जो कि पाटरल अंकल रहते इस फिल्म में उसके साथ ही जो कि अवधेश मिश्रा एज ए राय बहादुर का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नज़र आएंगे उसके साथ ही माधुमिल्ला एज ए सेल्वी का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नज़र आएंगे अभिनय एज ए दुर्गा का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे ऐश्वर्या एज ए लक्ष्मी जो कि शिवक को चुंडिस के वाइफ का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नज़र आएंगे सीतरा एज ए रामास्वामी का वाइफ का रोल आप किस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे अवसलिया एज ए सुशीला का रोल आपके इस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे जहाँ पर कुरास्वामी के वाइफ रहते है इस फिल्म में साथ ही रेणुका एज ए मानी मेघालाई का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे जहाँ पर दुर्गा के मदर रहते इस फिल्म में उसके साथ ही सौंडराजा एज ए सौंड्रर का रोल आपको किस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे मोना बल्ला एज ए कोबाई का रोल आपको किस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे जहाँ पर ग्रुप्स के मैनेजर रहते इस फिल्म में

करेट राजा ऐसे अन्ना थडम्स के हेमसल का रोल आपको फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे पोंडी रवि ऐसे सुंदरम का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे जहाँ पर अन्ना थडम्स के हेमसल रहते इस फिल्म में नरसिंह ए यादव ऐसे राय बहादुरस का रोल आपको फिल्म प्ले करते नजर आएंगे जहाँ पर हिमसल रहते इस फिल्म में भरत राज एज ए नारेश यादव का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे निशा एज ए कीर्ति का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे जहां पर दिव्यास के फ्रेंड रहते इस फिल्म में उसके साथ सरबना एज आनंद एज ए चित्रा का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे विनय बिहारी एज ए जो के की केरला मिनिस्टर माध्यवन नायर का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नजर आते हैं आरा एज ए आरती का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे जहाँ पर वासुस के सिस्टर रहते इस फिल्म में अंदिरा जर्मिनिया आपको इस फिल्म में स्पेशल अपरमेंस इन द सॉन्ग जो कि सोडा बोतल में आपको इस फिल्म में प्ले करते तो नजर आएंगे जो कि इस फिल्म में प्रोमैन कास्ट है लीड इसमें मेन रोल आपको उन्होंने नज़र आएंगे तो इस तरह से इस फिल्म में जितने भी कास्ट है कास्टिंग की बात की है आपको इस फिल्म में इसी तरह प्ले करते तो नजर आएंगे तो दोस्तों पूजा यानी कि हिम्मतवर जिसको हिंदी में नाम दिया गया है तो फिल्म को बाईस अक्टूबर टू में दिवाली के जो कि मौके पर फिल्म को फेस्टिवल पर रिलीज की गई थी सिनेमा थेटिकली आपके नज़दीकी सिनेमा थेटिकली पर जहाँ पर तमिल तेलुगु में फिल्म को रिलीज की गई थी तमिल okay अपूजय नाम रखा गया था तेलुगु में पूजा नाम रखा गया था फिर लेटर वन चीज़ें कुछ चीज़ें लेटर वन फिर बाद में हिंदी वर्जन में फिल्म को हिम्मत वर्ग के नाम के साथ ही ओरिजिनल जो कि हिंदी डब्ड करके रिलीज़ की गई थी जिस तरह से फिल्म को आपको सुनने में काफ़ी आसान लगेगी जो कि आपको काफ़ी कहीं भी थोड़ी बहुत कमियाँ नहीं आएगी जो कि फिल्म हिंदी में जिस तरह से डब्ड करके रिलीज़ की गई आपको लगेगा ही नहीं फिल्म ये नहीं देगा कि रिलीज़ की गई जो कि ओरिजिनल फिल्म की जैसी लगेगी तो इस तरह से इस फिल्म को रिलीज़ की गई थी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना तो जब पूजय यानी कि हिम्मतवर जिस फिल्म को हिंदी में नाम रखा गया तो फिल्म को थिएट्रिकली पर रिलीज की गई थी तब क्रिटिक्स का रेस्पॉन्स की तरफ से मिक्स टू पॉजिटिव रिव्यूज मिला है साथ ही दोस्तों फिल्म को आई पर फाइव आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली हुई है जहां पर ऑडियंस ने इस हद तक इस फिल्म को पसंद की गई थी वहीं पर रोटेन टोमेटोस की तरफ से 70 इस फिल्म को फ्रेश फिल्म माना गया वहीं पर साथ ही गूगल यूजर्स की तरफ से सिक्सटी इस फिल्म को ऑडियंस ने पसंद किया जिस तरह हद तक इस फिल्म को कॉमेडी जोन में जिस तरह से बोल सकते हैं रोमांटिक कॉमेडी एक्शन जोन में फिल्म को बनाई गई थी तो उस तरह से इस फिल्म को पसंद किया गया था अब दोस्तों साथ ही फिल्म की बजट की बात की तो एक तमिल इंडस्ट्री की तरफ से एक मीडियम बजट के हिसाब से फिल्म को बनाई गई थी जहां पर पच्चीस करोड़ रुपए में फिल्म को बनाई है वहीं पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर बात की तो फोर्टी करोड़ रुपए की कमाई की है जिस हिसाब से फिल्म ने थिएट्रिकली पर रन करके दिखाई थी यानी कि एक बोल सकते फिल्म ने तापड़ो तापड़ो कमाई किया फिल्म ने थेटरी गली पर रिलीज की गई थी तो इंडस्ट्री तरफ से फिल्म एक ब्लॉक फिल्म बन चुकी है तो कम समय में एक ग्रोथ इस फिल्म में, एक में, में हर एक जो किरदार है उन्होंने एक जिस तरह से चीजें जो की है वो आपको काफी हद तक का पसंद आने वाली है तो वही से इस फिल्म में इस तरह से उन्होंने फिल्म को पूरी की पूरी बांधे रखी है तो उनकी वजह से फिल्म काफी हद तक इस फिल्म को जो कि वायरल करती हुई नजर आई जो कि ब्लॉक फिल्म बना चुकी है जो कि तमिल इंडस्ट्री की तरफ से तमिल ऑडियंस ने तो काफी हद तक पसंद की है बट अदरवाइज इस फिल्म को जिस तरह से हिंदी वर्जन में हिम्मतवर के नाम से जो रिलीज की गई थी जो फिल्म को तो फिर क्या ही मतलब क्या ही बताऊँ वो फिल्म को जो जिस तरह से हिंदी ऑडियंस ने काफी हद तक इस फिल्म को पसंद की है अभी भी फिल्म को चार चार बार पाँच पाँच बार फिल्म को देख ही रहे हैं तो जितना भी देखते हैं उतना कम लगता है फिल्म को क्योंकि इस तरह से कुछ कहानी बनाई गई है तो दोस्तों अब फिल्म के बारे में अगर डिस्कस करें तो फिल्म के बारे में अगर मैं आप सभी को बताऊँ विशाल एक्टर की परफॉर्मेंस इस फिल्म में जो कि काफ़ी ख़तरनाक देखने को मिलती है जो कि अब एक हर एक मोमेंट हार्ड मोमेंट लगेगी जो फाइटिंग सीन्स है उन्होंने जिस तरह से वो तमिल इंडस्ट्री में जो होते हैं मतलब एक Young मैन किस तरह से कैसे करके दिखाते हैं मतलब अपने अंदाज़ में तो वही चीज़ इस फिल्म में दिखाएं तो अपने अंदाज में उन्होंने जो मतलब हर एक स्टेप जो फिल्म में दिखाई है काफ़ी हद तक आपको वो पसंद आएगी उनकी काम इस फिल्म में वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट से बेस्ट जो हार्ड परफॉर्मेंस है फिल्म में उन्होंने करके दिखाई है फिल्म की फ़र्स्ट हाफ़ की अगर मैं आप सभी को बताऊं तो थोड़ा बहुत तो आपको, आपको कहीं ना कहीं कमियां लगेगी मतलब उतना कुछ बोरिंग थोड़ा बहुत बो नहीं लगेगी मतलब थोड़ा बहुत इंटरवल के बाद फिल्म खींचती है जहां पर फिल्म की कहानी जिस तरह से वो लेके जाती है असली कहानी पर मुद्दे पर फिल्म के जो बोल सकते हैं जहाँ पर वो एक लड़की से मुलाकात होती है फिर उससे कैसे प्यार होता है फिर उसके बाद उसके अपनी माँ जो है सगी माँ फिर कैसे घर से निकाल देते कहानी की वही फ़िल्म की कहानी बनाती है फिर आगे वही सभी फिल्म में आपको पता चलेगी तो फिल्म के सॉन्ग्स सेकंड हाफ आप में आपको कहानी मोमेंट जो कैची लगती है वहीं पर फिल्म की जो हर एक मतलब कॉन्सेप्ट है वहीं पर पता चलती है फिल्म को क्या कॉन्सेप्ट रखा गया तो थोड़े बहुत आपको डिले लगेगी फिल्म की कहानी उसकी जो फिल्म की नए नए कुछ आ, जो कि मोड नया मोड जो लाती है वहीं पर लव स्टोरी के बाद फिल्म में कहानी देखने को मिलती है सेकंड इंटरवल के बाद फिल्म में सेकंड हाफ में और एंडिंग फिल्म की कब, कैसे गुजरती है वही आपको पता भी नहीं चलती है। फिल्म कोई वन टाइम अब अगर एक बार देखेंगे तो मुझे नहीं लगता फिल्म को अभी तक कोई मिस की बट फिर भी फिल्म को काफ़ी समय हो चुका है अगर देख लें तो अच्छी बात है अगर आप फिर भी एक बार देखेंगे तो मुझे नहीं लगता फिल्म आप छोड़ के जा सकता बिकॉज काफ़ी बड़े एक्टर की फिल्म है इनकी काम जो है काफी हद तक अच्छी रहती है इस फिल्म में भी करके दिखाएँ तो इस तरह से फिल्म की सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छी है सॉन्ग तमिल सॉन्ग है तो उतना कुछ ठीक ठाक है मतलब उतना कुछ खास लगे नहीं मुझे बैगन स्कोर फिल्म की जो सिनेमाटोग्राफिक एक्शन सिकल्स काफ़ी तगड़ा तगड़ा देखने को मिलती है ख़तरनाक मोमेंट है जो ख़तरनाक से ख़तरनाक बड़ा हार्ट मोमेंट्स देखने को मिलते हैं है जो, है। जो वी के ऊपर फिल्म की जिस तरह से करके दिखाए एडिटिंग की काम जो चीज़ें जिस तरह से बेहतरीन में मतलब कहानी जो एक थोड़ा बहुत मुझे लगता है फिल्म को ज़्यादा ही मतलब रनिंग टाइम ज़्यादा ही रखा गया थोड़ा बहुत काट छाट के फिल्म को और थोड़ा बहुत कम कर सकते थे मतलब जो भी चीज़ है बेस्ट ऑफ फालतू टाइम है टाइमिंग है वो काफ़ी कहीं ना कहीं छोटे मोटे चीज़ें वो मतलब थोड़े बहुत अननेसरी वो सब इग्नोर कर सकते हैं तो अगर आप वो सभी इग्नोर करोगे तो फिल्म अच्छी लगेगी अदरवाइज वो सभी डायरेक्टर की डायरेक्शनल वो सभी थोड़ा बहुत अगर कहीं ना कहीं कमियाँ नजर आती वो सभी अगर चीज़ें कहीं ना कहीं फ़िल्म ज़्यादा अगर खींची है वही कमियाँ नजर करती है फिल्म में तो वो सभी अगर छोड़ती है तो फिल्म कहीं ना कहीं और ज़्यादा चलती बट फिर भी चीज़ें जिस तरह से कहीं ना कहीं दिखाई है वो भी चीज़ें काफ़ी काबिल तारीफ से कम नहीं है तो ये सभी चीज़ें अगर आप ये सभी चीज़ें के अलावा डायरेक्टर की बात की डायरेक्शनल की तो हरिका इस फिल्म में जिस तरह से कॉन्सेप्ट एक बोल सकते हैं फैमिली के ऊपर जिस तरह से वो फैमिली के ऊपर रोमांटिक उसके साथ ही कॉमेडी जोन उसके साथ ही जिस तरह से वो हर एक फन मोमेंट जो इंटरवल में जिस तरह से मतलब एक जिस तरह से रिसेप्ट यानी रिसेप्ट में उन्होंने जो कि स्क्रिप्टिंग दिए हैं विशाल के ऊपर तो वही काबिल तारीफ से कम नहीं मतलब विशाल खुद एक प्रोड्यूसर है, है एक, एक एक्टर भी है तो उन्होंने खुद अपने अंदाज में करके दिखाया तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपको पसंद आएगी तो हरिका इस फिल्म में क्या कैसा रहा वो फिल्म देखने के बाद ही आपको उनका डायरेक्शनल पसंद आने वाली है अगर आप ये सभी फिल्म में देखना चाहते हो तो जाके फिल्म को देख सकते हो तो दोस्तों इस फिल्म को कैसे देख पाओगे मैं आप सभी को बता दूं कि ऑनलाइन के जी फाइव ऐप पर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली विथ इंग्लिश सब के साथ हिंदी लैंग्वेज में हिम्मतवर नाम के साथ आप फिल्म को ऑफिशियली फ्री में देख पाओगे विदाउट सब्सक्रिप्शन विदाउट इस फिल्म में मतलब कोई भी लॉगिन कुछ भी आप ऐसे ही फिल्म को देख पाओगे तो आप जाके इस तरह से इस फिल्म को एंजॉय कर पाएंगे जी हाँ दोस्तों साथ ही दोस्तों इस फिल्म का सैटेलाइट राइट्स की बात की तो जी शर्मा जी शर्मा एच ई डी टी चैनल के ऊपर सैटेलाइट टीवी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियम करता हुआ नजर आएगा साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तो बहुत ही अच्छी बात है अगर आप हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट फड़ सब्सक्राइब करके रख सकते साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी दबाना मत भूलिएगा तो दोस्तों फिल्म की डेवलपमेंट की बात की जाएगी तो फिल्म की डेवलपमेंट की बात की तो इन दिसंबर 2023 के ईयर में विशाल जो कि टोल्ट द टीवी प्रोड्यूसर की बात किया, तो फेचर की तो फीचर की है फिल्म विच विट वी बी डायरेक्टर हरी एंड रहेंगे उस फिल्म में उनका जो प्राइवेट कोलाबरेट हुए थे अगेन उनकी आफ्टर सक्सेस फिल्म की बात उनके साथ कोलाब्रेशन की बात की तो जो वेंचर जो कि थामिर अभी बनी जो फिल्म था 2007 में उसके साथ उनके साथ आफ्टर जो कि डायरेक्शनल फिल्म में जो कि काम करते हुए नजर आएंगे जहाँ पर ट्रंगल कुछ एक्शन स्टोरी इस फिल्म में विचेज़ कुछ अलग अलग रहेगा जो कि कॉम्बिनेट कर रहे हैं फिल्म में एंडिंग पटना में इस रिविलिंग युवन शंकर के द्वारा जहाँ पर पटना में करती हुई जो कि करेंगे राजा इन ऑलरेडी कंप्लीटेड जो कि कंपोजिंग इस फिल्म को लिए सॉन्ग फिल्म सॉन्ग्स के लिए बिफोर प्रोडक्शनल की काम करते हुए नजर आएंगे जहाँ पर कॉमिनेस की बात की तो द फिल्म ऑफिशियली लॉन्च की बात की थी जहाँ पर ट्वेंटी मार्च टू थाउजेंड की ईयर में जहाँ पर विथ प्रेसेस हुए थे जो कि रिलीजिंग जो कि नामिनिंग हुई थी द फिल्म कास्ट ऑफ व्यू जो कि युवान शंकर राजा सेलेक्टेड हुए थे द कम्बोज की फिल्म की मेजिंग के लिए जहाँ पर फॉर द फिल्म प्रेमन एंड वी टी वी विजन ऑफ जो कि वीअर कंफर्म हुए थे जो फिल्म की जो कि सिनेमाग्राफिक उनको दिया जाएगा उसके साथ एडिटिंग ऑफ द फिल्म की जो रेस्पॉन्सबिलिटी है सूरती हसन वो सब जो कि फिल्म की करवाई जाएगी उसके साथ सूरती हसन अपना आल्सो सेलेक्टेड हुए थे जो डू कॉस्टमिट डिज़ाइनिंग के लिए तो उन्होंने खुद अपना जो डिजाइनिंग है सुरती हसन अपने अंदाज में खुद ही करवाई इस फिल्म में तो दोस्तों इस तरह से इस फिल्म की डेवलपमेंट की बात हुई थी तो दोस्तों अब फिल्म की कास्टिंग के बारे में भी बात की तो फिल्म की कास्टिंग के बारे में अगर मैं आप आपसे बताऊँ अर्ली रिपोर्टली दिसंबर सजेस्टेड हुए थे जहाँ पर सुरती हसन सिंगिंग साइन किए थे फिल्म में प्ले करते तो हुए नज़र आएंगे जब फिल्म हीरोइन का रोल है वो नजर आएंगे जहाँ पर थ्रू ओनली कन्फर्म हुए थे जो कि पर्टिकल्टी जो कि जो पार्टी ने के नेसन इन द मार्च 2024 के ईयर में जहाँ पर सत्यराज एंड सूरी फिल्में भी जॉइन हुए थे जब कास्ट ऑफ टू रोल प्ले करते हो सपोर्टिंग रोल में प्ले करते हो नज़र आएंगे विल एक्टरिस जो कि कौशल्या एंड अनौंसमेंट किए थे उनके भी रोल प्ले करते हो नजर आएंगे मेकिंग इन द कम बैक विद द फिल्म स्टारिंग दो ऑल्सो साइड अदर सपोर्टिंग एक्ट्रेस का जो रोल है वो फिल्म में प्ले करते हो नज़र आएंगे द टीम अनाउंसमेंट की जो कि रेखा के थे जहाँ पर प्ले विशाल मदर उन फिल्म में नजर आएंगे जहाँ पर फिल्म बट अन जो कि अनएबिलिटी जो कि फिल्म की मेंट है जो इट फिल्म के टीम लेटर ऑन कास्ट राधिका शरद कुमार इंस्टेट हुए थे जहाँ पर प्रतापोर्तन पो, एंड जो जो कि जान की, की uh, साविश वे ऑल्सो सेलेक्टेड के रोल जो प्ले है वो उस नजर आएंगे जहाँ पर सुरती हसन भी आ जो कि पर्यटन की रोल लिए थे जहाँ पर आधीरा जर्मिया उसके साथ ही सेलेक्टेड हुए थे मेक ऑफ कमियो अपरमेंस में जो कि फॉलोअप सॉन्ग्स में सत्यराज सपोर्टेड हुए थे जहाँ पर वर्ल्ड लुक जो फॉरम की फिल्म की थैंक्स हुए थे जहाँ पर दिस सिमोलिटिन की शूट फॉर एस जो कि राजा के बाहुबली Uh, 2015 में फिल्म आई थी उसके साथ रोल पे भी साइड की काम करते हुए नजर आए जहाँ पर साइड हुई थी जहाँ पर वेरी पावरफुल एंड आल्सो सस्पेंड एलिमेंट जो ऑफ द फिल्म की है वो सभी भोजपुरी फिल्म एक्टर आदिवेश की तरह मिस मिश्रा सेलेक्टेड हुए थे जो लोल रोल है गैंगस्टर इन द फिल्म की विच इस मेकर्स की डब्ड हुए थे जहाँ पर तमिल सिनेमा वैभव रेड्डी सेलेक्ट हुए थे फॉर इंपॉर्टेंट रोल इन द फिल्म बट इज रोल वे नॉट अ पार्ट ऑफ द फिल्म की जो कि विनय बिहारी वही इज द यूथ आर्ट कल्चर मिनिस्टर ऑफ द बिहार पर का रोल सेलेक्टेड हुए थे इस फिल्म में जो कि रोल है वो प्ले करते हुए नजर आएंगे डिस्ट्रीब्यूट कोलेबरेट की द फिल्म की जो कि सिनेमाटोग्राफिक पॉइंट की प्रोडक्शनल विद द एक्सप्रंस की इंस्ट हुए थे एक्टिंग की हरी इस फिल्म में जो बिहार लोकेशन में शूटिंग की गई थी जहाँ पर भरत राज मिस्टर इंडिया सेकेंड रनर की टू थाउजेंड फोर्टीन में टाइटल फिल्म को कैरिमेल करके रोल है जो जो कि कलेक्टर हुए थे सन ऑफ द सन फ्रॉम बिहार में जो कि अभिनय सेलेक्टेड हुए थे टू प्ले का सपोर्टिंग रोल है वो मुकेश तिवारी सेलेक्ट हुए थे दो कि रो टू प्ले रोल है वो मैन अगेंस्ट हुए थे इस फिल्म में तो इस तरह से इस फिल्म की कास्टिंग की रोल बात की गई थी तो अब दोस्तों फिल्म की फिल्मिंग की बात की जाएगी तो फिल्म की फिल्मिंग की अगर मैं आप सभी को बताऊँ प्रिंसिपल फोटोग्राफी कमेंट्स इन एटीन अप्रैल टू की ईयर में चेन्नई में ड्यूरिंग सूट रखा गया था एक्शन सीक्वेंस वहीं पर लिया गया था ऑन स्कोर जो वेत सेट हुई थी जहाँ पर सली के जगह पर जहाँ पर विशाल इंजर हुए थे वहाँ पर शूटिंग के दौरान मिडिल फिंगर में राइट में एंड उसके साथ ही बीच चौदह स्टैच आई थी फिर जो कि एडमिट्स हुए थे जहाँ पर इन सूट की वास्त टेम्पररी हल्टेड हुए थे आइटम नंबर पीथिंग विशाल वहाँ पर अंदिरा का जर्मनी की शो उस इस तरह से शूट करवाई गई थी अर्ली मे में जो कि बैकअप ड्रॉप की ऑफ द जो कि कहमद्दू तो मार्केट में चेन्नई में फिल्म की वहाँ पर शूटिंग लिया गई थी उसके साथ लेटर वन यूनिट की प्रोसेस की बात की थी जहाँ पर कॉम्बरेट करके, करके फिल्म की मेजर प्रोडक्शनल ऑफ़ द फिल्म एट द टाइम इस वॉस की आरिका प्लान किए थे जहाँ पर रैपअप करके फिल्म शूट चालीस फोर्टीन वर्किंग डेज की तरफ से जहाँ पर चालीस दिन में फाइटिंग स्विकल्स की शूट लिया गया था जहाँ पर पॉपुलर मेल मल्टीप्लेक्स दर की सीन्स है वो सभी इन की विशाल एनसूरती हसन को और वी आर आल्सो शूट किया गया था जहाँ पर द फिल्म मॉल कॉम्बेट जो कि कॉम्बेट करके द फिल्मिंग जो कंटिन्यू है एट कराई कुडी जो इन अर्ली जुलाई में लिया गया था जहाँ पर सेंसस की फेचिंग की इंस्पेंसिपल uh, कास्ट ऑफ शूट की द फिल्म शूटिंग वहीं पर कंटिन्यू करवाई गई थी जहाँ पर इट हॉट वेदर मेकिंग की थिंग्स डिफरेंटिकल कुछ विशाल को वहाँ पर सेपरेट की गई थी इंजोर भी हुआ था फिर उसकी वजह से फिर सेकेंड टाइम इन द फिल्म शूट जो कि सफर हुए थे जो कि फेवरेट डूरिंग द शूट ऑफ द एन एक्शन शूकल्स की आफ्टर ट्राइंग टू तो अवर्ट फिल्मिंग की दे इस की में कुछ स्प्लिट हुई थी फिल्म की एब्सोरेट शूट करते हुए जहाँ पर फर्स्ट वीक में ऑफ अगस्त 2024 के ईयर में फिल्म दे में लिया गया था जहाँ पर क्लाइमैक्स की शूट पटना इन द टेन डेज में शेड्यूल रखा गया था एंड बाय देन नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ़ द फिल्म की शूट कंप्लीट की गई थी जहां पर द क्लाइमैक्स सैड हैव व्यू जो रिक्स की स्टंट है विच शूट फिल्म के फर्स्ट फाइनल शेड्यूल बहुत विशाल एंड सूरती हसन कैरवी जो कि कैरवी करते नजर आए आउट ऑफ रिक्स की स्टंट जो एंड फाइट सीन्स बाई टेम्बुलेंस की जो सम uh, है वो क्लाइमैक्स में आल्सो शूट जो कि गोलीकोंडा फोर्ट इन हैदराबाद इन स्पेशल एंड एंड मोमेंट्स की सेट जो कि एयरकेटेड हुए थे फॉर द क्लाइमैक्स एंड ये सॉन्ग्स की आल्सो शूट थ्री ऑन इन इट इस कॉम्पलेशन जो कि वन रोमांटिक सॉन्ग्स की शूट जो कि सीट वेजिलेंट एंड उसके साथ ही रिमेनिंग करके फास्ट पेसेस ली गई थी सॉन्ग के लिए शूट इन चेन्नई में भी विशाल सूरती हसन कंप्लीट किए थे शूटिंग की हार्ड फॉलक सॉन्ग्स के लिए स्वीकेंस के बीच शूट जो कि इन ये वी एम फेसिकल्टीज के अन्य सिनेटिफ बाई बाबा भास्कर ऑफ सॉन्ग्स की स्वीकल्स आल्सो शूट इन पोलैंड में भी लिया गया था जहां पर ट्वेंटी नाइन 2024 टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में ले गए थे एयर में जहाँ पर सूट थी कम कन्फर्म की गई थी दैट शूटिंग ऑफ द फिल्म की वॉज कंप्लीटेड हुई थी फिल्मिंग की तो इस तरह से इस फिल्म की फिल्मिंग की बात हुई थी तो दोस्तों आखिर में फिल्म के प्लॉट या फिर स्टोरी कह लो उसके बारे में भी कहानी के बारे में भी बात की जाएगी तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी जिस तरह से मैं आपको मतलब थोड़ा सा ही बताऊँगा जी दोस्तों नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी तो आपको मैं बता दूँ कि फिल्म की कहानी जहाँ पर विशाल यानी इस फिल्म में वासुदेवन जो रहते हैं यानी इस फिल्म में तो वो काफ़ी अपने फैमिली के तरफ से जो कि फैमिली में काफ़ी ज़्यादा वो मतलब अपना दिलो जान देते थे अपने फैमिली के लिए कोई भी कदम उठाते हैं तो हालाँकि इस फिल्म में जो जिस तरह से जो बिलन उनके पीछे फैमिली के पीछे पड़े रहते हैं तो फिल्म में कहानी वही बनाती है जहाँ पर चीज़ें कैसे क्या बदलती है जहाँ पर फिल्म की कहानी जहाँ पर एक नया मोड लाती है जहाँ पर एक बोल सकते हैं फिल्म को यानी विशाल को इस फिल्म में जो कि सुरती हसन एक्ट्रेस को इस फिल्म में जो कि दिव्या का रोल प्ले कर रहे हैं तो वो उनके साथ जो मुलाकात होती है एक मॉल में फिर उनके बाद उसके साथ जो प्यार में पड़ जाते हैं उनके साथ फिर उसके बाद जो चीज़ें बदलती है जिस तरह से उनके पीछे पड़ जाते हैं गुंडे फिर उसके साथ विलन पड़ जाते हैं फिर उनके बाद उनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं फिर हर एक चीज़ें विशाल को ऊपर जो ठान दिया जाता है फिर वो कैसे क्या चीज़ें एक है, हैंडल करते हैं ख़तरनाक चीज़ें किस तरह से स्टंट लेते हैं अपने फैमिली में भी उस तरह से कुछ उनका एक पुराने रिश्तेदार में जिस तरह से वो एक बोल सकते हैं विशाल को कुछ मतलब फैमिली में एक प्रॉब्लम हो जाता है जहाँ पर उनको एक लड़की ने फंसा यानी ज़बरदस्ती फंसा दिया जाता है उसके बाद उनकी मम्मी उनको घर से निकाल दिया जाता है फिर उनके बाद उसके कई साल हो जाते हैं वो अपने मतलब एक बात के लिए तरसते हैं यानी सुनने के लिए जवाब के लिए विशाल उनकी माँ का तो फिर वो बात नहीं करते हैं फिर उसके साथ वो चीज़ें कैसे क्या बदलती है फिर कैसे क्या वो अपने फैमिली में फिर दोबारा आते हैं फिर मिल पाते हैं वो कैसे क्या करते हैं वो ऐसा क्या काम करते हैं फिर उनकी माँ उनके साथ जो मिलने के लिए तरसते हैं फिर बाद में वो सभी चीज़ें कैसे क्या, क्या एक बेहतरीन तरीके से दिखाई गई तो फिल्म की कहानी वही बनाती है कि इस तरह से कैसे अपने फैमिली के लिए वो किस तरह से कौन से कदम उठाते हैं तो दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट के हरी हरी सर के डायरेक्शन के अलावा उनकी फिल्म में स्क्रिप्टिंग स्टोरी आइडिया डायलॉग्स स्क्रीन प्ले ये सभी चीजें आपको इस फिल्म में उनका ही देखने को मिलती है तो दोस्तों इस फिल्म का प्रोड्यूसर की बात की तो विशाल इस फिल्म में खुद प्रोड्यूस किए हैं जो कि काफ़ी बड़े एक्टर भी हैं और साथ ही प्रोड्यूस भी किए तो इस फिल्म में उन्होंने खुद ही प्रोड्यूस किए थे साथ ही दोस्तों स्टार्टिंग कास्ट की बात की जाए तो लीड कास्ट की इस फिल्म की तो सुपर स्टार जो कि एक्टर विशाल साउथ इंडस्ट्री के उसके साथ ही ब्यूटीफुल एक्टर सुरती हसन सोरी उसके साथ सत्य राज राधिका मुकेश तिवारी आप सभी को इस फिल्म में स्टार्टिंग लीड कास्ट में देखने को मिलती है तो दोस्तों फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात की जाएगी तो पुरियन का इस फिल्म में सिनेमाग्राफिक हम सभी को इस फिल्म में देखने को मिलती है वहीं पर आ, वी टी आ, वी जन आ, टी एस का आपको इस फिल्म में एडिटिंग देखने को मिलेगी यानी उन्होंने इस फिल्म को एडिट किए थे जहां पर 158 मिनट का रनिंग टाइम दिए थे इस फिल्म में यानी कि दो घंटा अड़तीस मिनट की डेफिनेटली uh, इतनी रनिंग टाइम के साथ आपको इस फिल्म को पूरी की पूरी देखने को मिलती है तो दोस्तों साथ ही म्यूजिकल डिपार्टमेंट की भी बात की जाएगी तो युवान शंकर राजा ये सब फिल्म में यानी उनका साउंड ट्रैक एल्बम कंपोजिंग बैकग्राउंड स्कोर ये सभी आपको इस फिल्म में सुनने को मिलती है पूरी की पूरी सॉन्ग्स की साथ ही दोस्तों म्यूजिकल डिटेल की भी बात की जाएगी तो दोस्तों पहला सॉन्ग का जो टाइटल है तो दोस्तों तमिल वर्जन की बात कर रहा हूँ जहाँ पर आपको जो कि डब्ड वर्जन में भी सुनने को मिल जाएगी तो अगर सुनना है तो आप सुन सकते हो तो पहला सॉन्ग का टाइटल की बात की जाए तो देवटाई जो सॉन्ग था उसको सिंगिंग की बात की तो निवास सर ने सिंगिंग किए थे जहाँ पर चार मिनट चार मिनट चार सेकंड का सॉन्ग की लेंथ सुनने को मिलती है वहीं पर दूसरे सॉन्ग की टाइटल इपडिया जो सॉन्ग था उसको राहुल सर ने सिंगिंग किए थे चार मिनट चौथे सेकंड का सॉन्ग की लेंथ सुनने को मिलती है जहाँ पर नंबीर और मिली नहर भी सिंगिंग किए थे इस सॉन्ग में तीसरे सॉन्ग की टाइटल की बात की तो उड़ी उड़ी जो सॉन्ग था पलक्कड सर ने सिंगिंग के थे और उसके साथ श्री राम सर ने भी सिंगिंग किए जहाँ पर चार मिनट बत्तीस सेकंड की सॉन्ग की लेंथ सुनने को मिलती है उसके साथ ही दोस्तों चौथे सॉन्ग की टाइटल सोडा बॉटल जो सॉन्ग था उसको योजन नियर सर ने सिंगिंग के थे एंडोनी सर ने सिंगिंग किए थे उसके साथ ही दसन उसके साथ ही सत्यन इतने सिंगर सर ने मिलकर जो सिंगिंग किए थे इस सॉन्ग को जहाँ पर चार मिनट चौथी सेकंड की सॉन्ग लेंथ सुनने को मिलती है इसी तरह आप सुन सकते हैं आठवें सॉन्ग की टाइटल उरे उ जो सॉन्ग था उसको सिंगिंग की बात की तो युवन शंकर राजा सर ने सिंगिंग किए थे जहाँ पर दो मिनट छब्बीस सेकेंड की सॉन्ग की लेंथ सुनने को मिलती है वहीं पर छठे सॉन्ग की टाइटल जो कि वेर वेरो कांडिकर्तरे जो सॉन्ग था उसको कार्तिक सर ने सिंगिंग किया उसके साथ ही पूजा ये भी सर ने भी सिंगिंग किए थे जहाँ पर तीन मिनट छियालीस सेकंड की सॉन्ग की लेंथ सुनने को मिलती है तो इसी तरह आप इस सॉन्ग की पूरी की पूरी सॉन्ग्स अगर आप सुनना चाहते हो तो आपको डेफिनेटली सॉन्ग सुनने को मिल जाएगी जहाँ पर वी म्यूजिक डी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सुनने को मिल जाएगी तो आप इस तरह से इस फिल्म की सॉन्ग्स को इन्जॉय कर पाएंगे तो दोस्तों साथ ही फिल्म की प्रोडक्शन की भी बात की जाएगी तो विशाल फिल्म फैक्ट्री के बैनर के नीचे इस फिल्म को बनाई गई थी वहीं पर डिस्ट्रीब्यूट की बात की तो वेंदर मूवीज़ की ओर से कंप्लीट करवाई गई इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूट तो दोस्तों अब कास्टिंग के बारे में भी फिल्म की बात की जाएगी तो फिल्म की कास्टिंग के बारे में अगर मैं आप सभी को बताता हूँ तो दोस्तों विशाल एज ए वासुदेवन का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते हुए नज़र आएंगे जहाँ पर मेन हीरो रहते हैं इस फिल्म में सूरती हजन एज ए दिव्या का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे जहाँ पर डी और वासुदेवन को लव इंटरेस्ट इस फिल्म में दिखाते हैं उसके साथ ही दोस्तों सत्यराज एज ए एस पी शिवा कोचुंडू का रोल आपको, इस, का आपको इस, इस फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे राधिका एज ए जो कि राजा लक्ष्मी का रोल आपको नजर आते जहां पर वासुदेवंश के मदर रहते हैं इस फिल्म में यानी इस फिल्म में उनका मां रहते हैं मुकेश तिवारी एज ए अन्ना थड़म का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे जहाँ पर मेन अंटा इस फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे सूरी एज ए कुट्टी पुल्ली का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे इसके साथ ही जयप्रकाश एज ए रामा स्वामी का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे जहाँ पर वासुद के फर्स्ट योंग जो कि पाटरेलन अंकल रहते हैं इस फिल्म में प्रताप फोटन आपको इस फिल्म में प्रताप फोटन एज ए दिव्यास का फादर का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे जानकी जो कि साबेश एज ए दिव्यास के मदर का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे अलाई विशावल विजय एज ए कुरस्वामी का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे जहाँ पर वासुद के सेकेंड योंग जो कि पाटरेन अंकल रहते इस फिल्म में उसके साथ, तो उसके साथ ही जो कि अवधेश मिश्रा एज ए राय बहादुर का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते तो नज़र आएंगे और उसके साथ ही माधुमिल्ला एज ए सिल्वी का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नज़र आएंगे अभिनया एज ए दुर्गा का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नज़र आएंगे ऐश्वर्या एज ए लक्ष्मी जो कि शिवक को चुंडिस के वाइफ का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नज़र आएंगे सीतरा एज ए रामास्वामी का वाइफ का रोल आप किस फिल्म में प्ले करते नज़र आएंगे अवसलिया एज ए सुशीला का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे जहाँ पर कुरास्वामी के वाइफ रहते है इस फिल्म में साथ ही रेणुका एज ए मानी मेघालई का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे जहाँ पर दुर्गाज के मदर रहते इस फिल्म में उसके साथ ही सोनराजा एज ए सौंड्रर का रोल आप किस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे मोना बल्ला एज ए को का रोल आप किस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे जहाँ पर ग्रुप्स के मैनेजर रहते इस फिल्म में

करेट राजा ऐसे अन्ना थडम्स के हेमसल का रोल आपको इस फिल्म में फिल प्ले करते नजर आएंगे पोंडी रवि एज ए सुंदरम का रोल आपको इस फिल्म में फिल प्ले करते नजर आएंगे जहाँ पर अन्ना थडम्स के हेमसल रहते हैं इस फिल्म में नरसिंह ए यादव ऐसे राय

का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करता नजर आएंगे जहाँ पर वासुस के सिस्टर रहते हैं इस फिल्म में अंदिरा जर्मिनिया आपको इस फिल्म में स्पेशल अपरमेंस इन द सॉन्ग जो कि सोडा बोतल में आपको इस फिल्म में प्ले करते तो नजर आएंगे जो कि इस फिल्म में प्रोमैन कास्ट है लीड इसमें मेन रोल आपको उन्होंने नजर आएंगे तो इस तरह से इस फिल्म में जितने भी कास्ट है कास्टिंग की बात की है आपको इस फिल्म में इसी तरह प्ले करते तो नजर आएंगे तो दोस्तों पूजा यानी कि हिम्मतवर जिसको हिंदी में नाम दिया गया तो फिल्म को बाईस अक्टूबर टू में दिवाली के जो कि मौके पर फिल्म को फेस्टिवल पर रिलीज की गई थी सिनेमा थेटिकली आपके नज़दीकी सिनेमा थेटिकली पर जहाँ पर तमिल तेलुगु में फिल्म को रिलीज की गई थी तमिल okay अपूजय नाम रखा गया था तेलुगु में पूजा नाम रखा गया था फिर लेटर वन चीज़ें कुछ चीज़ें लेटर वन फिर बाद में हिंदी वर्जन में फिल्म को हिम्मत वर्ग के नाम के साथ ही ओरिजिनल जो कि हिंदी डब्ड करके रिलीज़ की गई थी जिस तरह से फिल्म को आपको सुनने में काफ़ी आसान लगेगी जो कि आपको का, काफ़ी कहीं भी थोड़ी बहुत कमियाँ नहीं आएगी जो कि फिल्म हिंदी में जिस तरह से डब्ड करके रिलीज़ की गई आपको लगेगा ही नहीं फिल्म ये नहीं देगा कि रिलीज़ की गई जो कि ओरिजिनल फिल्म की जैसी लगेगी तो इस तरह से इस फिल्म को रिलीज़ की गई थी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना तो तो जब पूजा यानी के हिम्मतवर जिस फिल्म को हिंदी में नाम रखा गया तो फिल्म को थिएट्रिकली पर रिलीज की गई थी तब क्रिटिक्स का रेस्पॉन्स की तरफ से मिक्स्ड टू पॉजिटिव रिव्यूज मिला है इस फिल्म साथ ही दोस्तों फिल्म को आई पर फाइव आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली हुई है जहां पर ऑडियंस ने इस हद तक इस फिल्म को पसंद की गई थी वहीं पर रोटेन टोमेटोस की तरफ से सेवेंटी इस फिल्म को फ्रेश फिल्म माना गया वहीं पर साथ ही गूगल की तरफ से सिक्सटी नाइन परसेंट इस फिल्म को ऑडियंस ने पसंद किया है जिस तरह हद तक इस फिल्म को कॉमेडी जोन में जिस तरह से बोल सकते हैं रोमांटिक कॉमेडी एक्शन जोन में फिल्म को बनाया गया तो उस तरह से इस फिल्म को पसंद किया गया था अब दोस्तों साथ ही फिल्म की बजट की बात किए तो एक तमिल इंडस्ट्री की तरफ से एक मीडियम बजट के हिसाब से फिल्म को बनाई गई थी जहाँ पर पच्चीस करोड़ रुपये में फिल्म को बनाई है वहीं पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर बात किए तो फोर्टी करोड़ रुपये की कमाई की है जिस हिसाब से फिल्म ने थेट्रिकली पर रन दिखाई थी यानी कि एक बोल सकते फिल्म ने तापड़ो तापड़, तापड़, तापड़ कमा किया जहां पर जिस हिसाब से फिल्म थेटरी गली पर रिलीज की गई थी तमिल तो इंडस्ट्री की तरफ से फिल्म एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बन चुकी है तो कम समय में एक ग्रोथ हासिल करके दी थी जो कि एक विशाल काम काफी हद तक इस फिल्म में एक एक्टर एक की विशाल एक्टर की काम जो है इस फिल्म में वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट से बेस्ट रही है इसीलिए उन्होंने एक जान फूक दिए थे यानी इस फिल्म में हर एक एक जो किरदार है उन्होंने एक जिस तरह से चीजें जो की है वो आपको काफी हद तक पसंद आने वाली है तो वही सभी इस फिल्म में इस तरह से उन्होंने फिल्म को पूरी की पूरी बांधे रखी है तो उनकी वजह से फिल्म काफी हद तक इस फिल्म को जो कि वायरल करती हुई नजर आई है जो कि ब्लॉक फिल्म बना चुकी है जो कि तमिल इंडस्ट्री की तरफ से तमिल ऑडियंस ने तो काफी हद तक पसंद की है बट अदरवाइज इस फिल्म को जिस तरह से हिंदी वर्जन में हिम्मतवर के नाम से जो रिलीज की गई थी जो फिल्म को तो फिर क्या ही मतलब क्या ही बताऊँ वो फिल्म को जो जिस तरह से हिंदी ऑडियंस ने काफी हद तक इस फिल्म को पसंद की है अभी भी फिल्म को चार चार बार पाँच पाँच बार फिल्म को देख ही रहे हैं तो जितना भी देखते हैं उतना कम लगता है फिल्म को क्योंकि इस तरह से कुछ कहानी बनाई गई है तो दोस्तों अब फिल्म के बारे में अगर डिस्कस करें तो फिल्म के बारे में अगर मैं आप सभी को बताऊँ विशाल एक्टर की परफॉर्मेंस इस फिल्म में जो कि काफ़ी ख़तरनाक देखने को मिलती है जो कि अब एक हर एक मोमेंट हार्ड मोमेंट लगेगी जो फाइटिंग सीन्स है उन्होंने जिस तरह से वो तमिल इंडस्ट्री में जो होते हैं मतलब एक योंग मैन किस तरह से कैसे करके दिखाते हैं मतलब अपने अंदाज़ में तो वही चीज़ इस फिल्म में दिखाएँ तो अपने अंदाज़ में उन्होंने जो मतलब हर एक स्टेप जो फिल्म में दिखाई है काफ़ी हद तक आपको वो पसंद आएगी उनकी काम इस फिल्म में वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट से बेस्ट जो हार्ड परफॉर्मेंस है फिल्म में उन्होंने करके दिखाई है फिल्म की फ़र्स्ट हाफ़ की अगर मैं आप सभी को बताऊं तो थोड़ा बहुत तो आपको, आपको कहीं ना कहीं कमियां लगेगी मतलब उतना कुछ बोरिंग थोड़ा बहुत नहीं लगेगी मतलब थोड़ा बहुत इंटरवल के बाद फिल्म खींचती है जहां पर फिल्म की कहानी जिस तरह से वो लेके जाती है असली कहानी पर मुद्दे पर फिल्म के जो बोल सकते हैं जहाँ पर वो एक लड़की से मुलाकात होती है फिर उससे कैसे प्यार होता है फिर उसके बाद उसके अपनी माँ जो है सगी माँ फिर कैसे घर से निकाल देते कहानी की वही फ़िल्म की कहानी बनाती है फिर आगे वही सभी फिल्म में आपको पता चलेगी तो फिल्म के सॉन्ग्स सेकंड हाफ आप में आपको कहानी मोमेंट जो कैची लगती है वहीं पर फिल्म की जो हर एक मतलब कॉन्सेप्ट है वहीं पर पता चलती फिल्म को क्या कॉन्सेप्ट रखा गया तो थोड़े बहुत आपको डिले लगेगी फिल्म की कहानी उसकी जो फिल्म की नए नए कुछ जो कि मोड नया मोड जो लाती है वहीं पर लव स्टोरी के बाद फिल्म में कहानी देखने को मिलती है सेकेंड इंटरवल के बाद फिल्म में सेकेंड हाफ में और एंडिंग फिल्म की कब कैसे गुजरती है वही आपको पता भी नहीं चलती है। फिल्म कोई वन टाइम अब अगर एक बार देखेंगे तो मुझे नहीं लगता फिल्म को अभी तक कोई मिस किए बट फिर भी फिल्म को काफ़ी समय हो चुका है अगर देख लें तो अच्छी बात है अगर आप फिर भी एक बार देखेंगे तो मुझे नहीं लगता फिल्म आप छोड़ के जा सकता बिकॉज काफ़ी बड़े एक्टर की फिल्म है इनकी काम जो है काफी हद तक अच्छी रहती है इस फिल्म में भी करके दिखाएं तो इस तरह से फिल्म की सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छी है सॉन्ग तमिल सॉन्ग है तो उतना कुछ ठीक ठाक है मतलब उतना कुछ खास लगे नहीं मुझे स्कोर फिल्म की जो सिनेमाटोगोग्राफिक एक्शन सिकल्स काफ़ी तगड़ा तगड़ा देखने को मिलती है ख़तरनाक मोमेंट है जो ख़तरनाक से ख़तरनाक बड़ा हार्ट मोमेंट्स देखने को मिलते हैं जो वी एफ एक्स के ऊपर फिल्म की जिस तरह से करके दिखाए एडिटिंग की काम जो चीज़ें जिस तरह से बेहतरीन में मतलब कहानी जो एक थोड़ा बहुत मुझे लगता है फिल्म को ज़्यादा ही मतलब रनिंग टाइम ज़्यादा ही रखा गया थोड़ा बहुत काट छाट के फिल्म को और थोड़ा बहुत कम कर सकते थे मतलब जो भी चीज़ें बेस्ट ऑफ फालतू टाइम है टाइमिंग है वो काफ़ी कहीं ना कहीं छोटे मोटे चीज़ें वो मतलब थोड़े बहुत अनसेसरी वो सब इग्नोर कर सकते थे अगर आप वो सब इग्नोर करोगे तो फिल्म अच्छी लगेगी अदरवाइज वो सभी डायरेक्टर की डायरेक्शनल वो सभी थोड़ा बहुत अगर कहीं ना कहीं कमियाँ नजर आती वो सभी अगर चीज़ें कहीं ना कहीं फिल्म ज्यादा अगर खींची है वही कमियाँ नजर करती है फिल्म में तो वो सभी अगर छोड़ती है तो फिल्म कहीं ना कहीं और ज़्यादा चलती बट फिर भी चीजें जिस तरह से कहीं ना कहीं दिखाई है वो भी चीज़ें काफी बिल तारीफ़ से कम नहीं है तो ये सभी चीज़ें अगर आप ये सभी चीज़ें के अलावा डायरेक्टर की बात किए डायरेक्शनल की तो का इस तो फिल्म में जिस तरह से कॉन्सेप्ट एक बोल सकते हैं फैमिली के ऊपर जिस तरह से वो फैमिली के ऊपर रोमांटिक उसके साथ ही कॉमेडी जोन उसके साथ ही जिस तरह से वो हर एक फ़न मोमेंट जो इंटरवल में जिस तरह से मतलब एक जिस तरह से रिसेप्ट यानी रिसेप्ट में उन्होंने जो कि स्क्रिप्टिंग दिए हैं विशाल के ऊपर तो वही काबिल तारीफ से कम नहीं मतलब विशाल खुद एक प्रोड्यूसर है एक एक्टर भी है तो उन्होंने खुद अपने अंदाज में करके दिखाया तो चीजें काफी हद तक आपको पसंद आएगी तो हरिका इस फिल्म में क्या कैसा रहा वो फिल्म देखने के बाद ही आपको उनका डायरेक्शनल पसंद आने वाली है अगर आप ये सभी फिल्म में देखना चाहते हो तो जाके फिल्म को देख सकते हो तो दोस्तों इस फिल्म को कैसे देख पाओगे मैं आप सभी को बता दूं कि ऑनलाइन के जी फाइव ऐप पर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली विथ इंग्लिश सब के साथ हिंदी लैंग्वेज में हिम्मतवर नाम के साथ आप फिल्म को ऑफिशली फ्री में देख पाओगे विदाउट सब्सक्रिप्शन विदाउट इस फिल्म में मतलब कोई भी लॉग कुछ भी आप ऐसे ही फिल्म को देख पाओगे तो आप जाके इस तरह से इस फिल्म को एंजॉय कर पाएंगे जी हाँ दोस्तों साथ ही दोस्तों इस फिल्म का सैटेलाइट राइट्स की बात की तो जी सिनेमा जी सिनेमा एच डी चैनल के ऊपर सैटेलाइट टीवी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियम करता हुआ नजर आएगा साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तो बहुत ही अच्छी बात है अगर आप हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट फड़ सब्सक्राइब करके रख सकते साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी दबाना मत भूलिएगा तो दोस्तों फिल्म की डेवलपमेंट की बात की जाएगी तो फिल्म की डेवलपमेंट की बात की है तो इन दिसंबर 2023 के ईयर में विशाल जो कि टोल्ट द टीवी प्रोड्यूसर की बात किये, तो फेचर की तो फीचर की यह फिल्म विच विट वी डायरेक्टर हरी एंड रहेंगे उस फिल्म में उनका जो प्राइवेट कोलाबरेट हुए थे अगेन उनकी आफ्टर सक्सेस फिल्म की बात उनके साथ कोलाब्रेशन की बात की तो जो वेंचर जो कि थामिर अभी वनी जो फिल्म था 2007 में उसके साथ उनके साथ आफ्टर जो कि डायरेक्शनल फिल्म में जो कि काम करते हुए नजर आएंगे जहाँ पर ट्रेंगल कुछ एक्शन स्टोरी इस फिल्म में विचेज कुछ अलग अलग रहेगा जो कि कॉम्बिनेट कर रहे हैं फिल्म में एंडिंग पटना में इस रिविलिंग यू शंकर के द्वारा जहाँ पर पटना में करती हुई जो कि करेंगे राजा इन ऑलरेडी कंप्लीटेड जो कि कंपोजिंग इस फिल्म को लिए सॉन्ग फिल्म सॉन्ग्स के लिए बिफोर प्रोडक्शनल की काम करते हुए नजर आएंगे जहाँ पर कॉम्बिनेंस की बात की तो द फिल्म ऑफिशियली लॉन्च की बात की थी जहाँ पर ट्वेंटी मार्च टू के ईयर में जहाँ पर विथ प्रेसेस हुए थे जो कि रिलीजिंग जो कि नामिनिंग हुई थी द फिल्म कास्ट ऑफ व्यू जो कि युवान शंकर राजा सेलेक्टेड हुए थे द कम्बोज की फिल्म की मेजिंग के लिए जहाँ पर फॉर द फिल्म प्रेम एंड वी टी वी ऑफ जो कि वीअर कंफर्म हुए थे जो फिल्म की जो कि सिनेमाग्राफिक उनको दिया जाएगा उसके साथ एडिटिंग ऑफ द फिल्म की जो रेस्पॉन्सबिलिटी है सूरती हसन आ, वो सब जो कि फिल्म की करवाई जाएगी उसके साथ सूरती हसन अपना आल्सो सेलेक्टेड हुए थे जो डू कॉस्टमिट डिज़ाइनिंग के लिए तो उन्होंने खुद अपना जो डिजाइनिंग है सुरती हसन अपने अंदाज में खुद ही करवाई है इस फिल्म में तो दोस्तों इस तरह से इस फिल्म की डेवलपमेंट की बात हुई थी तो दोस्तों अब फिल्म की कास्टिंग के बारे में भी बात की तो फिल्म की कास्टिंग के बारे में अगर मैं आप सभी को बताऊँ अर्ली रिपोर्टली डिसंबर सजेस्टेड हुए थे जहाँ पर सुरती हसन सिंगिंग साइन किए थे फिल्म में प्ले करते तो नज़र आएंगे जब फिल्म हीरोइन का रोल है वो नजर आएंगे जहाँ पर थ्रू ओनली कन्फर्म हुए थे जो कि पर्टिकल्टी जो कि जो कि पार्टी के नेसन इन द मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर के ईयर में जहाँ पर सत्यराज एंड सूरी फिल्म में भी ज्वाइन हुए थे जब पर कास्ट ऑफ टू रोल प्ले करते हो सपोर्टिंग रोल में प्ले करते हो नजर आएंगे विल एक्टरिस जो कि कौशल्या एंड अनौंसमेंट किए थे उनके भी रोल प्ले करते नजर आएंगे मेकिंग इन द कम बैक विद द फिल्म स्टारिंग दो ऑल्सो साइड अदर सपोर्टिंग एक्टरिस का जो रोल है वो फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे द टीम अनाउंसमेंट की जो कि रेखा के थे जहाँ पर प्ले विशाल मदर उन फिल्म में नजर आएंगे जहाँ पर फिल्म बट अन जो कि अनएबिलिटी जो कि फिल्म की मेंट है जो दट इट फिल्म के टीम लेटर ऑन कास्ट राधिका शरद कुमार इंस्टेट हुए थे जहाँ पर प्रतापोर्तन पो, एंड जो जो कि जान की, की uh, साविश वे ऑल्सो सेलेक्टेड के रोल जो प्ले है वो उस नजर आएंगे जहाँ पर सुरती हसन भी आ जो कि पर्यटन की रोल लिए थे जहाँ पर आधीरा जर्मिया उसके साथ ही सेलेक्टेड हुए थे मेक ऑफ कमियो अपेंस में जो कि फोलोअप सॉन्ग्स में और सपोर्टेड हुए थे जहाँ पर वर्ल्ड लुक जो फॉरम की फिल्म की थैंक्स हुए थे जहाँ पर दिस सिमोलिटिन की शूट फॉर एस जो कि राजा के बाहुबली Uh, 2015 में फिल्म आई थी उसके साथ रोल पे भी साइड की काम करते हुए नजर आए जहाँ पर साइड हुई थी जहाँ पर वेरी पावरफुल एंड आल्सो सस्पेंड एलिमेंट जो ऑफ द फिल्म की है वो सभी भोजपुरी फिल्म एक्टर आदिवेश की तरह मिस मिश्रा सेलेक्टेड हुए थे जो लोल रोल है गैंगस्टर इन द फिल्म की विच इस मेकर्स की डब्ड हुए थे जहाँ पर तमिल सिनेमा वैभव रेड्डी सेलेक्ट हुए थे फॉर इंपॉर्टेंट रोल इन द फिल्म बट इज रोल वे नॉट अ पार्ट ऑफ द फिल्म की जो कि विनय बिहारी वही इज द यूथ आर्ट कल्चर मिनिस्टर ऑफ द बिहार पर का रोल सेलेक्टेड हुए थे इस फिल्म में जो कि रोल है वो प्ले करते हुए नजर आएंगे डिस्ट्रीब्यूट कोलेबरेट की द फिल्म की जो कि सिनेमाटोग्राफिक पॉइंट की प्रोडक्शनल विद द एक्सपीरेंस की इंस्ट हुए थे एक्टिंग की हरी इस फिल्म में जो बिहार लोकेशन में शूटिंग की गई थी जहाँ पर भरत राज मिस्टर इंडिया सेकेंड रनर की अप टू थाउजेंड फोर्टीन में टाइटल फिल्म को कैरीमेल करके रोल है जो जो कि कलेक्टर हुए थे सन ऑफ द सन फ्रॉम बिहार में जो कि अभिनय सेलेक्टेड हुए थे टू प्ले का सपोर्टिंग रोल है वो मुकेश तिवारी सेलेक्ट हुए थे दो कि रो टू प्ले रोल है वो मैन अगेंस्ट हुए थे इस फिल्म में तो इस तरह से इस फिल्म की कास्टिंग की रोल बात की गई थी तो अब दोस्तों फिल्म की फिल्मिंग की बात की जाएगी तो फिल्म की फिल्मिंग की अगर मैं आप सभी को बताऊँ प्रिंसिपल फोटोग्राफी कमेंस इन एटीन अप्रैल टू थाउजेंड की ईयर में चेन्नई में डूरिंग शूट रखा गया था एक्शन स्वीकल्स वहीं पर लिया गया था ऑन स्कोर जो वेत सेट हुई थी जहां पर सली गुरम के जगह पर जहां पर विशाल इंजर हुए थे वहां पर शूटिंग के दौरान मिडिल फिंगर में राइट में एंड उसके साथ ही विच चौदह स्टैच आई थी फिर आज की एडमिट्स हुए थे जहाँ पर इन द सूट की वास्त टेम्प्रेरी हल्टेड द आइटम नंबर फिथिंग विशाल वहाँ पर अंदिरा का जर्मनी की सो उस इस तरह से शूट करवाई गई थी अर्ली मे में आजों की बैकअप ड्रॉप की ऑफ द जो कि कम्दू मार्केट में चेन्नई में फिल्म की वहाँ पर शूटिंग लिया गई थी उसके साथ लेटर वन यूनिट की प्रोसेस की बात की थी जहाँ पर कॉम्बरेट करके फिल्में की मेजर प्रोडक्शनल ऑफ़ द फिल्म एट द टाइम इस वॉस की अहरिका प्लान किए थे जहाँ पर रैप अप करके फिल्म शूट चालीस फोर्टीन वर्किंग डेज की तरफ से जहाँ पर चालीस दिन में फाइटिंग स्विकल्स की शूट लिया गया था जहाँ पर पॉपुलर मेल मल्टीप्लेक्स दर की सीन्स है वो सभी इन्वॉल्विंग की विशाल एंड सूर्ती हसन को वी आर आल्सो शूट किया गया था जहाँ पर द फिल्म मॉल कॉम्बेरेट जो कि कॉम्बरेट करके द फिल्मिंग जो कंटिन्यू है एट कराए कु जो इन अर्ली जुलाई में लिया गया था जहाँ पर सेंसेस की फेचिंग की इंस्पेंसिपल कास्ट ऑफ शूट की द फिल्म शूटिंग वहीं पर कंटिन्यू करवाई गई थी जहाँ पर इट हॉट वेदर मेकिंग की थिंग्स डिफरेंटिकल कुछ विशाल को वहाँ पर सेपरेट की गई थी इंजोर भी हुआ था फिर उसकी वजह से फिर सेकेंड टाइम इन द फिल्म शूट जो कि सफरेट हुए थे जो कि फेवरेट डूरिंग दूट ऑफ द एन एक्शन शूकल्स की आफ्टर ट्राइंग टू अवल्ट फिल्मिंग की इस अफेस की में कुछ स्प्लिट हुई थी फिल्म की एबसोरेट शूट करते हुए जहाँ पर द फर्स्ट वीक में ऑफ अगस्त टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर के ईयर में फिल्में लिया गया था जहाँ पर क्लाइमैक्स की शूट पटना इन द टेन डेज में शेड्यूल रखा गया था एंड बाय देन नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ द फिल्म की शूट कंप्लीट की गई थी जहाँ पर द क्लाइमैक्स सैड हैव यू जो रिक्स की स्टंट है विच शूट फिल्म की फर्स्ट फाइनल शेड्यूल बहुत विशाल एंड सूरती हसन कैरवी जो कि कैरवी करते नजर आए जो आउट ऑफ रिस्क स्टंट जो अंडर फाइट सीन्स बाय टेंस की जो सम है वो क्लाइमेक्स में आल्सो शूट जो कि गोलीकोंडा फोर्ट इन हैदराबाद इन स्पेशल एंड एनवेंट्स की सेट जो कि हुए थे फॉर द क्लाइमैक्स एंड ये सॉन्ग्स की आल्सो शूट थ्री ऑन इन इट इस कम्पलेशन जो कि वन रोमांटिक सॉन्ग्स की शूट जो कि सीट वेजिलेंट एंड उसके साथ ही रिमेनिंग करके फास्ट पेसेस ली गई थी सॉन्ग के लिए शूट इन चेन्नई में भी विशाल सूरती हसन कंप्लीट किए थे शूटिंग की हार्ड फोलक सॉन्ग्स के लिए स्वीकेंस के बीच शूट जो कि इन ये वी एम फेसिकल्टीज की बाई बाबा भास्कर ऑफ सॉन्ग्स की सीक्वेंस आल्सो शूट इन पोलैंड में भी लिया गया था जहाँ पर ट्वेंटी नाइन सेक्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में ले गए थे एयर में जहाँ पर सूट थी कम कन्फर्म की गई थी दैट शूटिंग ऑफ द फिल्म की वॉस कंप्लीटेड हुई थी फिल्मिंग की तो इस तरह से इस फिल्म की फिल्मिंग की बात हुई थी तो दोस्तों आखिर में फिल्म के प्लॉट या फिर स्टोरी कह लो उसके बारे में भी कहानी के बारे में भी बात की जाएगी तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी जिस तरह से मैं आपको मतलब थोड़ा सा ही बताऊँगा जी दोस्तों नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी तो आपको मैं बता दूँ कि फिल्म की कहानी जहाँ पर विशाल यानी इस फिल्म में वासुदेवन जो रहते हैं यानी इस फिल्म में तो वो काफ़ी अपने फैमिली के तरफ से जो कि फैमिली में काफ़ी ज़्यादा वो मतलब अपना दिल व जान देते देता अपने फैमिली के लिए कोई भी कदम उठाते हैं तो हालाँकि इस फिल्म में जो जिस तरह से जो बिलन उनके पीछे फैमिली के पीछे पड़े रहते हैं तो फिल्म में कहानी वही बनाती है जहाँ पर चीज़ें कैसे क्या बदलती है जहाँ पर फिल्म की कहानी जहाँ पर एक नया मोड लाती है जहाँ पर एक बोल सकते हैं फिल्म को यानी विशाल को इस फिल्म में जो कि सुरती हसन एक्ट्रेस को इस फिल्म में जो कि दिव्या का रोल प्ले कर रहे हैं तो वो उनके साथ जो मुलाकात होती है एक मॉल में फिर उनके बाद उसके साथ जो प्यार में पड़ जाते हैं उनके साथ फिर उसके बाद जो चीज़ें बदलती है जिस तरह से उनके पीछे पड़ जाते हैं गुंडे फिर उसके साथ विलन पड़ जाते हैं फिर उनके बाद उनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं फिर हर एक चीज़ें विशाल को ऊपर जो ठान दिया जाता है फिर वो कैसे क्या चीज़ें हर एक है, हैंडल करते ख़तरनाक चीज़ें किस तरह से स्टंट लेते हैं अपने फैमिली में भी उस तरह से कुछ उनका एक पुराने रिश्तेदार में जिस तरह से वो एक बोल सकते हैं विशाल को कुछ मतलब फैमिली में एक प्रॉब्लम हो जाता है जहाँ पर उनको एक लड़की ने फंसाया यानी ज़बरदस्ती फंसा दिया जाता है उसके बाद उनकी मम्मी उनको घर से निकाल दिया जाता है फिर उनके बाद उसके कई साल हो जाते हैं वो अपने मतलब एक बात के लिए तरसते हैं यानी सुनने के लिए जवाब के लिए विशाल उनकी माँ का तो फिर वो बात नहीं करते हैं फिर उसके साथ वो चीज़ें कैसे क्या बदलती है फिर कैसे क्या वो अपने फैमिली में फिर दोबारा आते हैं फिर मिल पाते हैं वो कैसे क्या करते हैं वो ऐसा क्या काम करते हैं फिर उनकी माँ उनके साथ जो मिलने के लिए तरसते हैं फिर बाद में वो सभी चीज़ें कैसे क्या एक बेहतरीन तरीके से दिखाई गई तो फिल्म की कहानी वही बनाती है कि इस तरह से कैसे अपने फैमिली के लिए वो किस तरह से कौन से कदम उठाते हैं तो दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट के हरी हरी सर के डायरेक्शन के अलावा उनकी इस फिल्म में स्क्रिप्टिंग स्टोरी आइडिया डायलॉग्स स्क्रीन प्ले ये सभी चीजें आपको इस फिल्म में उनका ही देखने को मिलती है दोस्तों इस फिल्म का प्रोड्यूसर की बात की तो विशाल इस फिल्म में खुद प्रोड्यूस किए हैं जो कि काफ़ी बड़े एक्टर भी हैं और साथ ही प्रोड्यूस भी किए तो इस फिल्म में उन्होंने खुद ही प्रोड्यूस किए थे साथ ही दोस्तों स्टार्टिंग कास्ट की बात की जाए तो लीड कास्ट की इस फिल्म की तो सुपर जो कि एक्टर विशाल साउथ इंडस्ट्री के उसके साथ ही ब्यूटीफुल एक्टर सुरती हसन सोरी उसके साथ सत्यराज राधिका मुकेश तिवारी आप सभी को इस फिल्म में स्टार्टिंग लीड कास्ट में देखने को मिलती है तो दोस्तों फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात की जाएगी तो पुरियन का इस फिल्म में सिनेमाग्राफिक हम सभी को इस फिल्म में देखने को मिलती है वहीं पर आ, वी टी आ, वी जन आ, टी एस का आपको इस फिल्म में एडिटिंग देखने को मिलेगी यानी उन्होंने इस फिल्म को एडिट किए थे जहां पर 158 मिनट का रनिंग टाइम दिए थे इस फिल्म में यानी कि दो घंटा अड़तीस मिनट की डेफिनेटली uh, इतनी रनिंग टाइम के साथ आपको इस फिल्म को पूरी की पूरी देखने को मिलती है तो दोस्तों साथ ही म्यूजिकल डिपार्टमेंट की भी बात की जाएगी तो युवान शंकर राजा ये सब फिल्म में यानी उनका साउंड ट्रैक एल्बम कंपोजिंग बैकग्राउंड स्कोर ये से भी आपको इस फिल्म में सुनने को मिलती है पूरी की पूरी सॉन्ग्स की साथ ही दोस्तों म्यूजिकल डिटेल की भी बात की जाएगी तो दोस्तों पहला सॉन्ग का जो टाइटल है तो दोस्तों तमिल वर्जन की बात कर रहा हूँ जहाँ पर आपको जो कि डब्ड वर्जन में भी सुनने को मिल जाएगी तो अगर सुनना है तो आप सुन सकते हो तो पहला सॉन्ग का टाइटल की बात की जाए तो देवटाई जो सॉन्ग था उसको सिंगिंग की बात की तो निवास सर ने सिंगिंग किए थे जहाँ पर चार मिनट चार मिनट चार सेकंड का सॉन्ग की लेंथ सुनने को मिलती है वहीं पर दूसरे सॉन्ग की टाइटल इपडिया जो सॉन्ग था उसको राहुल सर ने सिंगिंग किए थे चार मिनट चौथे सेकेंड का सॉन्ग की लेंथ सुनने को मिलती है जहाँ पर नंबिर और मिली नयर भी सिंगिंग किए थे इस सॉन्ग में तीसरे सॉन्ग की टाइटल की बात की तो उड़ी उड़ी जो सॉन्ग था पलक्कड सर ने सिंगिंग किए थे और उसके साथ ही श्री राम सर ने भी सिंगिंग किए हैं जहाँ पर चार मिनट बत्तीस सेकंड की सॉन्ग की लेंथ सुनने को मिलती है उसके साथ ही दोस्तों चौथे सॉन्ग की टाइटल सोडा बॉटल जो सॉन्ग था उसको यूजिन नियर सर ने सिंगिंग किए थे एंडोनी सर ने सिंग किए थे उसके साथ ही दसन उसके साथ ही सत्यन इतने सिंगर सर ने मिलकर जो सिंगिंग किए थे इस सॉन्ग को जहाँ पर चार मिनट चौथी सेकंड की सॉन्ग लेंथ सुनने को मिलती है इसी तरह आप सुन सकते हैं पांचवे सॉन्ग की टाइटल उरे वे जो सॉन्ग था उसको सिंगिंग की बात की तो युवन शंकर राजा सर ने सिंगिंग किए थे जहाँ पर दो मिनट छब्बीस सेकेंड की सॉन्ग की लेंथ सुनने को मिलती है वहीं पर छठे सॉन्ग की टाइटल जो कि वेरोराम और कांडिकत्रेय जो सॉन्ग था उसको कार्तिक सर ने सिंगिंग किया था उसके साथ ही पूजा ये वी सर ने भी, भी सिंगिंग किए थे जहाँ पर तीन मिनट छियालीस सेकंड की सॉन्ग की लेंथ सुनने को मिलती है तो इसी तरह आप इस सॉन्ग की पूरी की पूरी सॉन्ग्स अगर आप सुनना चाहते हो तो आपको डेफिनेटली सॉन्ग सुनने को मिल जाएगी जहाँ पर वी म्यूजिक डी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सुनने को मिल जाएगी तो आप इस तरह से इस फिल्म की सॉन्ग्स को इन्जॉय कर पाएंगे तो दोस्तों साथ ही फिल्म की प्रोडक्शन की भी बात की जाएगी तो विशाल फिल्म फैक्ट्री के बैनर के नीचे इस फिल्म को बनाई गई थी वहीं पर डिस्ट्रीब्यूट की बात की तो वेंदर मूवीज़ की ओर से कंप्लीट करवाई गई इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूट तो दोस्तों अब कास्टिंग के बारे में भी फिल्म की बात की जाएगी तो फिल्म की कास्टिंग के बारे में अगर मैं आपसे भी उबरता हूँ तो दोस्तों विशाल एज ए वासुदेवन का रोल आपको जहां इस फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे जहाँ पर मैन हीरो रहते हैं इस फिल्म में सूरती हजन एज ए दिव्या का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे जहाँ पर डी और वासुदेवन को लव इंटरेस्ट इस फिल्म में दिखाते हैं उसके साथ ही दोस्तों सत्यराज एज ए एस पी शिवा कोचुंडू का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे राधिका एज ए जो कि राजा लक्ष्मी का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते हुए नजर आते हैं जहाँ पर वासुदेवंश के मदर रहते हैं इस फिल्म में यानी इस फिल्म में उनका मां रहते हैं मुकेश तिवारी एज ए अन्ना थम का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे जहां पर मेन अंटा इस फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे सूरी एज ए कुट्टी पुल्ली का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे इसके साथ ही जयप्रकाश एज ए रामा स्वामी का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे जहाँ पर वासुद के फर्स्ट योंग जो कि पाटरेलन अंकल रहते इस फिल्म में प्रताप फोटन आपको इस फिल्म में प्रताप फोटन एज ए दिव्यास का फादर का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे जानकी जो कि साबेश एज ए दिव्यास के मदर का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे अलाई विशावल विजय एज ए कुरस्वामी का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे जहाँ पर वासुद के सेकंड योंग जो कि पाटरेन अंकल रहते इस फिल्म में पिल्� उसके साथ ही आ, जो कि अवधेश मिश्रा एज ए राय बहादुर का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते हो नजर आएंगे और उसके साथ ही माधुमिल्ला एज ए सिल्वी का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते हैं नजर आएंगे अभिनया एज ए दुर्गा का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे ऐश्वर्या एज ए लक्ष्मी जो कि शिवक को चुंडिस के वाइफ का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नज़र आएंगे सीतरा ऐज ए रामास्वामी का वाइफ का रोल आपके इस फिल्म में प्ले करते नज़र आएंगे कौसलिया एज ए सुशीला का रोल आपका इस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे जहाँ पर कुरस्वामीज के वाइफ रहते इस फिल्म में साथ ही रेणुका एज ए मानी मेघालई का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे जहाँ पर दुर्गा के मदर रहते इस फिल्म में और उसके साथ ही सौंडराजा एज ए सौंडर का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नजर आएँगे मोना बल्ला एज ए को का रोल आपके इस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे जहाँ पर ग्रुप्स के मैनेजर रहते इस फिल्म में पंडी एज ए पंडी का रोल आपको इमाम गुरु का रोल आपको नजर आएंगे आर सुंदर ऑर्गेनिज्म का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नजर आते हैं संतान भरती जो कि संतना भरती एज ए अन्ना का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे ओ ये सुंदर एज ए दुर्गा का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे करेट राजा ऐसे अन्ना के हेमसल का रोल आपको इस फिल्म प्ले फिल करते नजर आएंगे पोंडी रवि ऐसा सुंदरम का रोल आपको इस फिल्म प्ले फिल करते नजर आएंगे जहाँ पर अन्ना के हेमसल रहते इस फिल्म में नरसिंह यादव ऐसे राय

का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करता नजर आएंगे जहां पर वासुस के सिस्टर रहते इस फिल्म में अंदिरा जर्मिनिया आपको इस फिल्म में स्पेशल अपरमेंस इन द सॉन्ग जो कि सोडा बॉटल में आपको इस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे जो कि इस फिल्म में प्रोमैन कास्ट है लीड इसमें मेन रोल आपको उन्होंने नज़र आएंगे तो इस तरह से इस फिल्म में जितने भी कास्ट है कास्टिंग की बात किए आपको इस फिल्म में इसी तरह प्ले करते नजर आएंगे तो दोस्तों पूजा यानी कि हिम्मतवर जिसको हिंदी में नाम दिया गया तो फिल्म को बाईस अक्टूबर टू में दिवाली के जो कि मौके पर फिल्म को फेस्टिवल पर रिलीज़ की गई थी सिनेमा थेटिकली आपके नज़दीकी सिनेमा थेटिकली पर जहाँ पर तमिल तेलुगु में फिल्म को रिलीज की गई थी तमिल में अपूजय नाम रखा गया था तेलुगु में पूजा नाम रखा गया था फिर लेटर वन चीज़ें कुछ चीज़ें लेटर वन फिर बाद में हिंदी वर्जन में फिल्म को हिम्मत वर्ग के नाम के साथ ही ओरिजिनल जो कि हिंदी डब्ड करके रिलीज़ की गई थी जिस तरह से फिल्म को आपको सुनने में काफ़ी आसान लगेगी जो कि आपको का, काफ़ी कहीं भी थोड़ी बहुत कमियाँ नहीं आएगी जो कि फिल्म हिंदी में जिस तरह से डब्ड करके रिलीज़ की गई आपको लगेगा ही नहीं फिल्म ही नहीं देगा कि रिलीज़ की गई जो कि ओरिजिनल फिल्म की जैसी लगेगी तो इस तरह से इस फिल्म को रिलीज़ की गई थी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना तो तो जब पूजा यानी के हिम्मतवर जिस फिल्म को हिंदी में नाम रखा गया तो फिल्म को थिएट्रिकली पर रिलीज की गई थी तब क्रिटिक्स का रेस्पॉन्स की तरफ से मिक्स्ड टू पॉजिटिव रिव्यूज मिला है इस फिल्म साथ ही दोस्तों फिल्म को आईएमडीबी पर 5.13 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है जहां पर ऑडियंस ने इस हद तक इस फिल्म को पसंद की गई थी वहीं पर रोटेन टोमेटोस की तरफ से 70% इस फिल्म को फ्रेश फिल्म माना गया वहीं पर साथ ही गूगल यूजर्स की तरफ से सिक्सटी नाइन परसेंट इस फिल्म को ऑडियंस ने पसंद किया है जिस तरह हद तक इस फिल्म को कॉमेडी जोन में जिस तरह से बोल सकते हैं रोमांटिक कॉमेडी एक्शन जोन में फिल्म को बनाया गया तो उस तरह से इस फिल्म को पसंद किया गया था अब दोस्तों साथ ही फिल्म की बजट की बात की तो एक तमिल इंडस्ट्री की तरफ से एक मीडियम बजट के हिसाब से फिल्म को बनाई गई थी जहाँ पर पच्चीस करोड़ रुपये में फिल्म को बनाई है वहीं पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर बात की तो फोर्टी करोड़ रुपये की कमाई की है जिस हिसाब से फिल्म ने थेट्रिकली पर रन दिखाई थी यानी कि एक बोल सकते फिल्म ने तापड़ 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 कमा की है जहां पर जिस हिसाब से फिल्म ने थेटरी गली पर रिलीज की गई थी तमिल तो इंडस्ट्री तरफ से फिल्म एक फिल्म एक बन चुकी है तो कम समय में एक ग्रोथ हासिल करके दी थी जो कि एक विशाल के काम काफी हद तक इस फिल्म में एक एक्टर एक विशाल एक्टर की काम जो है इस फिल्म में वन ऑफ द बेस्ट 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 से रही इसीलिए उन्होंने एक जान फूंक दिए थे यानी इस फिल्म में हर एक जो किरदार है उन्होंने एक जिस तरह से चीजें जो की है वो आपको काफी हद तक पसंद आने वाली है तो ही सभी इस फिल्म में इस तरह से उन्होंने फिल्म को पूरी की पूरी बांधे रखी है तो उनके वजह से फिल्म काफी हद तक इस फिल्म को जो, को जो कि वायरल करती हुई नजर आई है जो कि ब्लॉकबस्टर फिल्म बना चुकी है जो कि तमिल इंडस्ट्री की तरफ से तमिल ऑडियंस ने तो काफी हद तक पसंद की है बट अदरवाइज इस फिल्म को जिस तरह से हिंदी वर्जन में हिम्मतवर के नाम से जो रिलीज की गई थी जो फिल्म को तो फिर क्या ही मतलब क्या ही बताऊँ वो फिल्म को जो जिस तरह से हिंदी ऑडियंस ने काफ़ी हद तक इस फिल्म को पसंद की है अभी भी फिल्म को चार चार पाँच पाँच बार फिल्म को देख ही रहे हैं तो जितना भी देखते हैं उतना कम लगता है फिल्म को क्योंकि इस तरह से कुछ कहानी बनाई गई है तो दोस्तों अब फिल्म के बारे में अगर डिस्कस करें तो फिल्म के बारे में अगर मैं आप सभी को बताऊँ विशाल एक्टर की परफॉर्मेंस इस फिल्म में जो कि काफ़ी खतरनाक देखने को मिलती है जो कि अब एक हर एक मोमेंट हार्ड मोमेंट लगेगी जो फाइटिंग सीन्स है उन्होंने जिस तरह से वो तमिल इंडस्ट्री में जो होते हैं मतलब एक योंग मैन किस तरह से कैसे करके दिखाते हैं मतलब अपने अंदाज़ में तो वही चीज़ इस फिल्म में दिखाएं तो अपने अंदाज में उन्होंने जो मतलब हर एक स्टेप जो फिल्म में दिखाई है काफ़ी हद तक आपको पसंद आएगी उनकी काम इस फिल्म में वन ऑफ द बेस्ट 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 जो हार्ड परफॉर्मेंस है फिल्म में उन्होंने करके दिखाई है फिल्म की फ़र्स्ट हाफ़ की अगर मैं आप सभी को बताऊं तो थोड़ा बहुत तो आपको कहीं ना कहीं कमियां लगेगी मतलब उतना कुछ बोरिंग थोड़ा बहुत नहीं लगेगी मतलब थोड़ा बहुत इंटरवल के बाद फिल्म खींचती है जहां पर फिल्म की कहानी जिस तरह से वो लेके जाती है असली कहानी पर मुद्दे पर फिल्म के जो बोल सकते हैं जहाँ पर वो एक लड़की से मुलाकात होती है फिर उससे कैसे प्यार होता है फिर उसके बाद उसकी अपनी माँ जो है सगी माँ फिर कैसे घर से निकाल देते कहानी की वही फ़िल्म की कहानी बनाती है फिर आगे वही सभी फिल्म में आपको पता चली गई तो फिल्म के सॉन्ग्स सेकंड हाफ आप में आपको कहानी मोमेंट जो कैची लगती है वहीं पर फिल्म की जो हर एक मतलब कॉन्सेप्ट है वहीं पर पता चलती है फिल्म को क्या कॉन्सेप्ट रखा गया तो थोड़े बहुत आपको डिले लगेगी फिल्म की कहानी उसकी जो फिल्म की नए नए कुछ जो कि मोड नया मोड जो लाती है वहीं पर लव स्टोरी के बाद फिल्म में कहानी देखने को मिलती है सेकंड इंटरवल के बाद फिल्म में सेकंड हाफ में और एंडिंग फिल्म की कब कैसे गुजरती है वही आपको पता भी नहीं चलती है। फिल्म को वन टाइम अब अगर एक बार देखेंगे तो मुझे नहीं लगता फिल्म को अभी तक कोई मिस किया बट फिर भी फिल्म को काफ़ी समय हो चुका है अगर देख लें तो अच्छी बात है अगर आप फिर भी एक बार देखेंगे तो मुझे नहीं लगता फिल्म आप छोड़ के जा सकता है बिकॉज काफ़ी बड़े एक्टर की फिल्म है इनकी काम जो है काफ़ी हद तक अच्छी रहती है इस फिल्म में भी करके दिखाएँ तो इस तरह से फिल्म की सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छी है सॉन्ग तमिल सॉन्ग है तो उतना कुछ ठीक ठाक है मतलब उतना कुछ खास लगे नहीं मुझे बैगन स्क्र फिल्म की जो सिनेमाग्राफिक एक्शन सिकल्स काफ़ी तगड़ा तगड़ा देखने को मिलती है ख़तरनाक मोमेंट है जो ख़तरनाक से खतरनाक बड़ा हार्ट मोमेंट्स से देखने को मिलते हैं जो वी के ऊपर फिल्म की जिस तरह से करके दिखाए एडिटिंग की काम जो चीज़ें जिस तरह से बेहतरीन में मतलब कहानी जो एक थोड़ा बहुत मुझे लगता है फिल्म को ज़्यादा ही मतलब रनिंग टाइम ज़्यादा ही रखा थोड़ा बहुत काट छाट के फिल्म को और थोड़ा बहुत कम कर सकते थे मतलब जो भी चीज है बेस्ट ऑफ फालतू टाइम है टाइमिंग है वो काफी कहीं ना कहीं छोटे मोटे चीजें वो मतलब थोड़े बहुत अनसे वो सब इग्नोर कर सकते थे अगर आप वो सब इग्नोर करोगे तो फिल्म अच्छी लगेगी अदरवाइज वो सभी डायरेक्टर की डायरेक्शनल वो सभी थोड़ा बहुत अगर कहीं ना कहीं कमियाँ नजर आती वो सभी अगर चीजें कहीं ना कहीं फिल्म ज्यादा अगर खींची है वही कमियाँ नजर करती है फिल्म में तो वो सभी अगर छोड़ते तो फिल्म कहीं ना कहीं और ज्यादा चलती बट फिर भी चीजें जिस तरह से कहीं ना कहीं दिखाई है वो भी चीजें काफी काबिल तारीफ़ से कम नहीं है तो ये सभी चीज़ें अगर आप ये सभी चीज़ें के अलावा डायरेक्टर की बात की डायरेक्शनल की तो हरिका इस तो फिल्म में जिस तरह से कॉन्सेप्ट एक बोल सकते हैं फैमिली के ऊपर जिस तरह से वो फैमिली के ऊपर रोमांटिक उसके साथ ही कॉमेडी जोन उसके साथ ही जिस तरह से वो हर एक फन मोमेंट जो इंटरवल में जिस तरह से मतलब एक जिस तरह से रिसेप्ट यानी रिसेप्ट में उन्होंने जो कि स्क्रिप्टिंग दिए हैं विशाल के ऊपर तो ही काबिल तारीफ से कम नहीं मतलब विशाल खुद एक प्रोड्यूसर है एक एक्टर भी है तो उन्होंने खुद अपने अंदाज में करके दिखाए तो चीजें काफी हद तक आपको पसंद आएगी तो हरिका इस फिल्म में क्या कैसा रहा वो फिल्म देखने के बाद ही आपको उनका डायरेक्शनल पसंद आने वाली है अगर आप ये सभी फिल्म में देखना चाहते हो तो जाके फिल्म को देख सकते हो तो दोस्तों इस फिल्म को कैसे देख पाओगे मैं आप सभी को बता दूं कि ऑनलाइन के जी फाइव ऐप पर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली विथ इंग्लिश सब के साथ हिंदी लैंग्वेज में हिम्मतवर नाम के साथ आप फिल्म को ऑफिशली फ्री में देख पाओगे विदाउट सब्सक्रिप्शन विदाउट इस फिल्म में मतलब कोई भी लॉग कुछ भी आप ऐसे ही फिल्म को देख पाओगे तो आप जाके इस तरह से इस फिल्म को इन्जॉय कर पाएंगे जी हाँ दोस्तों साथ ही दोस्तों इस फिल्म का सैटेलाइट राइट्स की बात की तो जी शर्मा जी शर्मा एच डी टी वी चैनल के ऊपर सैटेलाइट टी वी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियम करता हुआ नजर आएगा साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तो बहुत ही अच्छी बात है अगर आप हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट फड़ सब्सक्राइब करके रख सकते साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी दबाना मत भूलिएगा तो दोस्तों फिल्म की डेवलपमेंट की बात की जाएगी तो फिल्म की डेवलपमेंट की बात की तो इन दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री के ईयर में विशाल जो कि टोल्ट प्रोड्यूसर की बात किया, तो की तो फीचर की फिल्म विच विथ वी बी डायरेक्टर हरी एंड रहेंगे उस फिल्म में उनका जो प्राइवेट कोलाबरेट हुए थे अगेन उनकी आफ्टर सक्सेस फिल्म की बात उनके साथ कोलाब्रेशन की बात की तो जो वेंचर जो कि थामिर अभी वनी जो फिल्म था 2007 में उसके साथ उनके साथ आफ्टर जो कि डायरेक्शनल फिल्म में जो कि काम करते हुए नजर आएंगे जहाँ पर ट्रेंगल कुछ एक्शन स्टोरी इस फिल्म में विचिस कुछ अलग अलग रहेगा जो कि कॉम्बिनेट कर रहे हैं फिल्म में एंडिंग पटना में इस रिविलिंग यूवन शंकर के द्वारा जहाँ पर पटना में करती हुई जो कि करेंगे राजा इन ऑलरेडी कंप्लीटेड गंप जो कि कंपोजिंग इस फिल्म को लिए सॉन्ग फिल्म सॉन्ग्स के लिए बिफोर प्रोडक्शनल की काम करते हुए नजर आएंगे जहाँ पर कॉम्बिन की बात की तो द फिल्म ऑफिशियली लॉन्च की बात की थी जहाँ पर ट्वेंटी मार्च टू थाउजेंड की ईयर में जहाँ पर विथ प्रेसेस हुए थे जो कि रिलीजिंग जो कि नामिनिंग हुई थी द फिल्म कास्ट ऑफ व्यू जो कि युवान शंकर राजा उसके सेलेक्टेड हुए थे कम्पोज की फिल्म की मेजिंग के लिए जहाँ पर फॉर दिल्मीम एंड वी टी वी विजन ऑफ जो कि वीयर कंफर्म हुए थे जो फिल्म की जो कि सिनेमाग्राफिक उनको दिया जाएगा उसके साथ एडिटिंग ऑफ द फिल्म की जो रेस्पॉन्सबिलिटी है सूरती हसन वो सब जो कि फिल्म की करवाई जाएगी उसके साथ ही सूरती हसन अपना आल्सो सेलेक्टेड हुए थे जो क, डू कॉस्टमिट डिज़ाइनिंग के लिए तो उन्होंने खुद अपना जो डिज़ाइनिंग है सूरती हसन अपने अंदाज़ में खुद ही करवाई इस फिल्म में तो दोस्तों इस तरह से इस फिल्म की डेवलपमेंट की बात हुई थी तो दोस्तों अब फिल्म की कास्टिंग के बारे में भी बात की तो फिल्म की कास्टिंग के बारे में अगर मैं आपसे बताऊँ अर्ली रिपोर्टली डिसंबर सजेस्टेड हुए थे जहाँ पर सूरती हासन सिंगिंग साइन किए थे फिल्म में प्ले करते तो हुए नज़र आएंगे जब फिल्म हीरोइन का रोल है वो नज़र आएंगे जहाँ पर थ्रू ओनली कन्फर्म हुए थे जो कि पर्टिकल्टी जो कि जो पार्टी के नेशन इन द मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर के ईयर में जहाँ पर सत्यराज एंड सूरी फिल्म में भी ज्वाइन हुए थे जब पर कास्ट अब टू रोल प्ले करते हो सपोर्टिंग रोल में प्ले करते हो नजर आएंगे विल एक्टरिस जो कि कौशल्या एंड अनौंसमेंट किए थे उनके भी रोल प्ले करते नजर आएंगे मेकिंग इन द कम बैक विद द फिल्म स्टारिंग दो ऑल्सो साइड अदर सपोर्टिंग एक्टरिस का जो रोल है वो फिल्म में प्ले करते नज़र आएंगे द टीम अनाउंसमेंट की जो कि रेखा के थे जहाँ पर प्ले विशाल मदर उन फिल्म में नजर आएंगे जहाँ पर फिल्म बट अन जो कि अनएबिलिटी जो कि फिल्म की मेंट है जो दट फिल्म के टीम लेटर ऑन कास्ट राधिका शरत कुमार इंस्टेट हुए थे जहाँ पर प्रतापोर्थन पो, एंड जो जो कि जानकी uh, सावेश वे ऑल्सो सेलेक्टेड के रोल जो प्ले है वो नजर आएंगे जहाँ पर सूर्ति हसन भी आ जो कि पर्यटन की रोल लिए थे जहाँ पर आधीरा जर्मिया उसके साथ ही सेलेक्टेड हुए थे मेक ऑफ कमियो अपरमेंस में जो कि के सॉन्ग्स में सत्यराज और सपोर्टेड हुए थे जहाँ पर वर्ल्ड लुक जो फॉर्म की फिल्म्स की थैंक्स हुए थी जहाँ पर दिस सिम्स की शूट फॉर एसएस जो कि राजा के बाहुबली Uh, 2015 में फिल्म आई थी उसके साथ रोल पे भी साइड की काम करते हुए नजर आए जहाँ पर साइड हुई थी जहाँ पर वेरी पावरफुल एंड आल्सो सस्पेंड एलिमेंट जो ऑफ द फिल्म की है वो सभी भोजपुरी फिल्म एक्टर आदिवेश की तरह मिश्रा सेलेक्टेड हुए थे जो लोल रोल है गैंगस्टर इन द फिल्म की विच इस मेकर्स की डब्ड हुए थे जहाँ पर तमिल सिनेमा वैभव रेड्डी सेलेक्ट हुए थे फॉर इम्पोर्टेंट रोल इन द फिल्म बट इस रोल वे नॉट अ पार्ट ऑफ द फिल्म की जो कि विनय बिहारी वही इज द यूथ आर्ट कल्चर मिनिस्टर ऑफ द बिहार पर का रोल सेलेक्टेड हुए थे इस फिल्म में जो कि रोल है वो प्ले करते हुए नजर आएंगे डिस्ट्रीब्यूट कोलेबरेट की द फिल्म की जो कि सिनेमाटोग्राफिक पॉइंट की प्रोडक्शनल विद द एक्सप्रेंस की इंस्टेंट हुए थे एक्टिंग की हरी इस फिल्म में जो बिहार लोकेशन में शूटिंग की गई थी जहाँ पर भरत राज मिस्टर इंडिया सेकेंड रनर की टू थाउजेंड फोर्टीन में टाइटल फिल्म को कैरिमेल करके रोल है जो जो कि कलेक्टर हुए थे सन ऑफ द सन फ्रॉम बिहार में जो कि अभिनय सेलेक्टेड हुए थे टू प्ले का सपोर्टिंग रोल है वो मुकेश तिवारी सेलेक्ट हुए थे दो कि रो टू प्ले रोल है वो मैन अगेंस्ट हुए थे इस फिल्म में तो इस तरह से इस फिल्म की कास्टिंग की रोल बात की गई थी तो अब दोस्तों फिल्म की फिल्मिंग की बात की जाएगी तो फिल्म की फिल्मिंग की अगर मैं आप सभी को बताऊँ प्रिंसिपल फोटोग्राफी कमेंस इन एटीन अप्रैल टू की ईयर में चेन्नई में डरिंग शूट रखा गया था एक्शन सिकल्स वहीं पर लिया गया था ऑन स्कोर जो वेत सेट हुई थी जहाँ पर सली गुरम के जगह पर जहाँ पर विशाल इंजरी हुए थे वहाँ पर शूटिंग के दौरान मिडिल फिंगर में राइट में एंड उसके साथ ही बीच चौदह स्टैचेस आई थी फिर आज की एडमिट्स हुए थे जहाँ पर इन द सूट की वास्त टेम्प्रेरी हल्टेड हुए थे द आइटम नंबर फिथिंग विशाल वहाँ पर अंदिरा का जर्मनी की सो उसको इस तरह से शूट करवाई गई थी अर्ली मे में आजों की बैकअप ड्रॉप की ऑफ द जो कि कहमद्दू मार्केट में चेन्नई में फिल्म की वहाँ पर शूटिंग लिया गई थी उसके साथ लेटर वन यूनिट की प्रोसेस की बात की थी जहाँ पर कॉम्बरेट करके फिल्में की मेजर प्रोडक्शनल ऑफ़ द फिल्म एट द टाइम इस वॉस की अहरिका प्लान किए थे जहाँ पर रैप अप करके फिल्म शूट चालीस फोर्टीन वर्किंग डेज की तरफ से जहाँ पर चालीस दिन में फाइटिंग स्विकल्स की शूट लिया गया था जहाँ पर पॉपुलर मेल मल्टीप्लेक्स दर के सीनस है वो सभी इन की विशाल सुरती हसन को वी आर आल्सो शूट किया गया था जहाँ पर द फिल्म मॉल कॉम्बरेट जो कि कॉम्बरेट करके द फिल्मिंग जो कंटिन्यू है एट कराई कुडी जो इन अर्ली जुलाई में लिया गया था जहाँ पर सेंसस की फेचिंग की इंसपेंसिपल uh, कास्ट ऑफ सूट की द फिल्म शूटिंग वहीं पर कंटिन्यू करवाई गई थी जहाँ पर इट हॉट वेदर मेकिंग की थिंग्स डिफरेंटली कल कुछ विशाल को वहाँ पर सेपरेट की गई थी इंजोर भी हुआ था फिर उसकी वजह से फिर सेकेंड टाइम इन द फिल्म शूट जो कि सफर हुए थे जो कि फेवरेट डूरिंग शूट ऑफ द एन एक्शन स्वीकल्स की आफ्टर ट्राइंग to avoid filming key there is अफेस की में कुछ स्प्लिट हुई थी फिल्म की एब्सोरेट शूट करते हुए जहाँ पर द फर्स्ट वीक में ऑफ अगस्त 2024 के ईयर में फिल्म में लिया गया था जहाँ पर क्लाइमैक्स की शूट पटना इन द दे टेन डेज में शेड्यूल रखा गया था एंड बाय देन 95 परसेंट ऑफ द फिल्म की शूट कंप्लीट की गई थी जहाँ पर द क्लाइमैक्स सैड हैव यू जो रिक्स की स्टंट है विच शूट फिल्म की फर्स्ट फाइनल शेड्यूल बहुत विशाल एंड हसन कैरवी जो कि कैरवी करते नजर आए जो आउट ऑफ इस रिस्क स्टंट जो एंड फाइट सीन्स बाई टेंस की जो सम uh, है वो क्लाइमेक्स में आल्सो शूट जो कि गोलीकोंडा फोर्ट इन हैदराबाद इन स्पेशल एंड एनवरमेंट की सेट जो कि हुए थे फॉर द क्लाइमैक्स एंड ये सॉन्ग्स की आल्सो शूट थ्री ऑन इन एट इस कम्पलेसन जो कि ऑन रोमांटिक सॉन्ग्स की शूट जो कि सीट वेजिलेंट एंड उसके साथ ही रिमेनिंग करके फास्ट पेसेस ली गई थी सॉन्ग के लिए शूट इन चेन्नई में भी विशाल सूरती हसन कंप्लीट किए थे या शूटिंग की हार्ड फोलक सॉन्ग्स के लिए स्वीकल्स के बीच शूट जो कि इन ये वी एम फेसिकल्टीज की बाई बाबा भास्कर ऑफ सॉन्ग्स की सीक्वेंस आल्सो शूट इन पोलैंड में भी लिया गया था जहाँ पर ट्वेंटी नाइन सेक्टम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में ले गए थे एयर में जहां पर सूर्ती कम कन्फर्म की गई थी दैट शूटिंग ऑफ द फिल्म की वॉज कंप्लीटेड हुई थी फिल्मिंग की तो इस तरह से इस फिल्म की फिल्मिंग की बात हुई थी तो दोस्तों आखिर में फिल्म के प्लॉट या फिर स्टोरी कह लो उसके बारे में भी कहानी के बारे में बात की जाएगी तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी जिस तरह से मैं आपको मतलब थोड़ा सा ही बताऊँगा जी हाँ दोस्तों नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी तो आपको मैं बता दूं कि फिल्म की कहानी जहाँ पर विशाल यानी इस फिल्म में वासुदेवन जो रहते हैं यानी इस फिल्म में तो वो काफ़ी अपने फैमिली के तरफ से जो कि फैमिली में काफ़ी ज़्यादा वो मतलब अपना दिलो जान देते देता अपनी फैमिली के लिए कोई भी कदम उठाते हैं तो हालांकि इस फिल्म में जो जिस तरह से जो बिलन उनके पीछे फैमिली के पीछे पड़े रहते हैं तो फिल्म में कहानी वही बनाती है जहाँ पर चीज़ें कैसे क्या बदलती है जहाँ पर फिल्म की कहानी जहाँ पर एक नया मोड लाती है जहाँ पर एक बोल सकते हैं फिल्म को यानी विशाल को इस फिल्म में जो कि सूरती हसन एक्ट्रेस को इस फिल्म में जो कि दिव्या का रोल प्ले कर रहे हैं तो वो उनके साथ जो मुलाकात होती है एक मॉल में फिर उनके बाद उसके साथ जो प्यार में पड़ जाते हैं उनके साथ फिर उसके बाद जो चीज़ें बदलती है जिस तरह से उनके पीछे पड़ जाते हैं गुंडे फिर उसके साथ विलन पड़ जाते हैं फिर उसके बाद उनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं फिर हर है एक चीज़ है विशाल को ऊपर जो ठान दिया जाता है फिर वो कैसे क्या चीज़ें हर है, एक हैंडल करते ख़तरनाक चीज़ें किस तरह से स्टंट लेते हैं अपने फैमिली में भी उस तरह से कुछ उनका एक पुराने रिश्तेदार में जिस तरह से वो एक बोल सकते हैं विशाल को कुछ मतलब फैमिली में एक प्रॉब्लम हो जाता है जहाँ पर उनको एक लड़की ने फंसा यानी ज़बरदस्ती फंसा दिया जाता है उसके बाद उनकी मम्मी उनको घर से निकाल दिया जाता है फिर उनके बाद उसके कई साल हो जाते हैं वो अपने मतलब एक बात के लिए तरसते हैं यानी सुनने के लिए जवाब के लिए विशाल उनकी माँ का तो फिर वो बात नहीं करते हैं फिर उसके साथ वो चीज़ें कैसे क्या बदलती है फिर कैसे क्या वो अपने फैमिली में फिर दोबारा आते हैं फिर मिल पाते हैं वो कैसे क्या करते हैं वो ऐसा क्या काम करते हैं फिर उनकी माँ उनके साथ जो मिलने के लिए तरसते हैं फिर बाद में वो सभी चीज़ें कैसे क्या एक बेहतरीन तरीके से दिखाई गई तो फिल्म की कहानी वही बनाती है कि इस तरह से कैसे अपने फैमिली के लिए वो किस तरह से कौन से कदम उठाते हैं तो दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट के हरी हरी सर के डायरेक्शन के अलावा उनकी फिल्म में स्क्रिप्टिंग स्टोरी आइडिया डायलॉग्स स्क्रीन प्ले ये सभी चीजें आपको इस फिल्म में उनका ही देखने को मिलती है दोस्तों इस फिल्म का प्रोड्यूसर की बात की तो विशाल इस फिल्म में खुद प्रोड्यूस किए हैं जो कि काफ़ी बड़े एक्टर भी हैं और साथ ही प्रोड्यूस भी किए तो इस फिल्म में उन्होंने खुद ही प्रोड्यूस किए थे साथ ही दोस्तों स्टार्टिंग कास्ट की बात की जाए तो लीड कास्ट की इस फिल्म की तो सुपरस्टार जो कि एक्टर विशाल साउथ इंडस्ट्री के उसके साथ ही ब्यूटीफुल एक्टर सुरती हसन सोरी उसके साथ सत्य राज राधिका मुकेश तिवारी आप सभी को इस फिल्म में स्टार्टिंग लीड कास्ट में देखने को मिलती है तो दोस्तों फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात की जाएगी तो पुरियन का इस फिल्म में सिनेमाग्राफिक हम सभी को इस फिल्म में देखने को मिलती है वहीं पर आ, वी टी आ, वी जन आ, टी एस का आपको इस फिल्म में एडिटिंग देखने को मिलेगी यानी उन्होंने इस फिल्म को एडिट किए थे जहां पर वन मिनट का रनिंग टाइम दिए थे इस फिल्म में यानी कि दो घंटा अड़तीस मिनट की डेफिनेटली uh, इतनी रनिंग टाइम के साथ आपको इस फिल्म को पूरी की पूरी देखने को मिलती है तो दोस्तों साथ ही म्यूजिकल डिपार्टमेंट की भी बात की जाएगी तो युवान शंकर राजा इस फिल्म में यानी उनका साउंड ट्रैक एल्बम कंपोजिंग बैकग्राउंड स्कोर ये सभी आपको इस फिल्म में सुनने को मिलती है पूरी की पूरी सॉन्ग्स की साथ ही दोस्तों म्यूजिकल डिटेल की भी बात की जाएगी तो दोस्तों पहला सॉन्ग का जो टाइटल है तो दोस्तों तमिल वर्जन की बात कर रहा हूँ जहाँ पर आपको जो कि डब्ड वर्जन में भी सुनने को मिल जाएगी तो अगर सुनना है तो आप सुन सकते हो तो पहला सॉन्ग का टाइटल की बात की जाए तो देवटाई जो सॉन्ग था उसको सिंगिंग की बात की तो निवास सर ने सिंगिंग किए थे जहाँ पर चार मिनट चार मिनट चार सेकंड का सॉन्ग की लेंथ सुनने को मिलती है वहीं पर दूसरे सॉन्ग की टाइटल इपडिया जो सॉन्ग था उसको राहुल सर ने सिंगिंग किए थे चार मिनट चौथे सेकंड का सॉन्ग की लेंथ सुनने को मिलती है जहाँ पर नंबीर और मिली नैर भी सिंगिंग किए थे इस सॉन्ग में तीसरे सॉन्ग की टाइटल की बात करें तो उड़ी उड़ी जो सॉन्ग था पल्क्कड सर ने सिंगिंग किए थे और उसके साथ ही श्री राम सर ने भी सिंगिंग किए जहाँ पर चार मिनट बत्तीस सेकंड की सॉन्ग की लेंथ सुनने को मिलती है उसके साथ ही दोस्तों चौथे सॉन्ग की टाइटल सोडा बॉटल जो सॉन्ग था उसको योजन नियर सर ने सिंगिंग किए थे एंडोनी सर ने सिंगिंग किए थे उसके साथ ही दसन उसके साथ ही सत्यन इतने सिंगर सर ने मिलकर जो सिंगिंग किए थे इस सॉन्ग को जहाँ पर चार मिनट चौथी सेकंड की सॉन्ग लेंथ सुनने को मिलती है इसी तरह आप सुन सकते हैं पांचवे सॉन्ग की टाइटल उरे उ जो सॉन्ग था उसको सिंगिंग की बात की तो युवन शंकर राजा सर ने सिंगिंग किए थे जहाँ पर दो मिनट छब्बीस सेकेंड की सॉन्ग की लेंथ सुनने को मिलती है वहीं पर छठे सॉन्ग की टाइटल जो कि वेरोरम और कांडिकत्र जो सॉन्ग था उसको कार्तिक सर ने सिंगिंग किया था उसके साथ ही पूजा ये वी सर ने भी, भी सिंगिंग किए थे जहाँ पर तीन मिनट छियालीस सेकंड की सॉन्ग की लेंथ सुनने को मिलती है तो इसी तरह आप इस सॉन्ग की पूरी की पूरी सॉन्ग्स अगर आप सुनना चाहते हो तो आपको डेफिनेटली सॉन्ग सुनने को मिल जाएगी जहाँ पर वी म्यूजिक डीवो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सुनने को मिल जाएगी तो आप इस तरह से इस फिल्म की सॉन्ग्स को इन्जॉय कर पाएंगे तो दोस्तों साथ ही फिल्म की प्रोडक्शन की भी बात की जाएगी तो विशाल फिल्म फैक्ट्री के बैनर के नीचे इस फिल्म को बनाई गई थी वहीं पर डिस्ट्रीब्यूट की बात की तो वेंदर मूवीज़ की ओर से कंप्लीट करवाई गई इस फिल्म की डिस्ट्रीब्यूट तो दोस्तों अब कास्टिंग के बारे में भी फिल्म की बात की जाएगी तो फिल्म की कास्टिंग के बारे में अगर मैं आप सभी को बताता हूँ तो दोस्तों विशाल एज ए वासुदेवन का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते तो हुए नजर आएंगे जहाँ पर मेन हीरो रहते हैं इस फिल्म में सूरती हजन एज ए दिव्या का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते तो हुए नजर आएंगे जहाँ पर डी वासुदेवन को लव इंटरेस्ट इस फिल्म में दिखाते हैं उसके साथ ही दोस्तों सत्यराज एज ए एस पी शिवा कोचुंडू का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे राधिका एज ए जो कि राजा लक्ष्मी का रोल आपको नजर आते हैं जहाँ पर वासुदेवंश के मदर रहते हैं इस फिल्म में यानी इस फिल्म में उनका मां रहते हैं मुकेश तिवारी एज ए अन्ना थड़म का रोल आपको इस फिल्म में प्ले uh, करते नजर आएंगे जहाँ पर मेन अंटा इस फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे सूरी एज ए कुट्टी पुल्ली का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे इसके साथ ही जयप्रकाश एज ए रामा स्वामी का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते हो नज़र आएंगे जहाँ पर वासुद के फर्स्ट योंग जो कि पाटरेलन अंकल रहते हैं इस फिल्म में प्रताप फोटन आपको इस फिल्म में प्रताप फोटन एज ए दिव्यास का फादर का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे जानकी जो कि साबेश एज ए दिव्यास के मदर का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नज़र आएंगे अलाई विशा विजय एज ए कुरस्वामी का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे जहाँ पर वासुद के सेकेंड यौंग जो कि पाटरेल अंकल रहते इस फिल्म में उसके साथ ही जो कि अवधेश मिश्रा एज ए राय बहादुर का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नज़र आएंगे और उसके साथ ही माधुमिल्ला एज ए सिल्वी का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नज़र आएंगे अभिनया एज ए दुर्गा का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नज़र आएंगे ऐश्वर्या एज ए लक्ष्मी जो कि शिवक को चुंडिस के वाइफ का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नज़र आएंगे सीतरा एज ए रामास्वामी का वाइफ का रोल आपको इस फिल्म में, में प्ले करते नज़र आएंगे अवसलिया एज ए सुशीला का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे जहाँ पर कुरास्वामी के वाइफ रहते इस फिल्म में साथ ही रेणुका एज ए मानी मेघालई का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे जहाँ पर दुर्गाज के मदर रहते हैं इस फिल्म में उसके साथ ही सोनराजा एज ए सौंड्रर का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नज़र आएंगे मोना बल्ला एज ए को का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे जहाँ पर ग्रुप्स के मैनेजर रहते इस फिल्म में

करेट राजा ऐसे अन्ना के थेमसल का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे पोंडी रवि ऐसे सुंदरम का रोल आपको फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे जहां पर अन्ना थडम्स के हेमसल रहते हैं इस फिल्म में नरसिंह ए यादव ऐसे राय

का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करता नजर आएंगे जहाँ पर वासुस के सिस्टर रहते हैं इस फिल्म में अंदिरा जर्मिनिया आपको इस फिल्म में स्पेशल अपरमेंस इन द सॉन्ग जो कि सोडा बॉटल में आपको इस फिल्म में प्ले करते तो नजर आएंगे जो कि इस फिल्म में प्रोमैन कास्ट है लीड इसमें मेन रोल आपको उन्होंने नज़र आएंगे तो इस तरह से इस फिल्म में जितने भी कास्ट है कास्टिंग की बात की है आपको इस फिल्म में इसी तरह प्ले करते तो नजर आएंगे तो दोस्तों पूजा यानी कि हिम्मतवर जिसको हिंदी में नाम दिया गया तो फिल्म को बाईस अक्टूबर टू में दिवाली के जो कि मौके पर फिल्म को फेस्टिवल पर रिलीज की गई थी सिनेमा थेटिकली आपके नज़दीकी सिनेमा थेटिकली पर जहाँ पर तमिल तेलुगु में फिल्म को रिलीज की गई थी तमिल Okay. अपूजय नाम रखा गया था तेलुगु में पूजा नाम रखा गया था फिर लेटर वन चीज़ें कुछ चीज़ें लेटर वन फिर बाद में हिंदी वर्जन में फिल्म को हिम्मत वर्ग के नाम के साथ ही ओरिजिनल जो कि हिंदी डब्ड करके रिलीज़ की गई थी जिस तरह से फिल्म को आपको सुनने में काफ़ी आसान लगेगी जो कि आपको का, काफ़ी कहीं भी थोड़ी बहुत कमियाँ नहीं आएगी जो कि फिल्म हिंदी में जिस तरह से डब्ड करके रिलीज़ की गई आपको लगेगा ही नहीं फिल्म ये नहीं देगा कि रिलीज़ की गई जो कि ओरिजिनल फिल्म की जैसी लगेगी तो इस तरह से इस फिल्म को रिलीज़ की गई थी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना तो जब पूजाई यानी के हिम्मतवर जिस फिल्म को हिंदी में नाम रखा गया तो फिल्म को थिएट्रिकली पर रिलीज़ की गई थी तब क्रिटिक्स का रेस्पॉन्स की तरफ से मिक्स टू पॉजिटिव रिव्यूज मिला है इस फिल्म साथ ही दोस्तों फिल्म को आई पर फाइव आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है जहां पर ऑडियंस ने इस हद तक इस फिल्म को पसंद की गई थी वहीं पर रोटेन टोमेटोस की तरफ से सेवेंटी इस फिल्म को फ्रेश फिल्म माना गया वहीं पर साथ ही गूगल की तरफ से सिक्सटी नाइन परसेंट इस फिल्म को ऑडियंस ने पसंद किया है जिस तरह से हद तक इस फिल्म को कॉमेडी जोन में जिस तरह से बोल सकते हैं रोमांटिक कॉमेडी एक्शन जोन में फिल्म को बनाया गया तो उस तरह से इस फिल्म को पसंद किया गया था अब दोस्तों साथ ही फिल्म की बजट की बात की तो एक तमिल इंडस्ट्री की तरफ से एक मीडियम बजट के हिसाब से फिल्म को बनाई गई थी जहाँ पर पच्चीस करोड़ रुपये में फिल्म को बनाई है वहीं पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर बात किए तो फोर्टी करोड़ रुपये की कमाई की है जिस हिसाब से फिल्म ने थेट्रिकली पर रन करके दिखाई थी यानी कि एक बोल सकते फिल्म ने तापड़ 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 कमा की है जहां पर जिस हिसाब से फिल्म गली पर रिलीज की गई थी तमिल तो इंडस्ट्री की तरफ से फिल्म एक ब्लॉक फिल्म बन चुकी है तो कम समय में एक ग्रोथ हासिल कर दी थी। जो एक विशाल काम काफी के इस फिल्म में एक एक्टर की एक विशाल एक्टर की काम जो है इस फिल्म में वन ऑफ द बेस्ट 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 से रही इसीलिए उन्होंने एक जान फूक दिए थे यानी इस फिल्म में हर एक एक जो किरदार है उन्होंने एक जिस तरह से चीजें जो की है वो आपको काफी हद तक पसंद आने वाली है तो ये सभी इस फिल्म में इस तरह से उन्होंने फिल्म को पूरी की पूरी बांधे रखी है तो उनके वजह से फिल्म काफी हद तक इस फिल्म को जो कि वायरल करती हुई नजर आई है जो कि ब्लॉकबस्टर फिल्म बना चुकी है जो कि तमिल इंडस्ट्री की तरफ से तमिल ऑडियंस ने तो काफी हद तक पसंद की है बट अदरवाइज इस फिल्म को जिस तरह से हिंदी वर्जन में हिम्मतवर के नाम से जो रिलीज की गई थी जो फिल्म को तो फिर क्या ही मतलब क्या ही बताऊँ वो फिल्म को जो जिस तरह से हिंदी ऑडियंस ने काफ़ी हद तक इस फिल्म को पसंद की है अभी भी फिल्म को चार चार बार पाँच पाँच बार फिल्म को देख ही रहे हैं तो जितना भी देखते हैं उतना कम लगता है फिल्म को क्योंकि इस तरह से कुछ कहानी बनाई गई है तो दोस्तों अब फिल्म के बारे में अगर डिस्कस करें तो फिल्म के बारे में अगर मैं आप सभी को बताऊँ विशाल एक्टर की परफॉर्मेंस इस फिल्म में जो कि काफ़ी ख़तरनाक देखने को मिलती है जो कि अब एक हर एक मोमेंट हार्ड मोमेंट लगेगी जो फाइटिंग सीन्स है उन्होंने जिस तरह से वो तमिल इंडस्ट्री में जो होते हैं मतलब एक Young मैन किस तरह से कैसे करके दिखाते हैं मतलब अपने अंदाज में तो वही चीज इस फिल्म में दिखाएं तो अपने अंदाज में उन्होंने जो मतलब हर एक स्टेप जो फिल्म में दिखाई है काफ़ी हद तक आपको वो पसंद आएगी उनकी काम इस फिल्म में वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट से बेस्ट जो हार्ड परफॉर्मेंस है फिल्म में उन्होंने करके दिखाई है फिल्म की फ़र्स्ट हाफ़ की अगर मैं आप सभी को बताऊं तो थोड़ा बहुत तो आपको कहीं ना कहीं कमियां लगेगी मतलब उतना कुछ बोरिंग थोड़ा बहुत बो, नहीं लगेगी मतलब थोड़ा बहुत इंटरवल के बाद फिल्म खींचती है जहां पर फिल्म की कहानी जिस तरह से वो लेके जाती है असली कहानी पर मुद्दे पर फिल्म के जो बोल सकते जहाँ पर वो एक लड़की से मुलाकात होती है फिर उससे कैसे प्यार होता है फिर उसके बाद उसकी अपनी माँ जो है सगी माँ फिर कैसे घर से निकाल देते कहानी की वही फ़िल्म की कहानी बनाती है फिर आगे वही सभी फिल्म में आपको पता चलेगी तो फिल्म के सॉन्ग्स सेकंड हाफ आप में आपको कहानी मोमेंट जो कैची लगती है वहीं पर फिल्म की जो हर एक मतलब कॉन्सेप्ट है वहीं पर पता चलती है फिल्म को क्या कॉन्सेप्ट रखा गया तो थोड़े बहुत आपको डिले लगेगी फिल्म की कहानी उसकी जो फिल्म की नए नए कुछ जो कि मोड नया मोड जो लाती है वहीं पर लव स्टोरी के बाद फिल्म में कहानी देखने को मिलती है सेकंड इंटरवल के बाद फिल्म में सेकंड हाफ में और एंडिंग फिल्म की कब कैसे गुजरती है वही आपको पता भी नहीं चलती है। फिल्म कोई वन टाइम अब अगर एक बार देखेंगे तो मुझे नहीं लगता फिल्म को अभी तक कोई मिस की बट फिर भी फिल्म को काफ़ी समय हो चुका है अगर देख लें तो अच्छी बात है अगर आप फिर भी एक बार देखेंगे तो मुझे नहीं लगता फिल्म आप छोड़ के जा सकता है बिकॉज काफ़ी बड़े एक्टर की फिल्म है इनकी काम जो है काफ़ी हद तक अच्छी रहती है इस फिल्म में भी करके दिखाएं तो इस तरह से फिल्म की सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छी है सॉन्ग तमिल सॉन्ग है तो उतना कुछ ठीक ठाक है मतलब उतना कुछ खास लगे नहीं मुझे स्कोर फिल्म की जो सिनेमाफिक एक्शन सिकल्स काफ़ी तगड़ा तगड़ा देखने को मिलती है ख़तरनाक मोमेंट है जो ख़तरनाक से ख़तरनाक बड़ा हार्ट मोमेंट से देखने को मिलते हैं जो वी एफ एक्स के ऊपर फिल्म की जिस तरह से करके दिखाए एडिटिंग की काम जो चीज़ें जिस तरह से बेहतरीन में मतलब कहानी जो एक थोड़ा बहुत मुझे लगता है फिल्म को ज़्यादा ही मतलब रनिंग टाइम ज़्यादा ही रखा गया थोड़ा बहुत काट छाट के फिल्म को और थोड़ा बहुत कम कर सकते थे मतलब जो भी चीज़ है बेस्ट ऑफ फालतू टाइम है टाइमिंग है वो काफ़ी कहीं ना कहीं छोटे मोटे चीज़ें वो मतलब थोड़े बहुत अनसेसरी वो सब इग्नोर कर सकते हैं तो अगर आप वो सभी इग्नोर करोगे तो फिल्म अच्छी लगेगी अदरवाइज वो सभी डायरेक्टर की डायरेक्शनल वो सभी थोड़ा बहुत अगर कहीं ना कहीं कमियाँ नज़र आती वो सब भी है वो सभी अगर चीज़ें कहीं ना कहीं फ़िल्म ज़्यादा अगर खींची है वही कमियाँ नजर करती है फिल्म में तो वो सभी अगर छोड़ते तो फिल्म कहीं ना कहीं और ज़्यादा चलती बट फिर भी चीज़ें जिस तरह से कहीं ना कहीं दिखाई है वो भी चीज़ें काफ़ी काबिल तारीफ से कम नहीं है तो ये सभी चीज़ें अगर आप ये सभी चीज़ें के अलावा डायरेक्टर की बात की डायरेक्शनल की तो हरिका इस फिल्म में जिस तरह से कॉन्सेप्ट एक बोल सकते हैं फैमिली के ऊपर जिस तरह से वो फैमिली के ऊपर रोमांटिक उसके साथ ही कॉमेडी जोन उसके साथ ही जिस तरह से वो हर एक फन मोमेंट जो इंटरव्यू में जिस तरह से मतलब एक जिस तरह से रिसेप्ट यानी रिसेप्ट में उन्होंने जो कि स्क्रिप्टिंग दिए हैं विशाल के ऊपर तो वही काबिल तारीफ से कम नहीं मतलब विशाल खुद एक प्रोड्यूसर है एक एक्टर भी है तो उन्होंने खुद अपने अंदाज में करके दिखाया तो चीज़ें काफी हद तक आपको पसंद आएगी तो हरिका इस फिल्म में क्या कैसा रहा वो फिल्म देखने के बाद ही आपको उनका डायरेक्शनल पसंद आने वाली है अगर आप ये सभी फिल्म में देखना चाहते हो तो जाके फिल्म को देख सकते हो तो दोस्तों इस फिल्म को कैसे देख पाओगे मैं आप सभी को बता दूं कि ऑनलाइन के जी फाइव ऐप पर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली विथ इंग्लिश सब के साथ हिंदी लैंग्वेज में हिम्मतवर नाम के साथ आप फिल्म को ऑफिशली फ्री में देख पाओगे विदाउट सब्सक्रिप्शन विदाउट इस फिल्म में मतलब कोई भी लॉग कुछ भी आप ऐसे ही फिल्म को देख पाओगे तो आप जाके इस तरह से इस फिल्म को इन्जॉय कर पाएंगे जी हाँ दोस्तों साथ ही दोस्तों इस फिल्म का सैटेलाइट है की बात की तो जी शर्मा जी शर्मा एच डी टी चैनल के ऊपर सैटेलाइट टीवी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियम करता हुआ नजर आएगा साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तो बहुत ही अच्छी बात है अगर आप हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट फड़ सब्सक्राइब करके रख सकते साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी दबाना मत भूलिएगा तो दोस्तों फिल्म की डेवलपमेंट की बात की जाएगी तो फिल्म की डेवलपमेंट की बात की तो इन दिसंबर 2023 के ईयर में विशाल जो कि टोल्ट द टीवी प्रोड्यूसर की बात किया, तो फेचर की तो फीचर की फिल्म विच विट वी बी डायरेक्टर हरी एंड रहेंगे उस फिल्म में उनका जो प्राइवेट कोलाबरेट हुए थे अगेन उनकी आफ्टर सक्सेस फिल्म की बात उनके साथ कोलाब्रेशन की बात की तो जो वेंचर जो कि थामिर अभिवनी जो फिल्म था 2007 में उसके साथ उनके साथ आफ्टर जो कि डायरेक्शनल फिल्म में जो कि काम करते हुए नजर आएंगे जहाँ पर ट्रेंगल कुछ एक्शन स्टोरी इस फिल्म में विचिस कुछ अलग अलग रहेगा जो कि कॉम्बिनेट कर रहे हैं फिल्म में एंडिंग पटना में इस रिविलिंग युवेन शंकर के द्वारा जहाँ पर पटना में करती हुई जो कि करेंगे राजा इन ऑलरेडी कंप्लीटेड जो कि कंपोजिंग इस फिल्म को लिए सॉन्ग फिल्म सॉन्ग्स के लिए बिफोर प्रोडक्शनल की काम करते हुए नजर आएंगे जहाँ पर कॉम्बिनेंस की बात की तो द फिल्म ऑफिशियली लॉन्च की बात की थी जहाँ पर ट्वेंटी मार्च टू के ईयर में जहाँ पर विथ प्रेसेस हुए थे जो कि रिलीजिंग जो कि हुई थी द फिल्म कास्ट ऑफ व्यू जो कि युवान शंकर राजा सेलेक्टेड हुए थे द कम्बोज की फिल्म की मेजिंग के लिए जहाँ पर फॉर द फिल्म प्रेम एंड वी टी वी ऑफ जो कि वेर कंफर्म हुए थे जो फिल्म की जो कि सिनेमाग्राफिक उनको दिया जाएगा उसके साथ एडिटिंग ऑफ द फिल्म की जो रेस्पॉन्सबिलिटी है सूरती हसन वो सब भी कर, जो कि फिल्म की करवाई जाएगी उसके साथ सूरती हसन अपना आल्सो सेलेक्टेड हुए थे जो डू कॉस्टमिट डिज़ाइनिंग के लिए तो उन्होंने खुद अपना जो डिज़ाइनिंग है सुरती हसन अपने अंदाज में खुद ही करवाई इस फिल्म में तो दोस्तों इस तरह से इस फिल्म की डेवलपमेंट की बात हुई थी तो दोस्तों अब फिल्म की कास्टिंग के बारे में भी बात की तो फिल्म की कास्टिंग के बारे में अगर मैं आपसे बताऊँ अर्ली रिपोर्टली डिसंबर सजेस्टेड हुए थे जहाँ पर सुरती हसन सिंगिंग साइन किए थे फिल्म में प्ले करते तो नजर आएंगे जब फिल्म हीरोइन का रोल है वो नजर आएंगे जहाँ पर थ्रू ओनली कन्फर्म हुए थे जो कि पर्टिकल्टी जो कि जो कि पार्टी के नेसन इन द मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर के ईयर में जहाँ पर सत्यराज एंड सूरी फिल्म में भी ज्वाइन हुए थे जब कास्ट ऑफ टू रोल प्ले करते हो सपोर्टिंग रोल में प्ले करते हो नजर आएंगे विल एक्टर एक्टरिस जो कि कौशल्या एंड अनौंसमेंट किए थे उनके भी रोल प्ले करते नजर आएंगे मेकिंग इन द कम बैक विद द फिल्म स्टारिंग द ऑल्सो साइड अदर सपोर्टिंग एक्टरिस का जो रोल है वो फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे द टीम अनाउंसमेंट की जो कि रेखा के थे जहाँ पर प्ले विशाल मदर उन फिल्में नजर आएंगे जहाँ पर फिल्म बट अन जो कि अनएबिलिटी जो कि फिल्म की मेन्ट है जो दट फिल्म की टीम लेटर ऑन कास्ट राधिका शरत कुमार इंस्टेट हुए थे जहाँ पर प्रतापोर्तन पो, एंड जो जो कि जन की साविश वे ऑल्सो सेलेक्टेड के रोल जो प्ले है वो उस नजर आएंगे जहाँ पर सुरती हसन भी जो कि पर्यटन की रोल लिए थे जहाँ पर आधीरा जर्मिया उसके साथ ही सेलेक्टेड हुए थे मेक ऑफ कमियो अपस में जो कि फोलोक सॉन्ग्स में सत्यराज और सपोर्टेड हुए थे जहाँ पर वर्ल्ड लुक जो फॉरम की फिल्म की थैंक्स हुए थे जहाँ पर दिस सिमोलेटन्स की शूट फॉर एस जो कि राजा के बाहुबली Uh, 2015 में फिल्म आई थी उसके साथ रोल पे भी साइड की काम करते हुए नजर आए जहाँ पर साइड हुई थी जहाँ पर वेरी पावरफुल एंड आल्सो सस्पेंड एलिमेंट जो ऑफ द फिल्म की है वो सभी भोजपुरी फिल्म एक्टर आदिवेश की तरह मिस मिश्रा सेलेक्टेड हुए थे जो लोल रोल है गैंगस्टर इन द फिल्म की विच इस मेकर्स की डब्ड हुए थे जहाँ पर तमिल सिनेमा वैभव रेड्डी सेलेक्ट हुए थे फॉर इंपॉर्टेंट रोल इन द फिल्म बट इज़ रोल वे नॉट अ पार्ट ऑफ़ द फिल्म की जो कि विनय बिहारी वही इज द यूथ आर्ट कल्चर मिनिस्टर ऑफ द बिहार पर का रोल सेलेक्टेड हुए थे इस फिल्म में जो कि रोल है वो प्ले करते हुए नजर आएंगे डिस्ट्रीब्यूट कोलेबरेट की द फिल्म की जो कि सिनेमाटोग्राफिक पॉन्स की प्रोडक्शनल विद द एक्सप्रेंस की इंस्टेंट हुए थे एक्टिंग की हरी इस फिल्म में जो बिहार लोकेशन में शूटिंग की गई थी जहाँ पर भरत राज मिस्टर इंडिया सेकेंड रनर की अप टू थाउजेंड फोर्टीन में टाइटल फिल्म को कैरीमेल करके रोल है जो जो कि कलेक्टर हुए थे सन ऑफ द सन फ्रॉम बिहार में जो कि अभिनय सेलेक्टेड हुए थे टू प्ले का सपोर्टिंग रोल है वो मुकेश तिवारी सेलेक्ट हुए थे दो कि रो टू प्ले रोल है वो मैन अगेंस्ट हुए थे इस फिल्म में तो इस तरह से इस फिल्म की कास्टिंग की रोल बात की गई थी तो अब दोस्तों फिल्म की फिल्मिंग की बात की जाएगी तो फिल्म की फिल्मिंग की अगर मैं आप सभी को बताऊँ प्रिंसिपल फोटोग्राफी कमेंट्स इन एटीन अप्रैल टू की ईयर में चेन्नई में डूरिंग शूट रखा गया था एक्शन स्विकल्स वहीं पर लिया गया था ऑन स्कोर जो वेत सेट हुई थी जहां पर सली गुरम के जगह पर जहां पर विशाल इंजर हुए थे वहां पर शूटिंग के दौरान मिडिल फिंगर में राइट में एंड उसके साथ ही विच चौदह स्टैच आई थी फिर आज की एडमिन हुए थे जहाँ पर इन द सूट की बात टेम्प्रेरी हल्टेड द आइटम नंबर फिथिंग विशाल वहाँ पर अंधिरा का जर्मनी की सो उस इस तरह से शूट करवाई गई थी अर्ली मे में आजों की बैकअप ड्रॉप की ऑफ द जो कि कम्दू मार्केट में चेन्नई में फिल्म की वहाँ पर शूटिंग लिया गई थी उसके साथ लेटर वन यूनिट की प्रोसेस की बात की थी जहाँ पर कॉम्बरेट करके फिल्म की मेजर प्रोडक्शनल ऑफ़ द फिल्म एट द टाइम इस वॉस की अहरिका प्लान किए थे जहाँ पर रैप अप करके फिल्म शूट चालीस फोर्टीन वर्किंग डेज की तरफ से जहाँ पर चालीस दिन में फाइटिंग स्विकल्स की शूट लिया गया था जहाँ पर पॉपुलर मेल मल्टीप्लेक्स के दीन्स है वो सभी इन की विशाल एन सुरती हसन को और वी आर आल्सो शूट किया गया था जहाँ पर द फिल्म मॉल कॉम्बेट जो कि कॉम्बरेट करके द फिल्मिंग जो कंटिन्यू है एट कराए जो इन अर्ली जुलाई में लिया गया था जहाँ पर सेंसस की फेचिंग की इंसपेंसिपल कास्ट ऑफ शूट की द फिल्म शूटिंग वहीं पर कंटिन्यू करवाई गई थी जहाँ पर इट हॉट वेदर मेकिंग की थिंग्स डिफरेंटली कल कुछ विशाल को वहाँ पर सेपरेट की गई थी इंजोर भी हुआ था फिर उसकी वजह से फिर सेकेंड टाइम इन द फिल्म शूट जो कि सफरे हुए थे जो कि फेवरेट डूरिंग शूट ऑफ द एन एक्शन शूकल्स की आफ्टर ट्राइंग टू अवल्ट फिल्मिंग की इस अफेस की में कुछ स्प्लिट हुई थी फिल्म की एबसोरेट शूट करते हुए जहाँ पर द फर्स्ट वीक में ही ऑफ अगस्त टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर के ईयर में फिल्में लिया गया था जहाँ पर क्लाइमैक्स की शूट पटना इन द टेन डेज में शेड्यूल रखा गया था एंड बाय देन नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ द फिल्म की शूट कंप्लीट की गई थी जहाँ पर द क्लाइमैक्स सैड हैव यू जो रिक्स की स्टंट है विच शूट फिल्म की फर्स्ट फाइनल शेड्यूल बहुत विशाल एंड हसन कैरवी जो कि कैरवी करते नजर आएंगे आउट ऑफ रिस्क स्टंट जो अंडर फाइट सीन्स बाय टेंस की जो सम uh, है वो क्लाइमेक्स में आल्सो शूट जो कि गोलीकोंडा फोर्ट इन हैदराबाद इन स्पेशल एंड एनवरमेंट्स की, की सेट जो कि हुए थे फॉर द क्लाइमैक्स एंड ये सॉन्ग्स की आल्सो शूट थ्री ऑन इन इट इस कम्पलेशन जो कि वन रोमांटिक सॉन्ग्स की शूट जो कि सीट वेजिलेंट एंड उसके साथ ही रिमेनिंग करके फास्ट पेसेस ली गई थी सॉन्ग के लिए शूट इन चेन्नई में भी विशाल सूर्ति हसन कंप्लीट किए थे या शूटिंग की हार्ड फॉलक सॉन्ग्स के लिए स्वीक के बीच शूट जो कि इन ये वी एम फेसिकल्टीज की बाई बाबा भास्कर ऑफ सॉन्ग्स की सीक्वेंस आल्सो शूट इन पोलैंड में भी लिया गया था जहाँ पर ट्वेंटी नाइन सेक्टेबर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में ली गई थी ईय में जहाँ पर शूट थी कम की गई थी दैट शूटिंग ऑफ द फिल्म की वॉस कंप्लीटेड हुई थी फिल्मिंग की तो इस तरह से इस फिल्म की फिल्मिंग की बात हुई थी तो दोस्तों आखिर में फिल्म के प्लॉट या फिर स्टोरी कह लो उसके बारे में भी कहानी के बारे में भी बात की जाएगी तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी जिस तरह से मैं आपको मतलब थोड़ा सा ही बताऊँगा जी दोस्तों नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी तो आपको मैं बता दूं कि फिल्म की कहानी जहाँ पर विशाल यानी इस फिल्म में वासुदेवन जो रहते हैं यानी इस फिल्म में तो वो काफी अपने फैमिली के तरफ से जो कि फैमिली में काफी ज्यादा वो मतलब अपना दिलो जान देते थे था। अपने फैमिली के लिए कोई भी कदम उठाते हैं तो हालांकि इस फिल्म में जो जिस तरह से जो बिलन उनके पीछे फैमिली के पीछे पड़े रहते हैं तो फिल्म में कहानी वही बनाती है जहाँ पर चीज़ें कैसे क्या बदलती है जहाँ पर फिल्म की कहानी जहाँ पर एक नया मोड लाती है जहाँ पर एक बोल सकते हैं फिल्म को यानी विशाल को इस फिल्म में जो कि सुरती हसन एक्ट्रेस को इस फिल्म में जो कि दिव्या का रोल प्ले कर रहे हैं तो वो उनके साथ जो मुलाकात होती है एक मॉल में फिर उनके बाद उसके साथ जो प्यार में पड़ जाते हैं उनके साथ फिर उसके बाद जो चीज़ें बदलती है जिस तरह से उनके पीछे पड़ जाते हैं गुंडे फिर उसके साथ विलन पड़ जाते हैं फिर उनके बाद उनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं फिर हर एक चीज़ विशाल को ऊपर जो ठान दिया जाता है फिर वो कैसे क्या चीज़ें हरक के हैंडल करते ख़तरनाक चीज़ें किस तरह से स्टंट लेते हैं अपने फैमिली में भी उस तरह से कुछ उनका एक पुराने रिश्तेदार में जिस तरह से वो एक आ, बोल सकते विशाल को कुछ मतलब फैमिली में एक प्रॉब्लम हो जाता है जहाँ पर उनको एक लड़की ने फंसाया यानी ज़बरदस्ती फंसा दिया जाता है उसके बाद उनकी मम्मी उनको घर से निकाल दिया जाता है फिर उनके बाद उसके कई साल हो जाते हैं वो अपने मतलब एक बात के लिए तरसते हैं यानी सुनने के लिए जवाब के लिए विशाल उनकी माँ का तो फिर वो बात नहीं करते फिर उसके साथ वो चीज़ें कैसे क्या बदलती है फिर कैसे क्या वो अपने फैमिली में फिर दोबारा आते हैं फिर मिल पाते हैं वो कैसे क्या करते हैं वो ऐसा क्या काम करते हैं फिर उनकी माँ उनके साथ जो मिलने के लिए तरसते हैं फिर बाद में वो सभी चीज़ें कैसे क्या एक बेहतरीन तरीके से दिखाई गई तो फिल्म की कहानी वही बनाती है कि इस तरह से कैसे अपने फैमिली के लिए वो किस तरह से कौन से कदम उठाते हैं तो दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट के हरी हरी सर के डायरेक्शन के अलावा उनकी इस फिल्म में स्क्रिप्टिंग स्टोरी आइडिया डायलॉग्स स्क्रीन प्ले ये सभी चीजें आपको इस फिल्म में उनका ही देखने को मिलती है तो दोस्तों इस फिल्म का प्रोड्यूसर की बात की है, तो विशाल इस फिल्म में खुद प्रोड्यूस किए हैं जो कि काफ़ी बड़े एक्टर भी हैं और साथ ही प्रोड्यूस भी किए तो इस फिल्म में उन्होंने खुद ही प्रोड्यूस किए थे साथ ही दोस्तों स्टार्टिंग कास्ट की बात की जाए तो लीड कास्ट की इस फिल्म की तो सुपर स्टार जो कि एक्टर विशाल साउथ इंडस्ट्री के उसके साथ ही ब्यूटीफुल एक्टर सुरती हसन सोरी उसके साथ सत्यराज राधिका मुकेश तिवारी आप सभी को इस फिल्म में स्टार्टिंग लीड कास्ट में देखने को मिलती है तो दोस्तों फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात की जाएगी तो पुरियन का इस फिल्म में सिनेमाग्राफिक हम सभी को इस फिल्म में देखने को मिलती है वहीं पर आ, वी टी आ, वी जन आ, टी एस का आपको इस फिल्म में एडिटिंग देखने को मिलेगी यानी उन्होंने इस फिल्म को एडिट किए थे जहां पर वन मिनट का रनिंग टाइम दिए थे इस फिल्म में यानी कि दो घंटा अड़तीस मिनट की डेफिनेटली uh, इतनी रनिंग टाइम के साथ आपको इस फिल्म को पूरी की पूरी देखने को मिलती है तो दोस्तों साथ ही म्यूजिकल डिपार्टमेंट की भी बात की जाएगी तो युवान शंकर राजा इस फिल्म में यानी उनका साउंड ट्रैक एल्बम कंपोजिंग बैकग्राउंड स्कोर ये से भी आपको इस फिल्म में सुनने को मिलती है पूरी की पूरी सॉन्ग्स की साथ ही दोस्तों म्यूजिकल डिटेल की भी बात की जाएगी तो दोस्तों पहला सॉन्ग का जो टाइटल है तो दोस्तों तमिल वर्जन की बात कर रहा हूँ जहाँ पर आपको जो कि डब्ड वर्जन में भी सुनने को मिल जाएगी तो अगर सुनना है तो आप सुन सकते हो तो पहला सॉन्ग का टाइटल की बात की जाए तो देवटाई जो सॉन्ग था उसको सिंगिंग की बात की तो निवास सर ने सिंगिंग किए थे जहाँ पर चार मिनट चार मिनट चार सेकंड का सॉन्ग की लेंथ सुनने को मिलती है वहीं पर दूसरे सॉन्ग की टाइटल इपडिया जो सॉन्ग था उसको राहुल सर ने सिंगिंग किए थे चार मिनट चौथी सेकंड का सॉन्ग की लेंथ सुनने को मिलती है जहाँ पर नंबिर और मिली नयर भी सिंगिंग किए थे इस सॉन्ग में तीसरे सॉन्ग की टाइटल की बात की तो उड़ी उड़ी जो सॉन्ग था पलक्कड सर ने सिंगिंग के थे और उसके साथ श्री राम सर ने भी सिंगिंग किए जहाँ पर चार मिनट बत्तीस बत सेकंड की सॉन्ग की लेंथ सुनने को मिलती है उसके साथ ही दोस्तों चौथे सॉन्ग की टाइटल सोडा बॉटल जो सॉन्ग था उसको यूज नियर सर ने सिंगिंग किए थे एंडोनी सर ने सिंगिंग किए थे उसके साथ ही दसन उसके साथ ही सत्यन इतने सिंगर सर ने मिलकर जो सिंगिंग किए थे इस सॉन्ग को जहाँ पर चार मिनट चौथी सेकेंड की सॉन्ग लेंथ सुनने को मिलती है इसी तरह आप सुन सकते हैं पांचवे सॉन्ग की टाइटल उरे वे जो सॉन्ग था उसको सिंगिंग की बात की तो युवन शंकर राजा सर ने सिंगिंग किए थे जहाँ पर दो मिनट छब्बीस सेकंड की सॉन्ग की लेंथ सुनने को मिलती है वहीं पर छठे सॉन्ग की टाइटल जो कि वेरोराम और कांडिकत्रेय जो सॉन्ग था उसको कार्तिक सर ने सिंगिंग किए थे उसके साथ ही पूजा ये भी सर ने भी सिंगिंग किए थे जहाँ पर तीन मिनट छियालीस सेकंड की सॉन्ग की लेंथ सुनने को मिलती है तो इसी तरह आप इस सॉन्ग की पूरी की पूरी सॉन्ग्स अगर आप सुनना चाहते हो तो आपको डेफिनेटली सॉन्ग सुनने को मिल जाएगी जहाँ पर वी म्यूजिक डी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सुनने को मिल जाएगी तो आप इस तरह से इस फिल्म की सॉन्ग्स को इन्जॉय कर पाएंगे तो दोस्तों साथ ही फिल्म की प्रोडक्शन की भी बात की जाएगी तो विशाल फिल्म फैक्ट्री के बैनर के नीचे इस फिल्म को बनाई गई थी वहीं पर डिस्ट्रीब्यूट की बात की तो वेंदर मूवीज़ की ओर से कंप्लीट करवाई गई इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूट तो दोस्तों अब कास्टिंग के बारे में भी फिल्म की बात की जाएगी तो फिल्म की कास्टिंग के बारे में अगर मैं आप सभी को बताता हूँ तो दोस्तों विशाल एज ए वासुदेवन का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे जहाँ पर मैन हीरो रहते हैं इस फिल्म में सूरती हजन एज ए दिव्या का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे जहाँ पर डी और वासुदेवन को लव इंटरेस्ट इस फिल्म में दिखाते हैं उसके साथ ही दोस्तों सत्यराज एज ए एस पी शिवा कोचुंड का रोल आपको, इस, का आपको इस, इस फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे राधिका एज ए जो कि राजा लक्ष्मी का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते हुए नजर आते हैं जहाँ पर वासुदेवंश के मदर रहते हैं इस फिल्म में यानी इस फिल्म में उनका मां रहते हैं मुकेश तिवारी एज ए अन्ना थडम का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे जहाँ पर मेन अंटा इस फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे सूरी एज ए कुट्टी पुल्ली का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे इसके साथ ही जयप्रकाश एज ए रामा स्वामी का रोल आप तो तो आपको इस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे जहाँ पर वासुद के फर्स्ट योंग जो कि पाटरेलन अंकल रहते इस फिल्म में प्रताप फोटन आपको इस फिल्म में प्रताप फोटन एज ए दिव्यास का फादर का रोल आपको इस फिल्म तो में प्ले करते नजर आएंगे जानकी जो कि साबेश एज ए दिव्यास के मदर का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे अलाई विशा विजय एज ए कुरस्वामी का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे जहाँ पर वासुद के सेकेंड योंग जो कि पाटरेल अंकल रहते इस फिल्म में उसके साथ ही आ जो कि अवधेश मिश्रा एज ए राय बहादुर का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे और उसके साथ ही माधुमिल्ला एज ए सिल्वी का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे अभिनया एज ए दुर्गा का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे ऐश्वर्या एज ए लक्ष्मी जो कि शिवक को चुंडिस के वाइफ का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे सीतरा एज ए रामास्वामी का, का वाइफ का रोल आपके इस फिल्म में प्ले करते नज़र आएंगे कौसल्या एज ए सुशीला का रोल आपके इस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे जहाँ पर कुरस्वामीज के वाइफ रहते है इस फिल्म में साथ ही रेणुका एज ए मानी मेघालाई का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे जहाँ पर दुर्गा के मदर रहते इस फिल्म में और उसके साथ ही सौंडराजा एज ए सौंडर का रोल आपकी फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे मोना बल्ला एज ए को का रोल आपके इस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे जहाँ पर ग्रुप्स के मैनेजर रहते इस फिल्म में पंडी एस ए पंडी का रोल आपको इमाम गुरु का रोल आएंगे आर सुंदर ऑर्गेनिज्म का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नजर आते हैं भरति संतना भरती जो कि संताना भरती एज ए अन्ना के लायर का रोल आपको इस फिल्म करते नजर आएंगे ओ ये सुंदर एज ए दुर्गा का रोल आपको इस फिल्म करते नजर आएंगे करेट राजा ऐसे अन्ना के हेमसल का रोल आपको इस फिल्म प्ले फिल करते नजर आएंगे पोंडी रवि ऐसे सुंदरम का रोल आपको इस फिल्म प्ले फिल करते नजर आएंगे जहाँ पर अन्ना थडम्स के हेमसल रहते हैं इस फिल्म में नरसिंह यादव ऐसे राय

का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करता नजर आएंगे जहां पर वासुस के सिस्टर रहते इस फिल्म में अंदिरा जर्मिनिया आपको इस फिल्म में स्पेशल अपरमेंस इन द सॉन्ग जो कि सोडा बॉटल में आपको इस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे जो कि इस फिल्म में प्रोमैन कास्ट है लीड इसमें मेन रोल आपको उन्होंने नजर आएंगे तो इस तरह से इस फिल्म में जितने भी कास्ट है कास्टिंग की बात किए आपको इस फिल्म में इसी तरह प्ले करते नजर आएंगे तो दोस्तों पूजा यानी कि हिम्मतवर जिसको हिंदी में नाम दिया गया तो फिल्म को बाईस अक्टूबर टू में दिवाली के जो कि मौके पर फिल्म को फेस्टिवल पर रिलीज़ की गई थी सिनेमा थिएटरिकली आपके नज़दीकी सिनेमा थिएटरिकली पर जहाँ पर तमिल तेलुगु में फिल्म को रिलीज की गई थी तमिल में mm -hmm. अपूजय नाम रखा गया था तेलुगु में पूजा नाम रखा गया था फिर लेटर वन चीज़ें कुछ चीज़ें लेटर वन फिर बाद में हिंदी वर्जन में फिल्म को हिम्मत वर्ग के नाम के साथ ही ओरिजिनल जो कि हिंदी डब्ड करके रिलीज़ की गई थी जिस तरह से फिल्म को आपको सुनने में काफ़ी आसान लगेगी जो कि आपको काफ़ी कहीं भी थोड़ी बहुत कमियाँ नहीं आएगी जो कि फिल्म हिंदी में जिस तरह से डब्ड करके रिलीज़ की गई आपको लगेगा ही नहीं फिलहि नहीं देगा कि रिलीज़ की गई जो कि ओरिजिनल फिल्म की जैसी लगेगी तो इस तरह से इस फिल्म को रिलीज़ की गई थी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना तो जब पूजा यानी कि हिम्मतवर जिस फिल्म को हिंदी में नाम रखा गया तो फिल्म को थिएट्रिकली पर रिलीज़ की गई थी तब क्रिटिक्स का रेस्पॉन्स की तरफ से मिक्स टू पॉजिटिव रिव्यूज मिला है इस फिल्म साथ ही दोस्तों फिल्म को आई पर फाइव आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है जहां पर ऑडियंस ने इस हद तक इस फिल्म को पसंद की गई थी वहीं पर रोटेन टोमेटोस की तरफ से सेवेंटी इस फिल्म को फ्रेश फिल्म माना गया वहीं पर साथ ही गूगल यूजर्स की तरफ से सिक्सटी नाइन परसेंट इस फिल्म को ऑडियंस ने पसंद किया है जिस तरह हद तक इस फिल्म को कॉमेडी जोन में जिस तरह से बोल सकते हैं रोमांटिक कॉमेडी एक्शन जोन में फिल्म को बनाया गया तो उस तरह से इस फिल्म को पसंद किया गया था अब दोस्तों साथ ही फिल्म की बजट की बात की तो एक तमिल इंडस्ट्री की तरफ से एक मीडियम बजट के हिसाब से फिल्म को बनाई गई थी जहाँ पर पच्चीस करोड़ रुपये में फिल्म को बनाई है वहीं पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर बात की तो फोर्टी करोड़ रुपये की कमाई की है जिस हिसाब से फिल्म ने थेट्रिकली पर रन दिखाई थी यानी कि एक बोल सकते फिल्म ने तापड़ दो, तापड़ दो कमा की है जहां पर जिस हिसाब से फिल्म ने थेटरी गली पर रिलीज की गई थी तमिल तो इंडस्ट्री की तरफ से फिल्म एक ब्लॉक फिल्म बन चुकी है तो कम समय में एक ग्रोथ हासिल करके दी थी जो कि एक विशाल के काम काफी हद तक इस फिल्म में एक एक्टर की एक एक विशाल एक्टर की एक एक काम जो है इस फिल्म में वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट से बेस्ट रही इसीलिए उन्होंने एक जान फूंक दिए थे यानी इस फिल्म में हर एक जो किरदार है उन्होंने एक जिस तरह से चीजें जो की है वो आपको काफी हद तक पसंद आने वाली है तो ही सभी इस फिल्म में इस तरह से उन्होंने फिल्म को पूरी की पूरी बांधे रखी है तो उनके वजह से फिल्म काफी हद तक इस फिल्म को जो कि वायरल करती हुई नजर आई है जो कि ब्लॉकबस्टर फिल्म बना चुकी है जो कि तमिल इंडस्ट्री की तरफ से तमिल ऑडियंस ने तो काफी हद तक पसंद की है बट अदरवाइज इस फिल्म को जिस तरह से हिंदी वर्जन में हिम्मतवर के नाम से जो रिलीज की गई थी जो फिल्म को तो फिर क्या ही मतलब क्या ही बताऊँ वो फिल्म को जो जिस तरह से हिंदी ऑडियंस ने काफ़ी हद तक इस फिल्म को पसंद की है अभी भी फिल्म को चार चार बार पाँच पाँच बार फिल्म को देख ही रहे हैं तो जितना भी देखते हैं उतना कम लगता है फिल्म को क्योंकि इस तरह से कुछ कहानी बनाई गई है तो दोस्तों अब फिल्म के बारे में अगर डिस्कस करें तो फिल्म के बारे में अगर मैं आप सभी को बताऊँ विशाल एक्टर की परफॉर्मेंस इस फिल्म में जो कि काफ़ी ख़तरनाक देखने को मिलती है जो कि अब एक हर एक मोमेंट हार्ड मोमेंट लगेगी जो फाइटिंग सीन्स है उन्होंने जिस तरह से वो तमिल इंडस्ट्री में जो होते हैं मतलब एक योंग मैन किस तरह से कैसे करके दिखाते हैं मतलब अपने अंदाज़ में तो वही चीज़ इस फिल्म में दिखाए तो अपने अंदाज में उन्होंने जो मतलब हर एक स्टेप जो फिल्म में दिखाई है काफ़ी हद तक आपको पसंद आएगी उनकी काम इस फिल्म में वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट से बेस्ट जो हार्ड परफॉर्मेंस है फिल्म में उन्होंने करके दिखाई है फिल्म की फ़र्स्ट हाफ़ की अगर मैं आप सभी को बताऊं तो थोड़ा बहुत तो आपको आ, कहीं ना कहीं कमियां लगेगी मतलब उतना कुछ बोरिंग थोड़ा बहुत नहीं लगेगी मतलब थोड़ा बहुत इंटरवल के बाद फिल्म खींचती है जहां पर फिल्म की कहानी जिस तरह से वो लेके जाती है असली कहानी पर मुद्दे पर फिल्म के जो बोल सकते जहाँ पर वो एक लड़की से मुलाकात होती है फिर उससे कैसे प्यार होता है फिर उसके बाद उसकी अपनी माँ जो है सगी माँ फिर कैसे घर से निकाल देते कहानी की वही फ़िल्म की कहानी बनाती है फिर आगे वही सभी फिल्म में आपको पता चलेगी तो फिल्म के सॉन्ग्स सेकंड हाफ आप में आपको कहानी मोमेंट जो कैची लगती है वहीं पर फिल्म की जो हर एक मतलब कॉन्सेप्ट है वहीं पर पता चलती है फिल्म को क्या कॉन्सेप्ट रखा गया तो थोड़े बहुत आपको डिले लगेगी फिल्म की कहानी उसकी जो फिल्म की नए नए कुछ जो कि मोड नया मोड जो लाती है वहीं पर लव स्टोरी के बाद फिल्म में कहानी देखने को मिलती है सेकंड इंटरवल के बाद फिल्म में सेकंड हाफ में और एंडिंग फिल्म की कब कैसे गुजरती है वही आपको पता भी नहीं चलती फिल्म को वन टाइम अब अगर एक बार देखेंगे तो मुझे नहीं लगता फिल्म को अभी तक कोई मिस की बट फिर भी फिल्म को काफ़ी समय हो चुका है अगर देख लें तो अच्छी बात है अगर आप फिर भी एक बार देखेंगे तो मुझे नहीं लगता फिल्म आप छोड़ के जा सकता है बिकॉज काफ़ी बड़े एक्टर की फिल्म है इनकी काम जो है काफ़ी हद तक अच्छी रहती है इस फिल्म में भी करके दिखाएँ तो इस तरह से फिल्म की सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छी है सॉन्ग तमिल सॉन्ग है तो उतना कुछ ठीक ठाक है मतलब उतना कुछ खास लगे नहीं मुझे बैगन स्कोर फिल्म की जो सिनेमाग्राफिक एक्शन सिकल्स काफ़ी तगड़ा तगड़ा देखने को मिलती है ख़तरनाक मोमेंट है जो ख़तरनाक से खतरनाक बड़ा हार्ट मोमेंट से देखने को मिलते हैं जो वी ऊपर फिल्म की जिस तरह से करके दिखाए एडिटिंग की काम जो चीज़ें जिस तरह से बेहतरीन में मतलब कहानी जो एक थोड़ा बहुत मुझे लगता है फिल्म को ज़्यादा ही मतलब रनिंग टाइम ज़्यादा ही रखा थोड़ा बहुत काट छाट के फिल्म को और थोड़ा बहुत कम कर सकते थे मतलब जो भी चीज है बेस्ट ऑफ फालतू टाइम है टाइमिंग है वो काफी कहीं ना कहीं छोटे मोटे चीज़ें वो मतलब थोड़े बहुत अनसेसरी वो सब इग्नोर कर सकते हो तो अगर आप वो सब इग्नोर करोगे तो फिल्म अच्छी लगेगी अदरवाइज वो सब भी डायरेक्टर की डायरेक्शनल वो सब भी थोड़ा बहुत अगर कहीं ना कहीं कमियाँ नजर आती वो है वो भी अगर चीज़ें कहीं ना कहीं फ़िल्म ज़्यादा अगर खींची है वही कमियाँ नज़र करती है फिल्म में तो वो सभी अगर छोड़ती तो फिल्म कहीं ना कहीं और ज़्यादा चलती बट फिर भी चीज़ें जिस तरह से कहीं ना कहीं दिखाई है वो भी चीज़ें काफ़ी काबिल तारीफ़ से कम नहीं है तो ये सभी चीज़ें अगर आप ये सभी चीज़ें के अलावा डायरेक्टर की बात की डायरेक्शनल की तो हरिका इस फिल्म जिस तरह से कॉन्सेप्ट एक बोल सकते हैं फैमिली के ऊपर जिस तरह से वो फैमिली के ऊपर रोमांटिक उसके साथ ही कॉमेडी जोन उसके साथ ही जिस तरह से वो हर एक फन मोमेंट जो इंटरवल में जिस तरह से मतलब एक जिस तरह से रिसेप्ट यानी रिसेप्ट में उन्होंने जो कि स्क्रिप्टिंग दिए हैं विशाल के ऊपर तो वही काबिल तारीफ से कम नहीं मतलब विशाल खुद एक प्रोड्यूसर है एक एक्टर भी है तो उन्होंने खुद अपने अंदाज में करके दिखाया तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपको पसंद आएगी तो हरिका इस फिल्म में क्या कैसा रहा वो फिल्म देखने के बाद ही आपको उनका डायरेक्शनल पसंद आने वाली है अगर आप ये सभी फिल्म में देखना चाहते हो तो जाके फिल्म को देख सकते हो तो दोस्तों इस फिल्म को कैसे देख पाओगे मैं आप सभी को बता दूं कि ऑनलाइन के जी फाइव ऐप पर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली विथ इंग्लिश सब के साथ हिंदी लैंग्वेज में हिम्मतवर नाम के साथ आप फिल्म को ऑफिशियली फ्री में देख पाओगे विदाउट सब्सक्रिप्शन विदाउट इस फिल्म मतलब कोई भी लॉग कुछ भी आप ऐसे ही फिल्म को देख पाओगे तो आप जाके इस तरह से इस फिल्म को इन्जॉय कर पाएंगे जी हाँ दोस्तों साथ ही दोस्तों इस फिल्म का सैटेलाइट राइट्स की बात की तो जी शर्मा जी शर्मा एच ई डी टी वी चैनल के ऊपर सैटेलाइट टी वी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियम करता हुआ नजर आएगा साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तो बहुत ही अच्छी बात है अगर आप हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट फड़ सब्सक्राइब करके रख सकते साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी दबाना मत भूलिएगा तो दोस्तों फिल्म की डेवलपमेंट की बात की जाएगी तो फिल्म की डेवलपमेंट की बात की तो इन दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री के ईयर में विशाल जो कि द टीवी प्रोड्यूसर की बात तो की तो फीचर की फिल्म विच विथ वी बी डायरेक्टर हरी एंड रहेंगे उस फिल्म में उनका जो प्राइवेट कोलाबरेट हुए थे अगेन उनकी आफ्टर सक्सेस फिल्म की बात उनके साथ कोलाब्रेशन की बात की तो जो वेंचर जो कि थामिर अभी वनी जो फिल्म था 2007 में उसके साथ उनके साथ आफ्टर जो कि डायरेक्शनल फिल्म में जो कि काम करते हुए नजर आएंगे जहाँ पर ट्रेंगल कुछ एक्शन स्टोरी इस फिल्म में विचिस कुछ अलग अलग रहेगा जो कि कॉम्बिनेट कर रहे हैं फिल्म में एंडिंग पटना में इस रिविलिंग यूवन शंकर के द्वारा जहाँ पर पटना में करती हुई जो कि करेंगे राजा इन ऑलरेडी कंप्लीटेड जो कि कंपोजिंग इस फिल्म को लिए सॉन्ग फिल्म सॉन्ग्स के लिए बिफोर प्रोडक्शनल की काम करते हुए नजर आएंगे जहाँ पर कॉम्बिनेंस की बात की तो द फिल्म ऑफिशियली लॉन्च की बात की थी, थी जहाँ पर ट्वेंटी मार्च टू के ईयर में जहाँ पर विथ प्रेसेस हुए थे जो कि रिलीजिंग जो कि नामिनिंग हुई थी द फिल्म कास्ट ऑफ व्यू जो कि युवान शंकर राजा उसके सेलेक्टेड हुए थे कम्पोज की फिल्म की मेजिंग के लिए जहाँ पर फॉर द फिल्म एन एंड वी टी वी ऑफ जो कि वीयर कंफर्म हुए थे जो फिल्म की जो कि सिनेमाग्राफिक उनको दिया जाएगा उसके साथ एडिटिंग ऑफ द फिल्म की जो रेस्पॉन्सबिलिटी है सूरती हसन वो सब जो कि फिल्म की करवाई जाएगी उसके साथ ही सूरती हसन अपना आल्सो सेलेक्टेड हुए थे जो डू कॉस्टमिट डिज़ाइनिंग के लिए तो उन्होंने खुद अपना जो डिज़ाइनिंग है सूरती हसन अपने अंदाज़ में खुद ही करवाई इस फिल्म में तो दोस्तों इस तरह से इस फिल्म की डेवलपमेंट की बात हुई थी तो दोस्तों अब फिल्म की कास्टिंग के बारे में भी बात की तो फिल्म की कास्टिंग के बारे में अगर मैं आप सभी को बताऊँ अर्ली रिपोर्टली डिसंबर सजेस्टेड हुए थे जहाँ पर सुरती हसन सिंग साइन किए थे फिल्म में प्ले करते तो हुए नज़र आएंगे जब फिल्म हीरोइन का रोल है वो नज़र आएंगे जहाँ पर थ्रू ओनली कन्फर्म हुए थे जो कि पर्टिकल्टी जो कि जो पार्टी के नेसन इन द मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर के ईयर में जहाँ पर सत्यराज एंड सूरी फिल्म में भी ज्वाइन हुए थे जब पर कास्ट ऑफ टू रोल प्ले करते हो सपोर्टिंग रोल में प्ले करते नजर आएंगे विल एक्टर एक्टरिस जो कि कौशल्या एंड अनौंसमेंट किए थे उनके भी रोल प्ले करते नज़र आएंगे मेकिंग इन द कम बैक विद द फिल्म स्टारिंग दो ऑल्सो साइड अदर सपोर्टिंग एक्टरिस का जो रोल है वो फिल्म में प्ले करते नज़र आएंगे द टीम अनाउंसमेंट की जो कि रेखा के थे जहाँ पर प्ले विशाल मदर उन फिल्म में नजर आएंगे जहाँ पर फिल्म बट अन जो कि अनएबिलिटी जो कि फिल्म की मेंट है जो दैट इट फिल्म के टीम लेटर ऑन कास्ट राधिका शरद कुमार इंस्टेड हुए थे जहाँ पर प्रतापोर्थन एंड जो जो कि जानकी सावेश वे आल्सो सेलेक्टेड के रोल जो प्ले है वो नजर आएंगे जहाँ पर सूरती हसन भी आ जो कि पर्यटन की रोल लिए थे जहाँ पर आधीरा जर्मिया उसके साथ ही सेलेक्टेड हुए थे मेक ऑफ कमियो अपरमेंस में जो कि फॉलोअप सॉन्ग्स में सत्यराज सपोर्टेड हुए थे जहाँ पर वर्ल्ड लुक जो फॉर्म की फिल्म की थैंक्स हुई थी जहाँ पर दिस सिमटिन की शूट फॉर एस जो कि राजा के बाहुबली Uh, 2015 में फिल्म आई थी उसके साथ रोल पे भी साइड की काम करते हुए नजर आए जहाँ पर साइड हुई थी जहाँ पर वेरी पावरफुल एंड आल्सो सस्पेंड एलिमेंट जो ऑफ द फिल्म की है वो सभी भोजपुरी फिल्म एक्टर आदिवेश की तरह मिश्रा सेलेक्टेड हुए थे जो लोल रोल है गैंगस्टर इन द फिल्म की विच इस मेकर्स की डब्ड हुए थे जहाँ पर तमिल सिनेमा वैभव रेड्डी सेलेक्ट हुए थे फॉर इम्पोर्टेंट रोल इन द फिल्म बट इस रोल वे नॉट अ पार्ट ऑफ द फिल्म की जो कि विनय बिहारी वही इज द यूथ आर्ट कल्चर मिनिस्टर ऑफ द बिहार पर का रोल सेलेक्टेड हुए थे इस फिल्म में जो कि रोल है वो प्ले करते हुए नजर आएंगे डिस्ट्रीब्यूट कोलेबरेट की द फिल्म की जो कि सिनेमाटोग्राफिक पॉइंट की प्रोडक्शनल विद द एक्सप्रेंस की इंस्टेंट हुए थे एक्टिंग की हरी इस फिल्म में जो बिहार लोकेशन में शूटिंग की गई थी जहाँ पर भरत राज मिस्टर इंडिया सेकेंड रनर की अप टू थाउजेंड फोर्टीन में टाइटल फिल्म को कैरिमेल करके रोल है जो जो कि कलेक्टर हुए थे सन ऑफ द सन फ्रॉम बिहार में जो कि अभिनय सेलेक्टेड हुए थे टू प्ले का सपोर्टिंग रोल है वो मुकेश तिवारी सेलेक्ट हुए थे दो जो कि रो टू प्ले रोल है वो मेन अगेंस्ट हुए थे इस फिल्म में तो इस तरह से इस फिल्म की कास्टिंग की रोल uh, बात की गई थी तो अब दोस्तों फिल्म की फिल्मिंग की बात की जाएगी तो फिल्म की फिल्मिंग की अगर मैं आप सभी को बताऊँ प्रिंसिपल फोटोग्राफी कमेंस इन एटीन अप्रैल टू थाउजेंड की ईयर में चेन्नई में डरिंग शूट रखा गया था एक्शन सिकल्स वहीं पर लिया गया था ऑन स्कोर जो वेत सेट हुई थी जहां पर सली गुरम के जगह पर जहाँ पर विशाल इंजर हुए थे वहाँ पर शूटिंग के दौरान मिडिल फिंगर में राइट right में एंड उसके साथ ही बीच चौदह स्ट्रेचेस आए थे फिर आज की एडमिट्स हुए थे जहाँ पर इन द शूट की वास टेम्प्ररी हल्टेड हुए थे आइटम नंबर फिथिंग विशाल वहाँ पर अंधेरा का जर्मनी की शो उस इस तरह से शूट करवाई गई थी अर्ली मे में आजों की बैकअप ड्रॉप की ऑफ द जो कि कम्दू मार्केट में चेन्नई में फिल्म की वहाँ पर शूटिंग लिया गई थी उसके साथ लेटर वन यूनिट की प्रोसेस की बात थी की थी जहाँ पर कॉम्बरेट करके फिल्म के मेजर प्रोडक्शनल ऑफ़ द फिल्म एट द टाइम इस वॉस की आरिका प्लान किए थे जहाँ पर रैप अप करके फिल्म शूट चालीस फोर्टीन वर्किंग डेज की तरफ से जहाँ पर चालीस दिन में फाइटिंग स्विकल्स की शूट लिया गया था जहाँ पर पॉपुलर मेल मल्टीप्लेक्स देर की सीनस है वो सभी इन्वॉल्विंग की विशाल एन सूर्ती हसन को वी आर आल्सो शूट किया गया था जहाँ पर द फिल्म मॉल कॉम्बेरेट जो कि कॉम्बेट करके द फिल्मिंग जो कंटिन्यू है एट कराई कुडी जो इन अर्ली जुलाई में लिया गया था जहाँ पर सेंसस की फेचिंग की इंसपेंसिपल कास्ट ऑफ शूट की द फिल्म शूटिंग वहीं पर कंटिन्यू करवाई गई थी जहाँ पर इट हॉट वेदर मेकिंग की थिंग्स डिफरेंटली कल कुछ विशाल को वहाँ पर सेपरेट की गई थी इंजोर भी हुआ था फिर उसकी वजह से फिर सेकेंड टाइम इन द फिल्म शूट जो कि सफर हुए थे जो कि फेवरेट द शूट ऑफ द एन एक्शन स्वीकल्स की आफ्टर ट्राइंग टू अवल्ट फिल्मिंग की इस अफेस uh, की में कुछ स्प्लिट हुई थी फिल्म की एब्सोरेट शूट करते हुए जहाँ पर द फर्स्ट वीक में ऑफ अगस्त 2024 के ईयर में फिल्म में लिया गया था जहाँ पर क्लाइमैक्स की शूट पटना इन द टेन डेज में शेड्यूल रखा गया था एंड बाय देन 95 परसेंट ऑफ द फिल्म की शूट कंप्लीट की गई थी जहाँ पर द क्लाइमैक्स सैड हैव यू जो रिक्स की स्टंट है विच शूट फिल्म की फर्स्ट फाइनल शेड्यूल बहुत विशाल एंड हसन कैरवी जो कि कैरवी करते नजर आएंगे आउट ऑफ रिस्क स्टंट जो एंड फाइट सीन्स बाई टेम्बलेंस की जो सम है से वो समयमैक्स में आल्सो शूट जो कि गोलीकोंडा फोर्ट इन हैदराबाद इन स्पेशल एंड एनवोमेंट्स के सेट जो कि हुए थे फॉर द क्लाइमैक्स एंड ये सॉन्ग्स की आल्सो शूट थ्री ऑन इन इट इस कॉम्पलेशन जो ऑन रोमांटिक सॉन्ग्स की शूट जो कि सीट वेजिलेंट एंड उसके साथ ही रिमेनिंग करके फास्ट पेसेस ली गई थी सॉन्ग के लिए शूट इन चेन्नई में भी विशाल सूरती हसन कंप्लीट किए थे या शूटिंग की हार्ड फॉलक सॉन्ग्स के लिए सीक्वेंस की बीच शूट जो कि इन ये वी एम फेसिकल्टीज की बाई बाबा भास्कर ऑफ सॉन्ग्स की सीक्वेंस आल्सो शूट इन पोलैंड में भी लिया गया था जहाँ पर ट्वेंटी नाइन सेक्टम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में ली गई थी ईयर में जहाँ पर सूर्ति कम कन्फर्म की गई थी दैट शूटिंग ऑफ द फिल्म की वॉस कम्प्लीटेड हुई थी फिल्मिंग की तो इस तरह से इस फिल्म की फिल्मिंग की बात हुई थी तो दोस्तों आखिर में फिल्म का प्लॉट या फिर स्टोरी कह लो उसके बारे में भी कहानी के बारे में बात की जाएगी तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी जिस तरह से मैं आपको मतलब थोड़ा सा ही बताऊँगा जी हाँ दोस्तों नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी तो आपको मैं बता दूँ कि फिल्म की कहानी जहाँ पर विशाल यानी इस फिल्म में वासुदेवन जो रहते हैं यानी इस फिल्म में तो वो काफी अपने फैमिली की तरफ से जो कि फैमिली में काफी ज्यादा वो मतलब अपना दिलो जान देते थे अपने फैमिली के लिए कोई भी कदम उठाते हैं तो हालांकि इस फिल्म में जो जिस तरह से जो बिलन उनके पीछे फैमिली के पीछे पड़े रहते हैं तो फिल्म में कहानी वही बनाती है जहाँ पर चीज़ें कैसे क्या बदलती है जहाँ पर फिल्म की कहानी जहाँ पर एक नया मोड लाती है जहाँ पर एक बोल सकते हैं फिल्म को यानी विशाल को इस फिल्म में जो कि सूरती हसन एक्ट्रेस को इस फिल्म में जो कि दिव्या का रोल प्ले कर रहे हैं तो वो उनके साथ जो मुलाकात होती है एक मॉल में फिर उनके बाद उसके साथ जो प्यार में पड़ जाते हैं उनके साथ फिर उसके बाद जो चीज़ें बदलती है जिस तरह से उनके पीछे पड़ जाते हैं गुंडे फिर उसके साथ विलन पड़ जाते हैं फिर उसके बाद उनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं फिर हर एक चीज़ें विशाल को ऊपर जो ठान दिया जाता है फिर वो कैसे क्या चीज़ें हर एक हैंडल करते ख़तरनाक चीज़ें किस तरह से स्टंट लेते हैं अपने फैमिली में भी उस तरह से कुछ उनका एक पुराने रिश्तेदार में जिस तरह से वो एक आ, बोल सकते विशाल को कुछ मतलब फैमिली में एक प्रॉब्लम हो जाता है जहाँ पर उनको एक लड़की ने यानी ज़बरदस्ती फंसा दिया जाता है उसके बाद उनकी मम्मी उनको घर से निकाल दिया जाता है फिर उनके बाद उसके कई साल हो जाते हैं वो अपने मतलब एक बात के लिए तरसते हैं यानी सुनने के लिए जवाब के लिए विशाल उनकी माँ का तो फिर वो बात नहीं करते फिर उसके साथ वो चीजें कैसे क्या बदलती है फिर कैसे क्या वो अपने फैमिली में फिर दोबारा आते हैं फिर मिल पाते हैं वो कैसे क्या करते हैं वो ऐसा क्या काम करते हैं फिर उनकी माँ उनके साथ जो मिलने के लिए तरसते हैं फिर बाद में वो सभी चीजें कैसे क्या एक बेहतरीन तरीके से दिखाई गई तो फिल्म की कहानी वही बनाती है कि इस तरह से कैसे अपने फैमिली के लिए वो किस तरह से कौन से कदम उठाते हैं तो दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट के हरी हरी सर के डायरेक्शन के अलावा उनकी फिल्म में स्क्रिप्टिंग स्टोरी आइडिया डायलॉग्स स्क्रीन प्ले ये सभी चीजें आपको इस फिल्म में उनका ही देखने को मिलती है दोस्तों इस फिल्म का प्रोड्यूसर की बात की तो विशाल इस फिल्म में खुद प्रोड्यूस किए हैं जो कि काफ़ी बड़े एक्टर भी हैं और साथ ही प्रोड्यूस भी किए तो इस फिल्म में उन्होंने खुद ही प्रोड्यूस किए थे साथ ही दोस्तों स्टार्टिंग कास्ट की बात की जाए तो लीड कास्ट की इस फिल्म की तो सुपरस्टार जो कि एक्टर विशाल साउथ इंडस्ट्री के उसके साथ ही ब्यूटीफुल एक्टर सुरती हसन सोरी उसके साथ सत्य राज राधिका मुकेश तिवारी आप सभी को इस फिल्म में स्टार्टिंग लीड कास्ट में देखने को मिलती है तो दोस्तों फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात की जाएगी तो पुरियन का इस फिल्म में सिनेमाग्राफिक हम सभी को इस फिल्म में देखने को मिलती है वहीं पर आ, वी टी आ, वी जन आ, टी एस का आपको इस फिल्म में एडिटिंग देखने को मिलेगी यानी उन्होंने इस फिल्म को एडिट किए थे जहां पर वन मिनट का रनिंग टाइम दिए थे इस फिल्म में यानी कि दो घंटा अड़तीस मिनट की डेफिनेटली uh, इतनी रनिंग टाइम के साथ आपको इस फिल्म को पूरी की पूरी देखने को मिलती है तो दोस्तों साथ ही म्यूजिकल डिपार्टमेंट की भी बात की जाएगी तो युवान शंकर राजा ये सब फिल्म में यानी उनका साउंड ट्रैक एल्बम कम्पोजिंग बैकग्राउंड स्कोर ये सभी आपको इस फिल्म में सुनने को मिलती है पूरी की पूरी सॉन्ग्स की साथ ही दोस्तों म्यूजिकल डिटेल की भी बात की जाएगी तो दोस्तों पहला सॉन्ग का जो टाइटल है तो दोस्तों तमिल वर्जन की बात कर रहा हूँ जहाँ पर आपको जो कि डब्ड वर्जन में भी सुनने को मिल जाएगी तो अगर सुनना है तो आप सुन सकते हो तो पहला सॉन्ग का टाइटल की बात की जाए तो देवटाई जो सॉन्ग था उसको सिंगिंग की बात की तो निवास सर ने सिंगिंग किए थे जहाँ पर चार मिनट चार मिनट चार सेकंड का सॉन्ग की लेंथ सुनने को मिलती है वहीं पर दूसरे सॉन्ग की टाइटल इपडिया जो सॉन्ग था उसको राहुल सर ने सिंगिंग किए थे चार मिनट चौथे सेकंड का सॉन्ग की लेंथ सुनने को मिलती है जहाँ पर नंबीर और मिली भी सिंगिंग किए थे इस सॉन्ग में तीसरे सॉन्ग की टाइटल की बात की तो उड़ी उड़ी जो सॉन्ग था पल्क्कड सर ने सिंगिंग किए थे और उसके साथ श्री राम सर ने भी सिंगिंग किए जहाँ पर चार मिनट बत्तीस सेकंड की सॉन्ग की लेंथ सुनने को मिलती है उसके साथ ही दोस्तों चौथे सॉन्ग की टाइटल सोडा बॉटल जो सॉन्ग था उसको योजन नियर सर ने सिंगिंग किए थे एंडोनी सर ने सिंगिंग किए थे उसके साथ ही दसन उसके साथ ही सत्यन इतने सिंगर सर ने मिलकर जो सिंगिंग किए थे इस सॉन्ग को जहाँ पर चार मिनट चौथी सेकंड की सॉन्ग लेंथ सुनने को मिलती है इसी तरह आप सुन सकते हैं पांचवे सॉन्ग की टाइटल उरे विरे जो सॉन्ग था उसको सिंगिंग की बात की तो युवन शंकर राजा सर ने सिंगिंग किए थे जहाँ पर दो मिनट छब्बीस सेकेंड की सॉन्ग की लेंथ सुनने को मिलती है वहीं पर छठे सॉन्ग की टाइटल जो कि वेरोरम और कांडिकत्र जो सॉन्ग था उसको कार्तिक सर ने सिंगिंग किए उसके साथ ही पूजा ये सर ने भी, भी सिंगिंग किए थे जहाँ पर तीन मिनट छियालीस सेकंड की सॉन्ग की लेंथ सुनने को मिलती है तो इसी तरह आप इस सॉन्ग की पूरी की पूरी सॉन्ग्स अगर आप सुनना चाहते हो तो आपको डेफिनेटली सॉन्ग सुनने को मिल जाएगी जहाँ पर वी म्यूजिक डी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सुनने को मिल जाएगी तो आप इस तरह से इस फिल्म की सॉन्ग्स को इन्जॉय कर पाएंगे तो दोस्तों साथ ही फिल्म की प्रोडक्शन की भी बात की जाएगी तो विशाल फिल्म फैक्ट्री के बैनर के नीचे इस फिल्म को बनाई गई थी तो वहीं पर डिस्ट्रीब्यूट की बात की तो वेंदर मूवीज की ओर से कंप्लीट करवाई गई इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूट तो दोस्तों अब कास्टिंग के बारे में फिल्म की बात की जाएगी तो फिल्म की कास्टिंग के बारे में अगर मैं आप सभी को बताता हूँ तो दोस्तों विशाल एज ए वासुदेवन का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते तो हुए नजर आएंगे जहाँ पर मैन हीरो रहते इस फिल्म में सूरती हजन एज ए दिव्या का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे जहाँ पर डी वासुदेवन को लव इंटरेस्ट इस फिल्म में दिखाते उसके साथ ही दोस्तों सत्यराज एस एम ए एस पी शिवा को चुंडू का रोल आपको इस, इस फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे राधिका एज ए जो कि राजा लक्ष्मी का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते हुए नजर आते हैं जहाँ पर वासुदेवंश के मदर रहते हैं इस फिल्म में यानी इस फिल्म में उनका मां रहते हैं मुकेश तिवारी एज ए अन्ना थडम का आपको इस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे जहाँ पर मेन अंटा इस फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे सूरी एज ए कुट्टी पुल्ली का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे इसके साथ ही जयप्रकाश एज ए रामा स्वामी का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे जहां पर वासुद के फर्स्ट यंग जो कि पटरेलन अंकल रहते इस फिल्म में प्रताप फोटन आपको इस फिल्म में प्रताप फोटन एज ए दिव्या का फादर का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे जानकी जो कि साबेश एज ए दिव्या के मदर का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे तालाई विशावल विजय एज ए कुर स्वामी का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे जहां पर वासुदेव के सेकंड यंग जो कि पाटरल अंकल रहते इस फिल्म में उसके साथ ही जो कि अवधेश मिश्रा एज ए राय बहादुर का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे और उसके साथ ही माधुमिल्ला एज ए सेल्वी का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नज़र आएंगे अभिनया एज ए दुर्गा का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे ऐश्वर्या एज ए लक्ष्मी जो कि शिवक को चुंडिस के वाइफ का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे सीतरा ऐज ए रामास्वामी का वाइफ का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नज़र आएंगे अवसलिया एज ए सुशीला का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे जहाँ पर कुरस्वामी के वाइफ रहते इस फिल्म में साथ ही रेणुका एज ए मानी मेघलाई का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे जहाँ पर दुर्गाज के मदर रहते इस फिल्म में उसके साथ ही सोनराजा एज ए सौंडर का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे मोना बल्ला एज ए को का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे जहाँ पर ग्रुप्स के मैनेजर रहते इस फिल्म में पंडी एज ए पंडी का रोल आपको फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे इमाम इमामी एज ए गुरु का रोल आपको फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे आर सुंदर राजस्टिवल ऑर्गेनिज्म का रोल आपको फिल्म में प्ले करते नजर आते हैं संताना भरती जो कि संताना भरती एज ए अन्ना थडम्स के लायर का रोल आपको फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे ओ ये के सुंदर एज ए दुर्गा का फादर का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे करेट राजा ऐसे अन्ना थडम्स के थेमसल का रोल आपको इस फिल्म प्ले फिल करते नजर आएंगे पोंडी रवि ऐसे सुंदरम का रोल आपको इस फिल्म फिल करते नजर आएंगे जहां पर अन्ना थेमसल रहते हैं इस फिल्म में नरसिंह ए यादव ऐसे राय

का रोल आपको इस फिल्म में प्ले फिल करता नजर आएंगे जहां पर वासुस के सिस्टर रहते हैं इस फिल्म में अंदिरा जर्मिनिया आपको इस फिल्म में स्पेशल अपरमेंस इन द सॉन्ग जो कि सोडा बॉटल में आपको इस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे जो कि इस फिल्म में प्रोमैन कास्ट है लीड इसमें मेन रोल आपको उन्होंने नज़र आएंगे तो इस तरह से इस फिल्म में जितने भी कास्ट है कास्टिंग की बात की आपको इस फिल्म में इसी तरह प्ले करते नजर आएंगे तो दोस्तों पूजा यानी कि हिम्मतवर जिसको हिंदी में नाम दिया गया तो फिल्म को बाईस अक्टूबर टू में दिवाली के जो कि मौके पर फिल्म को फेस्टिवल पर रिलीज की गई थी सिनेमा थेटिकली आपके नज़दीकी सिनेमा थेटिकली पर जहाँ पर तमिल तेलुगु में फिल्म को रिलीज की गई थी तमिल Okay. अपूजय नाम रखा गया था तेलुगु में पूजा नाम रखा गया था फिर लेटर वन चीज़ें कुछ चीज़ें लेटर वन फिर बाद में हिंदी वर्जन में फिल्म को हिम्मत वर्ग के नाम के साथ ही ओरिजिनल जो कि हिंदी डब्ड करके रिलीज़ की गई थी जिस तरह से फिल्म को आपको सुनने में काफ़ी आसान लगेगी जो कि आपको काफ़ी कहीं भी थोड़ी बहुत कमियाँ नहीं आएगी जो कि फिल्म हिंदी में जिस तरह से डब्ड करके रिलीज़ की गई आपको लगेगा ही नहीं फिल्म ही नहीं देगा कि रिलीज़ की गई जो कि ओरिजिनल फिल्म की जैसी लगेगी तो इस तरह से इस फिल्म को रिलीज़ की गई थी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना तो जब पूजय यानी कि हिम्मतवर जिस फिल्म को हिंदी में नाम रखा गया तो फिल्म को पर की थी, तब क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स टू पॉजिटिव फिल्म साथ ही दोस्तों फिल्म को पर 513 10 रेटिंग मिली है, जहां पर ऑडियंस ने इस हद तक इस फिल्म को पसंद की गई थी वहीं पर रोटेन टोमेटोस की तरफ से 70 इस फिल्म को, फ्रेश फिल्म माना गया वहीं पर साथ ही गूगल से सिक्सटी फिल्म को ऑडियंस ने पसंद किया है जिस तरह हद तक इस फिल्म को कॉमेडी जोन में जिस तरह से बोल सकते हैं रोमांटिक कॉमेडी एक्शन जोन में फिल्म को बनाई गई थी तो उस तरह से इस फिल्म को पसंद किया गया था अब दोस्तों साथ ही फिल्म की बजट की बात तो की एक तमिल इंडस्ट्री की तरफ से एक मीडियम बजट के हिसाब से फिल्म को बनाई गई थी जहां पर पच्चीस करोड़ रुपए में फिल्म को बनाई है वहीं पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर बात की, 45 की कमाई की जिस हिसाब से फिल्म ने थिएट्रिकली पर रन करके दिखाई थी यानी कि एक बोल सकते फिल्म ने कमाई की तापड़ी जिस हिसाब से फिल्म ने थिएट्रिकली पर रिलीज की गई थी तो इंडस्ट्री की तरफ से फिल्म एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बन चुकी है तो कम समय में एक ग्रोथ दी थी जो कि एक विशाल काम तक एक एक्टर, एक्टर की काम जो है, बेस है हर एक जो किरदार है उन्होंने एक जिस तरह से चीजें जो की है वो आपको काफी हद तक पसंद आने वाली है तो वही सभी इस फिल्म में इस तरह से उन्होंने फिल्म को पूरी की पूरी बांधे रखी है तो उनकी वजह से फिल्म काफी हद तक इस फिल्म को जो कि वायरल करती हुई नजर आई जो कि ब्लॉक फिल्म बना चुकी है जो कि तमिल इंडस्ट्री की तरफ से तमिल ऑडियंस ने तो काफी हद तक पसंद की है बट अदरवाइज इस फिल्म को जिस तरह से हिंदी वर्जन में हिम्मतवर के नाम से जो रिलीज की गई थी जो फिल्म को तो फिर क्या ही मतलब क्या ही बताऊँ वो फिल्म को जो जिस तरह से हिंदी ऑडियंस ने काफी हद तक इस फिल्म को पसंद की है अभी भी फिल्म को चार चार बार पाँच पाँच बार फिल्म को देख ही रहे हैं तो जितना भी देखते हैं उतना कम लगता है फिल्म को क्योंकि इस तरह से कुछ कहानी बनाई गई है तो दोस्तों अब फिल्म के बारे में अगर डिस्कस करें तो फिल्म के बारे में अगर मैं आप सभी को बताऊँ विशाल एक्टर की परफॉर्मेंस इस फिल्म में जो कि काफ़ी ख़तरनाक देखने को मिलती है जो कि अब एक हर एक मोमेंट हार्ड मोमेंट लगेगी जो फाइटिंग सीन्स है उन्होंने जिस तरह से वो तमिल इंडस्ट्री में जो होते हैं मतलब एक Young मैन किस तरह से कैसे करके दिखाते हैं मतलब अपने अंदाज में तो वही चीज इस फिल्म में दिखाएं तो अपने अंदाज में उन्होंने जो मतलब हर एक स्टेप जो फिल्म में दिखाई है काफ़ी हद तक आपको वो पसंद आएगी उनकी काम इस फिल्म में वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट से बेस्ट जो हार्ड परफॉर्मेंस है फिल्म में उन्होंने करके दिखाई है फिल्म की फ़र्स्ट हाफ़ की अगर मैं आप सभी को बताऊं तो थोड़ा बहुत तो आपको, आपको कहीं ना कहीं कमियां लगेगी मतलब उतना कुछ बोरिंग थोड़ा बहुत बो नहीं लगेगी मतलब थोड़ा बहुत इंटरवल के बाद फ़िल्म खींचती है जहां पर फिल्म की कहानी जिस तरह से वो लेके जाती है असली कहानी पर मुद्दे पर फिल्म के जो बोल सकते जहाँ पर वो एक लड़की से मुलाकात होती है फिर उससे कैसे प्यार होता है फिर उसके बाद उसके अपनी माँ जो है सगी माँ फिर कैसे घर से निकाल देते कहानी की वही फ़िल्म की कहानी बनाती है फिर आगे वही सभी फिल्म में आपको पता चलेगी तो फिल्म के सॉन्ग्स में सेकंड आप में आपको कहानी मोमेंट जो कैची लगती है वहीं पर फिल्म की जो हर एक मतलब कॉन्सेप्ट है वहीं पर पता चलती है फिल्म को क्या कॉन्सेप्ट रखा गया तो थोड़े बहुत आपको डिले लगेगी फिल्म की कहानी उसकी जो फिल्म की नए नए कुछ जो कि मोड नया मोड जो लाती है वहीं पर लव स्टोरी के बाद फिल्म में कहानी देखने को मिलती है सेकंड इंटरवल के बाद फिल्म में सेकंड हाफ में और एंडिंग फिल्म की कब कैसे गुजरती है वही आपको पता भी नहीं चलती है। फिल्म को वन टाइम अब अगर एक बार देखेंगे तो मुझे नहीं लगता फिल्म को अभी तक कोई मिस किया बट फिर भी फिल्म को काफ़ी समय हो चुका है अगर देख लें तो अच्छी बात है अगर आप फिर भी एक बार देखेंगे तो मुझे नहीं लगता फिल्म आप छोड़ के जा सकता है बिकॉज काफ़ी बड़े एक्टर की फिल्म है इनकी काम जो है काफ़ी हद तक अच्छी रहती है इस फिल्म में भी करके दिखाएँ तो इस तरह से फिल्म की सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छी है सॉन्ग तमिल सॉन्ग है तो उतना कुछ ठीक ठाक है मतलब उतना कुछ खास लगे नहीं मुझे स्कोर फिल्म की जो सिनेमाटोगोग्राफिक एक्शन सिकल्स काफ़ी तगड़ा तगड़ा देखने को मिलती है ख़तरनाक मोमेंट है जो ख़तरनाक से ख़तरनाक बड़ा हार्ट मोमेंट से देखने को मिलते हैं जो वी एफ एक्स के ऊपर फिल्म की जिस तरह से करके दिखाए एडिटिंग की काम जो चीज़ें जिस तरह से बेहतरीन में मतलब कहानी जो एक थोड़ा बहुत मुझे लगता है फिल्म को ज़्यादा ही मतलब रनिंग टाइम ज़्यादा ही रखा गया थोड़ा बहुत काट छाट के फिल्म को और थोड़ा बहुत कम कर सकते थे मतलब जो भी चीज़ है बेस्ट ऑफ फालतू टाइम है टाइमिंग है वो काफ़ी कहीं ना कहीं छोटे मोटे चीज़ें वो मतलब थोड़े बहुत अननेसरी वो सब इग्नोर कर सकते हैं तो अगर आप वो सभी इग्नोर करोगे तो फिल्म अच्छी लगेगी अदरवाइज वो सभी डायरेक्टर की डायरेक्शनल वो सभी थोड़ा बहुत अगर कहीं ना कहीं कमियाँ नजर आती वो सब भी है वो सभी अगर चीजें कहीं ना कहीं फिल्म ज़्यादा अगर खींची है वही कमियाँ नजर करती है फिल्म में तो वो सभी अगर छोड़ती है तो फिल्म कहीं ना कहीं और ज़्यादा चलती बट फिर भी चीज़ें जिस तरह से कहीं ना कहीं दिखाई है वो भी चीज़ें काफ़ी काबिल तारीफ से कम नहीं है तो ये सभी चीज़ें अगर आप ये सभी चीज़ें के अलावा डायरेक्टर की बात की डायरेक्शनल की तो हरिका इस फिल्म में जिस तरह से कॉन्सेप्ट एक बोल सकते हैं फैमिली के ऊपर जिस तरह से वो फैमिली के ऊपर रोमांटिक उसके साथ ही कॉमेडी जोन उसके साथ ही जिस तरह से वो हर एक फन मोमेंट जो इंटरव्यू में जिस तरह से मतलब एक जिस तरह से रिसेप्ट यानी रिसेप्ट में उन्होंने जो कि स्क्रिप्टिंग दिए हैं विशाल के ऊपर तो वही काबिल तारीफ़ से कम नहीं मतलब विशाल ख़ुद एक प्रोड्यूसर है, है एक, एक एक्टर भी है तो उन्होंने खुद अपने अंदाज में करके दिखाया तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपको पसंद आएगी तो हरिका इस फिल्म में क्या कैसा रहा वो फिल्म देखने के बाद ही आपको उनका डायरेक्शनल पसंद आने वाली है अगर आप ये सभी फिल्म में देखना चाहते हो तो जाके फिल्म को देख सकते हो तो दोस्तों इस फिल्म को कैसे देख पाओगे मैं आप सभी को बता दूं कि ऑनलाइन के जी फाइव ऐप पर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली विथ इंग्लिश एपटेटल के साथ हिंदी लैंग्वेज में हिम्मतवर नाम के साथ आप फिल्म को ऑफिशियली फ्री में देख पाओगे विदाउट सब्सक्रिप्शन विदाउट इस फिल्म में मतलब कोई भी लॉगिन कुछ भी आप ऐसे ही फिल्म को देख पाओगे तो आप जाके इस तरह से इस फिल्म को एंजॉय कर पाएंगे जी हाँ दोस्तों साथ ही दोस्तों इस फिल्म का सैटेलाइट राइट्स की बात की तो जी शर्मा जी शर्मा एच ई डी टी चैनल के ऊपर सैटेलाइट टीवी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियम करता हुआ नजर आएगा साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तो बहुत ही अच्छी बात है अगर आप हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट फड़ सब्सक्राइब करके रख सकते साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी दबाना मत भूलिएगा तो दोस्तों फिल्म की डेवलपमेंट की बात की जाएगी तो फिल्म की डेवलपमेंट की बात की है तो इन दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री के ईयर में विशाल जो कि टोल्ट द टीवी प्रोड्यूसर की बात किया, तो की तो फीचर की फिल्म विच विट वी बी डायरेक्टर हरी एंड रहेंगे उस फिल्म में उनका जो प्राइवेट कोलाबरेट हुए थे अगेन उनकी आफ्टर सक्सेस फिल्म की बात उनके साथ कोलाब्रेशन की बात की तो जो वेंचर जो कि थामिर अभिवनी जो फिल्म था 2007 में उसके साथ उनके साथ आफ्टर जो कि डायरेक्शनल फिल्म में जो कि काम करते हुए नजर आएंगे जहाँ पर ट्रेंगल कुछ एक्शन स्टोरी इस फिल्म में विचिस कुछ अलग अलग रहेगा जो कि कॉम्बिनेट कर रहे हैं फिल्म में एंडिंग पटना में इस रिविलिंग यूवन शंकर के द्वारा जहां पर पटना में करती हुई जो कि करेंगे राजा इन ऑलरेडी कंप्लीटेड जो कि कंपोजिंग इस फिल्म को लिए सॉन्ग फिल्म सॉन्ग्स के लिए बिफोर प्रोडक्शनल की काम करते हुए नजर आएंगे जहां पर कॉम्बिन की बात की तो द फिल्म ऑफिशियली लॉन्च की बात की थी जहाँ पर ट्वेंटी मार्च टू थाउजेंड की ईयर में जहाँ पर विथ प्रेसेस हुए थे जो कि रिलीजिंग जो कि हुई थी द फिल्म कास्ट ऑफ व्यू जो कि युवान शंकर राजा सेलेक्टेड हुए थे द कम्बोज की फिल्म की मेजिंग के लिए जहाँ पर फॉर द फिल्म प्रेम एंड वी टी वी विजन ऑफ जो कि वीअर कंफर्म हुए थे जो फिल्म की जो कि सिनेमाग्राफिक उनको दिया जाएगा उसके साथ एडिटिंग ऑफ द फिल्म की जो रेस्पॉन्सबिलिटी है सूरती हसन वो सब भी कर, जो कि फिल्म की करवाई जाएगी उसके साथ सूरती हसन अपना आल्सो सेलेक्टेड हुए थे जो डू कॉस्टमिट डिज़ाइनिंग के लिए तो उन्होंने खुद अपना जो डिज़ाइनिंग है सूरती हसन अपने अंदाज में खुद ही करवाई इस फिल्म में तो दोस्तों इस तरह से इस फिल्म की डेवलपमेंट की बात हुई थी तो दोस्तों अब फिल्म की कास्टिंग के बारे में भी बात की तो फिल्म की कास्टिंग के बारे में अगर मैं आपसे बताऊँ अर्ली रिपोर्टली डिसंबर सजेस्टेड हुए थे जहाँ पर सुरती हसन सिंगिंग साइन किए थे फिल्म में प्ले करते तो नज़र आएंगे जब फिल्म हीरोइन का रोल है वो नजर आएंगे जहाँ पर थ्रू ओनली कन्फर्म हुए थे जो कि पर्टिकल्टी जो कि जो कि पार्टी के नशन इन द मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर के ईयर में जहाँ पर सत्यराज एंड सूरी फिल्म में भी ज्वाइन हुए थे जब कास्ट ऑफ टू रोल प्ले करते हो सपोर्टिंग रोल में प्ले करते हो नज़र आएंगे विल एक्टरिस जो कि कौशल्या एंड अनौंसमेंट किए थे उनके भी रोल प्ले करते हो नजर आएंगे मेकिंग इन द कम बैक विद द फिल्म स्टारिंग दल्सो साइड अदर सपोर्टिंग एक्ट्रेस का जो रोल है वो फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे द टीम अनाउंसमेंट की जो कि रेखा के थे जहाँ पर प्ले विशाल मदर उन फिल्में नजर आएंगे जहाँ पर फिल्म बट अन जो कि अनएबिलिटी जो कि फिल्म की मेन्ट है जो दट इट फिल्म के टीम लेटर ऑन कास्ट राधिका शरत कुमार इंस्टेट हुए थे जहाँ पर प्रतापोर्तन पो, एंड जो जो कि जान की, की uh, साविश वे ऑल्सो सेलेक्टेड के रोल जो प्ले है वो उस नजर आएंगे जहाँ पर सूरती हसन भी आ, जो कि पर्यटन की रोल लिए थे जहाँ पर आधीरा आ, जर्मिया उसके साथ ही सेलेक्टेड हुए थे मेक ऑफ कमियो अपरमेंस में जो कि के सॉन्ग्स में सत्यराज और सपोर्टेड हुए थे जहाँ पर वर्ल्ड लुक जो फॉरम की फिल्म की थैंक्स हुए थे जहाँ पर दिस सिमटन्स की शूट फॉर एस जो कि राजा के बाहुबली Uh, 2015 में फिल्म आई थी उसके साथ रोल पे बेसाइड साइड की काम करते हुए नजर आए जहाँ पर सैड हुई थी जहाँ पर वेरी पावरफुल एंड आल्सो सस्पेंड एलिमेंट जो ऑफ द फिल्म की है वो सभी भोजपुरी फिल्म एक्टर आदिवेश की तरह मिस मिश्रा सेलेक्टेड हुए थे जो लोल रोल है गैंगस्टर इन द फिल्म की विच इस मेकर्स की डब्ड हुए थे जहाँ पर तमिल सिनेमा वैभव रेड्डी सेलेक्ट हुए थे फॉर इंपॉर्टेंट रोल इन द फिल्म बट इस रोल वे नॉट अ पार्ट ऑफ द फिल्म की जो कि विनय बिहारी वही इज द यूथ कल्चर मिनिस्टर ऑफ द बिहार पर का रोल सेलेक्टेड हुए थे इस फिल्म में जो कि रोल है वो प्ले करते हुए नजर आएंगे डिस्ट्रीब्यूट कोलेबरेट की द फिल्म की जो कि सिनेमाटोग्राफिक पॉन्स की प्रोडक्शनल विद दिल एक्सप्रेंस की इंस्टीडेंट हुए थे एक्टिंग की हरी इस फिल्म में जो बिहार लोकेशन में शूटिंग की गई थी जहाँ पर भरत राज मिस्टर इंडिया सेकेंड रनर की टू थाउजेंड फोर्टीन में टाइटल फिल्म को कैरिमेल करके रोल है जो जो कि कलेक्टर हुए थे सन ऑफ द सन फ्रॉम बिहार में जो कि अभिनय सेलेक्टेड हुए थे टू प्ले का सपोर्टिंग रोल है वो मुकेश तिवारी सेलेक्ट हुए थे दो जो कि रो टू प्ले रोल है वो मैन अगेंस्ट हुए थे इस फिल्म में तो इस तरह से इस फिल्म की कास्टिंग की रोल बात की गई थी तो अब दोस्तों फिल्म की फिल्मिंग की बात की जाएगी तो फिल्म की फिल्मिंग की अगर मैं आप सभी को बताऊँ प्रिंसिपल फोटोग्राफी कमेंस इन एटीन अप्रैल टू की ईयर में चेन्नई में डूरिंग शूट रखा गया था एक्शन स्विकल्स वहीं पर लिया गया था ऑन स्कोर जो वेत सेट हुई थी जहां पर सली गुरम के जगह पर जहाँ पर विशाल इंजोर हुए थे वहाँ पर शूटिंग के दौरान मिडिल फिंगर में राइट right में एंड उसके साथ ही विच चौदह स्ट्रेचेस आई थी फिर आज एडमिट हुए थे जहाँ पर इन द शूट की वास टेम्पररी हल्टेड हुए थे आइटम नंबर फिथिंग विशाल वहाँ पर अंदिरा का जर्मनी की शो उस इस तरह से शूट करवाई गई थी अर्ली मे में जो कि बैकअप ड्रॉप की ऑफ द जो कि कोयमुद्दू मार्केट में चेन्नई में फिल्म की वहाँ पर शूटिंग लिया गई थी उसके साथ लेटर वन यूनिट की प्रोसेट की बात की थी जहाँ पर कॉम्बरेट करके फिल्म की मेजर प्रोडक्शनल ऑफ़ द फिल्म एट द टाइम इस वॉस की हरिका प्लान किए थे जहाँ पर रैपअप करके फिल्म शूट चालीस फोर्टीन वर्किंग डेज की तरफ से जहाँ पर चालीस दिन में फाइटिंग स्विकल्स की शूट लिया गया था जहाँ पर पॉपुलर मेल मल्टीप्लेक्स दर की सीनस है वो सभी इन की विशाल एनसूरती हसन को वे आर आल्सो शूट किया गया था जहाँ पर द फिल्म मॉल कॉम्बेट जो कि कॉम्बेट करके द फिल्मिंग जो कंटिन्यू है एट कराई कुडी जो इन अर्ली जुलाई में लिया गया था जहाँ पर सेंसस की फेचिंग की इंसिपल uh, कास्ट ऑफ शूट की द फिल्म शूटिंग वहीं पर कंटिन्यू करवाई गई थी जहाँ पर इट हॉट वेदर मेकिंग की थिंग्स डिफरेंटली कल कुछ विशाल को वहाँ पर सेपरेट की गई थी इंजोर भी हुआ था फिर उसकी वजह से फिर सेकेंड टाइम इन द फिल्म शूट जो कि सफरेट हुए थे जो कि फेवरेट डूरिंग शूट ऑफ द एन एक्शन स्वीकल्स की आफ्टर ट्राइंग टू तो अवल्ट फिल्मिंग की इस अफेस की में कुछ स्प्लिट हुई थी फिल्म की एब्सोरेट शूट करते हुए जहाँ पर फर्स्ट वीक में ही ऑफ अगस्त 2024 थाउजेंड ट्वेंटी फोर के ईयर में फिल्में लिया गया था जहाँ पर क्लाइमैक्स की शूट पटना इन द दे टेन डेज में शेड्यूल रखा गया था एंड बाय देन नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ द फिल्म की शूट कंप्लीट की गई थी जहाँ पर द क्लाइमैक्स सैड हैव व्यू जो रिक्स की स्टंट है विच शूट फिल्म के फर्स्ट फाइनल शेड्यूल बहुत विशाल एंड सूरती हसन कैरवी जो की कैरवी करते नजर आएंगे आउट ऑफ रिस्क की स्टंट जो एंड फाइट सीन्स बाई एम्बुलेंस की जो सम है वो क्लाइमेक्स में आल्सो शूट जो कि गोलीकोंडा फोर्ट इन हैदराबाद इन स्पेशल एंड एनवोमेंट्स के सेट जो कि हुए थे फॉर द क्लाइमैक्स एंड ये सॉन्ग्स की आल्सो शूट थ्री ऑन इन एट इस कंप्लेसन जो कि वन रोमांटिक सॉन्ग्स की शूट जो कि सीट वेजिलेंट एंड उसके साथ ही रिमेनिंग करके फास्ट पेसेस ली गई थी सॉन्ग के लिए शूट इन चेन्नई में भी विशाल सूरती हसन कंप्लीट गए थे या शूटिंग की हार्ड फॉलक सॉन्ग्स के लिए स्वीकेंस के बीच शूट जो कि इन ये वी एम फेसिकल्टीज के बाबा भास्कर ऑफ सॉन्ग्स की सीक्वेंस आल्सो शूट इन अब पोलैंड में भी लिया गया था जहाँ पर ट्वेंटी नाइन सेक्टेबर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में ली गई थी ईयर में जहाँ पर शूट थी कम की गई थी दैट शूटिंग ऑफ द फिल्म की वॉज कंप्लीटेड हुई थी फिल्मिंग की तो इस तरह से इस फिल्म की फिल्मिंग की बात हुई थी तो दोस्तों आखिर में फिल्म के प्लॉट या फिर स्टोरी कह लो उसके बारे में भी कहानी के बारे में बात की जाएगी तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी जिस तरह से मैं आपको मतलब थोड़ा सा ही बताऊँगा जी दोस्तों नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी तो आपको मैं बता दूं कि फ़िल्म की कहानी जहाँ पर विशाल यानी इस फिल्म में वासुदेवन जो रहते हैं यानी इस फिल्म में तो वो काफ़ी अपने फैमिली के तरफ से जो कि फैमिली में काफ़ी ज़्यादा वो मतलब अपना दिलो जान देते हैं अपने फैमिली के लिए कोई भी कदम उठाते हैं तो हालांकि इस फिल्म में जो जिस तरह से जो बिलन उनके पीछे फैमिली के पीछे पड़े रहते हैं तो फिल्म में कहानी वही बनाती है जहाँ पर चीज़ें कैसे क्या बदलती है जहाँ पर फिल्म की कहानी जहाँ पर एक नया मोड लाती है जहाँ पर एक बोल सकते फिल्म को यानी विशाल को इस फिल्म में जो कि सुरती हसन एक्ट्रेस को इस फिल्म में जो कि दिव्या का रोल प्ले कर रहे हैं तो वो उनके साथ जो मुलाकात होती है एक मॉल में फिर उनके बाद उसके साथ जो प्यार में पड़ जाते हैं उनके साथ फिर उसके बाद जो चीज़ें बदलती है जिस तरह से उनके पीछे पड़ जाते हैं गुंडे फिर उसके साथ विलन पड़ जाते हैं फिर उनके बाद उनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं फिर हर एक चीज़ विशाल को ऊपर जो ठान दिया जाता है फिर वो कैसे क्या चीज़ें हर एक हैंडल करते ख़तरनाक चीज़ें किस तरह से स्टंट लेते हैं अपने फैमिली में भी उस तरह से कुछ उनका एक पुराने रिश्तेदार में जिस तरह से वो एक आ, बोल सकते विशाल को कुछ मतलब फैमिली में एक प्रॉब्लम हो जाता है जहाँ पर उनको एक लड़की ने फंसाया यानी ज़बरदस्ती फंसा दिया जाता है उसके बाद उनकी मम्मी उनको घर से निकाल दिया जाता है फिर उनके बाद उसके कई साल हो जाते हैं वो अपने मतलब एक बात के लिए तरसते हैं यानी सुनने के लिए जवाब के लिए विशाल उनकी माँ का तो फिर वो बात नहीं करते फिर उसके साथ वो चीज़ें कैसे क्या बदलती है फिर कैसे क्या वो अपने फैमिली में फिर दोबारा आते हैं फिर मिल पाते हैं वो कैसे क्या करते हैं वो ऐसा क्या काम करते हैं फिर उनकी माँ उनके साथ जो मिलने के लिए तरसते हैं फिर बाद में वो सभी चीज़ें कैसे क्या एक बेहतरीन तरीके से दिखाई गई तो फिल्म की कहानी वही बनाती है कि इस तरह से कैसे अपने फैमिली के लिए वो किस तरह से कौन से कदम उठाते हैं तो दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट के हरी हरी सर के डायरेक्शन के अलावा उनकी इस फिल्म में स्क्रिप्टिंग स्टोरी आइडिया डायलॉग्स स्क्रीन प्ले ये सभी चीजें आपको इस फिल्म में उनका ही देखने को मिलती है दोस्तों इस फिल्म का प्रोड्यूसर की बात की तो विशाल इस फिल्म में खुद प्रोड्यूस किए हैं जो कि काफ़ी बड़े एक्टर भी हैं और साथ ही प्रोड्यूस भी किए तो इस फिल्म में उन्होंने खुद ही प्रोड्यूस किए थे साथ ही दोस्तों स्टार्टिंग कास्ट की बात की जाए तो लीड कास्ट की इस फिल्म की तो सुपर स्टार जो कि एक्टर विशाल साउथ इंडस्ट्री के उसके साथ ही ब्यूटीफुल एक्टर सुरती हसन सोरी उसके साथ सत्यराज राधिका मुकेश तिवारी आप सभी को इस फिल्म में स्टार्टिंग लीड कास्ट में देखने को मिलती है तो दोस्तों फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात की जाएगी तो पुरियन का इस फिल्म में सिनेमाग्राफिक हम सभी को इस फिल्म में देखने को मिलती है वहीं पर आ, वी टी आ, वी जन आ, टी एस का आपको इस फिल्म में एडिटिंग देखने को मिलेगी यानी उन्होंने इस फिल्म को एडिट किए थे जहां पर वन मिनट का रनिंग टाइम दिए थे इस फिल्म में यानी कि दो घंटा अठतीस मिनट की डेफिनेटली uh, इतनी रनिंग टाइम के साथ आपको इस फिल्म को पूरी की पूरी देखने को मिलती है तो दोस्तों साथ ही म्यूजिकल डिपार्टमेंट की भी बात की जाएगी तो युवान शंकर राजा इस फिल्म में यानी उनका साउंड ट्रैक एल्बम कंपोजिंग बैकग्राउंड स्कोर ये से भी आपको इस फिल्म में सुनने को मिलती है पूरी की पूरी सॉन्ग्स की साथ ही दोस्तों म्यूजिकल डिटेल की भी बात की जाएगी तो दोस्तों पहला सॉन्ग का जो टाइटल है तो दोस्तों तमिल वर्जन की बात कर रहा हूँ जहाँ पर आपको जो कि डब्ड वर्जन में भी सुनने को मिल जाएगी तो अगर सुनना है तो आप सुन सकते हो तो पहला सॉन्ग का टाइटल की बात की जाए तो देवटाई जो सॉन्ग था उसको सिंगिंग की बात की तो निवास सर ने सिंगिंग किए थे जहाँ पर चार मिनट चार मिनट चार सेकंड का सॉन्ग की लेंथ सुनने को मिलती है वहीं पर दूसरे सॉन्ग की टाइटल इपडिया जो सॉन्ग था उसको राहुल सर ने सिंगिंग किए थे चार मिनट चौथे सेकंड का सॉन्ग की लेंथ सुनने को मिलती है जहाँ पर नम्बिर और मिली नयर भी सिंगिंग किए थे इस सॉन्ग में तीसरे सॉन्ग की टाइटल की बात की तो उड़ी उड़ी जो सॉन्ग था पलक्कड सर ने सिंगिंग किए थे और उसके साथ ही श्री राम सर ने भी सिंगिंग किए जहाँ पर चार मिनट बत्तीस सेकंड की सॉन्ग की लेंथ सुनने को मिलती है उसके साथ ही दोस्तों चौथे सॉन्ग की टाइटल सोडा बॉटल जो सॉन्ग था उसको यूज नियर सर ने सिंग किए थे एंडोनी सर ने सिंगिंग किए थे उसके साथ ही इस दसन उसके साथ ही सत्यन इतने सिंगर सर ने मिलकर जो सिंगिंग किए थे इस सॉन्ग को जहाँ पर चार मिनट चौथी सेकेंड की सॉन्ग लेंथ सुनने को मिलती है इसी तरह आप सुन सकते हैं पांचवे सॉन्ग की टाइटल उरे उ जो सॉन्ग था उसको सिंगिंग की बात की तो युवन शंकर राजा सर ने सिंगिंग किए थे जहाँ पर दो मिनट छब्बीस सेकेंड की सॉन्ग की लेंथ सुनने को मिलती है वहीं पर छठे सॉन्ग की टाइटल जो कि वेरोराम और कांडिकत्रेय जो सॉन्ग था उसको कार्तिक सर ने सिंगिंग किए थे उसके साथ ही पूजा ये वी सर ने भी, भी सिंगिंग किए थे जहाँ पर तीन मिनट छियालीस सेकंड की सॉन्ग की लेंथ सुनने को मिलती है तो इसी तरह आप इस सॉन्ग की पूरी की पूरी सॉन्ग्स अगर आप सुनना चाहते हो तो आपको डेफिनेटली सॉन्ग सुनने को मिल जाएगी जहाँ पर वी म्यूजिक डी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सुनने को मिल जाएगी तो आप इस तरह से इस फिल्म की सॉन्ग्स को इन्जॉय कर पाएंगे तो दोस्तों साथ ही फिल्म की प्रोडक्शन की भी बात की जाएगी तो विशाल फिल्म फैक्ट्री के बैनर के नीचे इस फिल्म को बनाई गई थी तो वहीं पर डिस्ट्रीब्यूट की बात की तो वेंदर मूवीज़ की ओर से कंप्लीट करवाई गई इस फिल्म की डिस्ट्रीब्यूट तो दोस्तों अब कास्टिंग के बारे में भी फिल्म की बात की जाएगी तो फिल्म की कास्टिंग के बारे में अगर मैं आप सभी को बताता हूँ तो दोस्तों विशाल एज ए वासुदेवन का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते तो हुए नजर आएंगे जहाँ पर मैन हीरो रहता रहते इस फिल्म में सूरती हजन एज ए दिव्या का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे जहाँ पर डी वासुदेवन को लव इंटरेस्ट इस फिल्म में दिखाते उसके साथ ही दोस्तों सत्यराज एस ए एस पी शिवा कोचुंड का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे राधिका एज ए जो कि राजा लक्ष्मी का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नजर आते हैं जहाँ पर वासुदेवंस के मदर रहते हैं इस फिल्म में यानी इस फिल्म में उनका मां रहते हैं मुकेश तिवारी एज ए अन्ना थडम आपको इस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे जहाँ पर मेन अंटा गोनेस्ट इस फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे सूरी एज ए कुट्टी पुल्ली का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे इसके साथ ही जयप्रकाश एज ए रामास्वामी का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे जहां पर वासुद के फर्स्ट योंग जो कि पटरेलन अंकल रहते इस फिल्म में प्रताप फोटन आपको इस फिल्म में प्रताप फोटन एज ए दिव्यास का फादर का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे जानकी जो कि साबेश एज ए दिव्यास के मदर का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे तालाई विशावल विजय एज ए कुरस्वामी का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे जहां पर वासुदेव के सेकंड योंग जो कि पाटरल अंकल रहते इस फिल्म में उसके साथ ही जो कि अवधेश मिश्रा एज ए राय बहादुर का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नज़र आएंगे उसके साथ ही माधुमिल्ला एज ए सिल्वी का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे अभिनय एज ए दुर्गा का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नज़र आएंगे ऐश्वर्या एज ए लक्ष्मी जो कि शिवक को चुंडिस के वाइफ का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नज़र आएंगे सीतरा एज ए रामास्वामी का वाइफ का रोल आप इस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे अवसलिया एज ए सुशीला का रोल आपके इस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे जहाँ पर कुरास्वामी के वाइफ रहते है इस फिल्म में साथ ही रेनुका एज ए मानी मेघालाई का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे जहाँ पर दुर्गा के मदर रहते इस फिल्म में उसके साथ ही सौंडराजा एज ए सौंडर का रोल आपको आपकी फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे मोना बल्ला एज ए कोबाई का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे जहाँ पर ग्रुप्स के मैनेजर रहते इस फिल्म में पंडी एज ए पंडी का रोल आपको इमाम गुरु का रोल आएंगे ऑर्गेनिज्म का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नजर आते हैं संतना भरती जो कि संताना भरती एज ए अन्ना के लायर का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे ओ ये के सुंदर एज ए दुर्गा के फादर का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे करेट राजा ऐसे अन्ना के हेमसल का रोल आपको इस फिल्म प्ले फिल करते नजर आएंगे पोंडी रवि ऐसा सुंदरम का रोल आपको फिल्म प्ले फिल करते नजर आएंगे जहाँ पर अन्ना थडम्स के हेमसल रहते हैं इस फिल्म में नरसिंह यादव ऐसे राय बहादुर आपका नजर आएंगे जहाँ पर हिमसल्फ रहते फिल्म में भरत राज यादव का रोल इस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे निशा एज ए कीर्ति का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे जहां पर दिव्यास के फ्रेंड रहते इस फिल्म में उसके साथ सरबना एज आनंद एज ए चित्रा का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे विनय बिहारी एज ए जो की केरला मिनिस्टर माध्यवन नायर का रोल आपको इस फिल्म में प्ले करते नजर आते है आरा ऐस ए आरती रोल आपको इस फिल्म में प्ले करता नजर आएंगे जहां पर वासुस के सिस्टर रहते हैं इस फिल्म में अंदिरा जर्मिनिया आपको इस फिल्म में स्पेशल अपरमेंस इन द सॉन्ग जो कि सोडा बॉटल में आपको इस फिल्म में प्ले करते तो नजर आएंगे जो कि इस फिल्म में प्रोमैन कास्ट है लीड इसमें मेन रोल आपको उन्होंने नजर आएंगे तो इस तरह से इस फिल्म में जितने भी कास्ट है कास्टिंग की बात की है आपको इस फिल्म में इसी तरह प्ले करते तो नजर आएंगे तो दोस्तों पूजा यानी कि हिम्मतवर जिसको हिंदी में नाम दिया गया तो फिल्म को बाईस अक्टूबर टू में दिवाली के जो कि मौके पर फिल्म को फेस्टिवल पर रिलीज की गई थी सिनेमा थियटिकली आपके नज़दीकी सिनेमा थियटिकली पर जहाँ पर तमिल तेलुगु में फिल्म को रिलीज की गई थी तमिल में अपूजय नाम रखा गया था तेलुगु में पूजा नाम रखा गया था फिर लेटर वन चीज़ें कुछ चीज़ें लेटर वन फिर बाद में हिंदी वर्जन में फिल्म को हिम्मत वर्ग के नाम के साथ ही ओरिजिनल जो कि हिंदी डब्ड करके रिलीज़ की गई थी जिस तरह से फिल्म को आपको सुनने में काफ़ी आसान लगेगी जो कि आपको काफ़ी कहीं भी थोड़ी बहुत कमियाँ नहीं आएगी जो कि फिल्म हिंदी में जिस तरह से डब्ड करके रिलीज़ की गई आपको लगेगा ही नहीं फिल्म ये नहीं देगा कि रिलीज़ की गई जो कि ओरिजिनल फिल्म की जैसी लगेगी तो इस तरह से इस फिल्म को रिलीज़ की गई थी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना तो जब पूजा यानी कि हिम्मतवर जिस फिल्म को हिंदी में नाम रखा गया तो फिल्म को थिएट्रिकली पर रिलीज़ की गई थी तब क्रिटिक्स का रेस्पॉन्स की तरफ से मिक्स टू पॉजिटिव फिल्म साथ ही दोस्तों फिल्म को आई पर फाइव आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली हुई है जहां पर ऑडियंस ने इस हद तक इस फिल्म को पसंद की गई थी वहीं पर रोटेन टोमेटोस की तरफ से 70 इस फिल्म को फ्रेश फिल्म माना गया वहीं पर साथ ही गूगल यूजर्स की तरफ से सिक्सटी इस फिल्म को ऑडियंस ने पसंद किया जिस तरह हद तक इस फिल्म को कॉमेडी जोन में जिस तरह से बोल सकते रोमांटिक कॉमेडी एक्शन जोन में फिल्म को तो उस तरह से इस फिल्म को पसंद किया गया था अब दोस्तों साथ ही फिल्म की की बजट बात की है, तो एक तमिल इंडस्ट्री की तरफ से एक मीडियम बजट के हिसाब से फिल्म को बनाई गई थी जहाँ पर पच्चीस करोड़ रुपये में फिल्म को बनाई है वहीं पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर बात किए तो फोर्टी फाइव करोड़ रुपये की कमाई की है जिस हिसाब से फिल्म ने थिएट्रिकली पर रन करके दिखाई थी यानी कि एक बोल सकते फिल्म ने तापड़ तापड़ो कमाई की है जहां पर जिस हिसाब से फिल्म ने थिएट्रिकली पर रिलीज की गई थी तमिल तो इंडस्ट्री की तरफ से फिल्म एक ब्लॉक फिल्म बन चुकी है तो कम समय में एक ग्रोथ हासिल करके दी थी जो कि एक विशाल के काम काफी हद तक इस फिल्म में एक एक्टर के विशाल एक्टर की काम जो है इस फिल्म में वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट से बेस्ट रही इसीलिए उन्होंने एक जान फूक दिए थे यानी इस फिल्म में हर एक एक जो किरदार है उन्होंने एक जिस तरह से चीजें जो की है वो आपको काफी हद तक का पसंद आने वाली है तो वही से इस फिल्म में इस तरह से उन्होंने फिल्म को पूरी की पूरी बांधे रखी है तो उनकी वजह से फिल्म काफी हद तक इस फिल्म को जो कि वायरल करती हुई नजर आई जो कि ब्लॉक फिल्म बना चुकी है जो कि तमिल इंडस्ट्री की तरफ से तमिल ऑडियंस ने तो काफी हद तक पसंद की है बट अदरवाइज इस फिल्म को जिस तरह से हिंदी वर्जन में हिम्मतवर के नाम से जो रिलीज की गई थी जो फिल्म को तो फिर क्या ही मतलब क्या ही बताऊँ वो फिल्म को जो जिस तरह से हिंदी ऑडियंस ने काफी हद तक इस फिल्म को पसंद की है अभी भी फिल्म को चार चार बार पाँच पाँच बार फिल्म को देख ही रहे हैं तो जितना भी देखते हैं उतना कम लगता है फिल्म को क्योंकि इस तरह से कुछ कहानी बनाई गई है तो दोस्तों अब फिल्म के बारे में अगर डिस्कस करें तो फिल्म के बारे में अगर मैं आप सभी को बताऊँ विशाल एक्टर की परफॉर्मेंस इस फिल्म में जो कि काफ़ी ख़तरनाक देखने को मिलती है जो कि अब एक हर एक मोमेंट हार्ड मोमेंट लगेगी जो फाइटिंग सीन्स है उन्होंने जिस तरह से वो तमिल इंडस्ट्री में जो होते हैं मतलब एक योंग मैन किस तरह से कैसे करके दिखाते हैं मतलब अपने अंदाज़ में तो वही चीज़ इस फिल्म में दिखाए तो अपने अंदाज में उन्होंने जो मतलब हर एक स्टेप जो फिल्म में दिखाई है काफ़ी हद तक आपको पसंद आएगी उनकी काम इस फिल्म में वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट से बेस्ट जो हार्ड परफॉर्मेंस है फिल्म में उन्होंने करके दिखाई है फिल्म की फ़र्स्ट हाफ़ की अगर मैं आप सभी को बताऊं तो थोड़ा बहुत तो आपको कहीं ना कहीं कमियां लगेगी मतलब उतना कुछ बोरिंग थोड़ा बहुत बो, नहीं लगेगी मतलब थोड़ा बहुत इंटरवल के बाद फिल्म खींचती है जहां पर फिल्म की कहानी जिस तरह से वो लेके जाती है असली कहानी पर मुद्दे पर फिल्म के जो बोल सकते जहाँ पर वो एक लड़की से मुलाकात होती है फिर उससे कैसे प्यार होता है फिर उसके बाद उसकी अपनी माँ जो है सगी माँ फिर कैसे घर से निकाल देते कहानी की वही फ़िल्म की कहानी बनाती है फिर आगे वही सभी फिल्म में आपको पता चली गई तो फिल्म के सॉन्ग्स सेकंड हाफ आप में आपको कहानी मोमेंट जो कैची लगती है वहीं पर फिल्म की जो हर एक मतलब कॉन्सेप्ट है वहीं पर पता चलती है फिल्म को क्या कॉन्सेप्ट रखा गया तो थोड़े बहुत आपको डिले लगेगी फिल्म की कहानी उसकी जो फिल्म की नए नए कुछ जो कि मोड नया मोड जो लाती है वहीं पर लव स्टोरी के बाद फिल्म में कहानी देखने को मिलती है सेकंड इंटरवल के बाद फिल्म में सेकंड हाफ में और एंडिंग फिल्म की कब कैसे गुजरती है वही आपको पता भी नहीं चलती फिल्म कोई वन टाइम अब अगर एक बार देखेंगे तो मुझे नहीं लगता फिल्म को अभी तक कोई मिस की बट फिर भी फिल्म को काफ़ी समय हो चुका है अगर देख लें तो अच्छी बात है अगर आप फिर भी एक बार देखेंगे तो मुझे नहीं लगता फिल्म आप छोड़ के जा सकता है बिकॉज काफ़ी बड़े एक्टर की फिल्म है इनकी काम जो है काफ़ी हद तक अच्छी रहती है इस फिल्म में भी करके दिखाएँ तो इस तरह से फिल्म की सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छी है सॉन्ग तमिल सॉन्ग है तो उतना कुछ ठीक ठाक है मतलब उतना कुछ खास लगे नहीं मुझे बैगन स्कोर फिल्म की जो सिनेमाग्राफिक एक्शन सिकल्स काफ़ी तगड़ा तगड़ा देखने को मिलती है ख़तरनाक मोमेंट है जो ख़तरनाक से खतरनाक बड़ा हार्ट मोमेंट से देखने को मिलते हैं जो वी के ऊपर फिल्म की जिस तरह से करके दिखाए एडिटिंग की काम जो चीज़ें जिस तरह से बेहतरीन में मतलब कहानी जो एक थोड़ा बहुत मुझे लगता है फिल्म को ज़्यादा ही मतलब रनिंग टाइम ज़्यादा ही रखा थोड़ा बहुत काट छाट के फिल्म को और थोड़ा बहुत कम कर सकते थे मतलब जो भी चीज है बेस्ट ऑफ फालतू टाइम है टाइमिंग है वो काफी कहीं ना कहीं छोटे मोटे चीज़ें वो मतलब थोड़े बहुत अनसेसरी वो सब इग्नोर कर सकते हैं तो अगर आप वो सब इग्नोर करोगे तो फिल्म अच्छी लगेगी अदरवाइज वो सभी डायरेक्टर की डायरेक्शनल वो सभी थोड़ा बहुत अगर कहीं ना कहीं कमियाँ नजर आती वो भी है वो सभी अगर चीज़ें कहीं ना कहीं फ़िल्म ज़्यादा अगर खींची है वही कमियाँ नज़र करती है फिल्म में तो वो सभी अगर छोड़ती तो फिल्म कहीं ना कहीं और ज़्यादा चलती बट फिर भी चीज़ें जिस तरह से कहीं ना कहीं दिखाई है वो भी चीज़ें काफ़ी काबिल तारीफ से कम नहीं है तो ये सभी चीज़ें अगर आप ये सभी चीज़ें के अलावा डायरेक्टर की बात की डायरेक्शनल की तो हरिका इस फिल्म जिस तरह से कॉन्सेप्ट एक बोल सकते हैं फैमिली के ऊपर जिस तरह से वो फैमिली के ऊपर रोमांटिक उसके साथ ही कॉमेडी जोन उसके साथ ही जिस तरह से वो हर एक फन मोमेंट जो इंटरवल में जिस तरह से मतलब एक जिस तरह से रिसेप्ट यानी रिसेप्ट में उन्होंने जो कि स्क्रिप्टिंग दिए हैं विशाल के ऊपर तो वही काबिल तारीफ से कम नहीं मतलब विशाल खुद एक प्रोड्यूसर है एक एक्टर भी है तो उन्होंने खुद अपने अंदाज़ में करके दिखाएं तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपको पसंद आएगी तो हरिका इस फिल्म में क्या कैसा रहा वो फिल्म देखने के बाद ही आपको उनका डायरेक्शनल पसंद आने वाली है अगर आप ये सभी फिल्म में देखना चाहते हो तो जाके फिल्म को देख सकते हो तो दोस्तों इस फिल्म को कैसे देख पाओगे मैं आप सभी को बता दूं कि ऑनलाइन के जी फाइव ऐप पर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली विद इंग्लिश सब के साथ हिंदी लैंग्वेज में हिम्मतवर नाम के साथ आप फिल्म को ऑफिशियली फ्री में देख पाओगे विदाउट सब्सक्रिप्शन विदाउट इस फिल्म में मतलब कोई भी लॉग कुछ भी आप ऐसे ही फिल्म को देख पाओगे तो आप जाके इस तरह से इस फिल्म को इन्जॉय कर पाएंगे जी हाँ दोस्तों साथ ही दोस्तों इस फिल्म का सैटेलाइट राइट्स की बात की तो जी शर्मा जी शर्मा एच डी टी वी चैनल के ऊपर सैटेलाइट टी वी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियम करता हुआ नजर आएगा साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तो बहुत ही अच्छी बात है अगर आप हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट फड़ सब्सक्राइब करके रख सकते साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी दबाना मत भूलिएगा तो दोस्तों फिल्म की डेवलपमेंट की बात की जाएगी तो फिल्म की डेवलपमेंट की बात की तो इन दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री के ईयर में विशाल जो कि टोल्ट द टीवी प्रोड्यूसर की बात किया, तो की तो फीचर की फिल्म विच विट वी बी डायरेक्टर हरी एंड रहेंगे उस फिल्म में उनका जो प्राइवेट कोलाबरेट हुए थे अगेन उनकी आफ्टर सक्सेस फिल्म की बात उनके साथ कोलाब्रेशन की बात की तो जो वेंचर जो कि थामिर अभी बनी जो फिल्म था 2007 में उसके साथ उनके साथ आफ्टर जो कि डायरेक्शनल फिल्म में जो कि काम करते हुए नजर आएंगे जहाँ पर ट्रेंगल कुछ एक्शन स्टोरी इस फिल्म में विचिस कुछ अलग अलग रहेगा जो कि कॉम्बिनेट कर रहे फिल्म में एंडिंग पटना में इस रिविलिंग यू शंकर के द्वारा जहाँ पर पटना में करती हुई जो कि करेंगे राजा इन ऑलरेडी कंप्लीटेड जो कि कंपोजिंग इस फिल्म को लिए सॉन्ग फिल्म सॉन्ग्स के लिए बिफोर प्रोडक्शनल की काम करते हुए नजर आएंगे जहाँ पर कॉम्बिनेंस की बात की तो द फिल्म ऑफिशियली लॉन्च की बात की थी जहाँ पर ट्वेंटी मार्च टू के ईयर में जहाँ पर विद प्रेसेस हुए थे जो कि रिलीजिंग जो कि नामिनिंग हुई थी द फिल्म कास्ट ऑफ व्यू जो कि युवान शंकर राजा उसके सेलेक्टेड हुए थे द कम्बोज की फिल्म की मेजिंग के लिए जहाँ पर फॉर द फिल्म प्रेम एंड वी टी वी विजन ऑफ जो कि वीअर कंफर्म हुए थे जो फिल्म की जो कि सिनेमाग्राफिक उनको दिया जाएगा उसके साथ एडिटिंग ऑफ द फिल्म की जो रेस्पॉन्सबिलिटी है सूरती हसन वो सब जो कि फिल्म की करवाई जाएगी उसके साथ ही सूरती हसन अपना आल्सो सेलेक्टेड हुए थे जो डू कॉस्टमिट डिज़ाइनिंग के लिए तो उन्होंने खुद अपना जो डिज़ाइनिंग है सूरती हसन अपने अंदाज में खुद ही करवाई इस फिल्म में तो दोस्तों इस तरह से इस फिल्म की डेवलपमेंट की बात हुई थी तो दोस्तों अब फिल्म की कास्टिंग के बारे में भी बात की तो फिल्म की कास्टिंग के बारे में अगर मैं आपसे बताऊँ अर्ली रिपोर्टली डिसंबर सजेस्टेड हुए थे जहाँ पर सूरती हसन सिंगिंग साइन किए थे फिल्म में प्ले करते तो नज़र आएंगे जब फिल्म हीरोइन का रोल है वो नजर आएंगे जहाँ पर थ्रू ओनली कन्फर्म हुए थे जो कि पर्टिकल्टी जो कि जो पार्टी के नशन इन द मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर के ईयर में जहाँ पर सत्यराज एंड सूरी फिल्म में भी जॉइन हुए थे जहाँ पर कास्ट अब टू रोल प्ले करते हो सपोर्टिंग रोल में प्ले करते नज़र आएंगे विल एक्टर इस जो कि कौशल्या एंड अनौंसमेंट किए थे उनके भी रोल प्ले करते नजर आएंगे मेकिंग इन द कम बैक विद द फिल्म स्टारिंग द ऑल्सो साइड अदर सपोर्टिंग एक्टरिस का जो रोल है वो फिल्म में प्ले करते हो नज़र आएंगे द टीम अनाउंसमेंट की जो कि रेखा के थे जहाँ पर प्ले विशाल मदर उन फिल्म में नजर आएंगे जहाँ पर फिल्म बट अन जो कि अनएबिलिटी जो कि फिल्म की मैंट है जो दट फिल्म के टीम लेटर ऑन कास्ट राधिका शरद कुमार इंस्टेड हुए थे जहाँ पर प्रतापोर्थन पो, एंड जो जो कि जान की, की uh, साविश वे आल्सो सेलेक्टेड के रोल जो प्ले है वो उस नजर आएंगे जहाँ पर सूर्ति हसन भी आ जो कि पर्यटन की रोल लिए थे जहाँ पर आधीरा जर्मिया उसके साथ ही सेलेक्टेड हुए थे मेक ऑफ कमियो अपरमेंस में जो कि फॉलोअप सॉन्ग्स में सत्यराज राज सपोर्टेड हुए थे जहाँ पर वर्ल्ड लुक जो फॉर्म की फिल्म की थैंक्स हुई थी जहाँ पर दिस सिमटिन की शूट फॉर एस जो कि राजा के बाहुबली Uh, 2015 में फिल्म आई थी उसके साथ रोल पे भी साइड की काम करते हुए नजर आए जहाँ पर साइड हुई थी जहाँ पर वेरी पावरफुल एंड ऑल्सो सस्पेंड एलिमेंट जो ऑफ द फिल्म की है वो सभी भोजपुरी फिल्म एक्टर आदिवेश की तरह मिस मिश्रा सेलेक्टेड हुए थे जो लोल रोल है गैंगस्टर इन द फिल्म की विच इस मेकर्स की डब्ड हुए थे जहाँ पर तमिल सिनेमा वैभव रेड्डी सेलेक्ट हुए थे फॉर इंपॉर्टेंट रोल इन द फिल्म बट इस रोल वे नॉट अ पार्ट ऑफ द फिल्म की जो कि विनय बिहारी वही इज द यूथ आर्ट कल्चर मिनिस्टर ऑफ़ द बिहार पर का रोल सेलेक्टेड हुए थे इस फिल्म में जो कि रोल है वो प्ले करते हुए नजर आएंगे डिस्ट्रीब्यूट कोलेबरेट की द फिल्म की जो कि सिनेमाटोग्राफिक पॉइंट की प्रोडक्शनल विद द एक्सप्रेंस की इंस्टेट हुए थे एक्टिंग की हरी इस फिल्म में जो बिहार लोकेशन में शूटिंग की गई थी जहाँ पर भरत राज मिस्टर इंडिया सेकेंड रनर की अप टू थाउजेंड २०१४ में टाइटल फिल्म को uh, कैरिमिल करके रोल है जो uh, जो कि कलेक्टर हुए थे सन ऑफ द सन फ्रॉम बिहार में जो कि अभिनय सेलेक्टेड हुए थे टू प्ले का सपोर्टिंग रोल है वो मुकेश तिवारी सेलेक्ट हुए थे दो कि रो टू प्ले रोल है वो मेन अगेंस्ट हुए थे इस फिल्म में तो इस तरह से इस फिल्म की कास्टिंग की रोल बात की गई थी तो अब दोस्तों फिल्म की फिल्मिंग की बात की जाएगी तो फिल्म की फिल्मिंग की अगर मैं आप सभी को बताऊँ प्रिंसिपल फोटोग्राफी कमेंट्स इन एटीन अप्रैल टू की ईयर में चेन्नई में ड्यूरिंग सूट रखा गया था एक्शन स्विकल्स वहीं पर लिया गया था ऑन स्कोर जो वेत सेट हुई थी जहाँ पर सली गुरम के जगह पर जहाँ पर विशाल इंजर हुए थे वहाँ पर शूटिंग के दौरान मिडिल फिंगर में राइट में एंड उसके साथ ही बीच चौदह स्ट्रेचेस आई थी फिर जो कि एडमिट्स हुए थे जहाँ पर इन द सूट की वास टेम्पररी हल्टेड हुए थे आइटम नंबर थिंक विशाल वहाँ पर अंदिरा का जर्मनी की शो उस इस तरह से शूट करवाई गई थी अर्ली मे में जो कि बैकअप ड्रॉप की ऑफ द जो कि कैमद्दू मार्केट में चेन्नई में फिल्म की वहाँ पर शूटिंग लिया गई थी उसके साथ लेटर वन यूनिट की प्रोसेट की बात की थी जहाँ पर कॉम्बरेट करके, करके फिल्म की मेजर प्रोडक्शनल ऑफ़ द फिल्म एट द टाइम इस वॉस की आरिका प्लान किए थे जहाँ पर रैपअप करके फिल्म शूट चालीस फोर्टीन वर्किंग डेज की तरफ से जहाँ पर चालीस दिन में फाइटिंग स्विकल्स की शूट लिया गया था जहाँ पर पॉपुलर मेल मल्टीप्लेक्स देर की सीनस है वो सभी इन की विशाल एन सूरती हसन को और आर आल्सो शूट किया गया था जहाँ पर द फिल्म मॉल कॉम्बेरेट जो कि कॉम्बेट करके द फिल्मिंग जो कंटिन्यू है एट कराई कुडी जो इन अर्ली जुलाई में लिया गया था जहाँ पर सेंस की फेचिंग की इंस्पेंसिपल uh, कास्ट ऑफ सूट की द फिल्म शूटिंग वहीं पर कंटिन्यू करवाई गई थी जहाँ पर इट हॉट वेदर मेकिंग की थिंग्स डिफरेंटली कल कुछ विशाल को वहाँ पर सेपरेट की गई थी इंजोर भी हुआ था फिर उसकी वजह से फिर सेकेंड टाइम इन द फिल्म शूट जो कि सफरेट हुए थे जो कि फेवरेट डूरिंग दूट ऑफ द एन एक्शन स्विकल्स की आफ्टर ट्राइंग टू तो अवल्ट फिल्मिंग की दे इस अफेस की में कुछ स्प्लिट हुई थी फिल्म की एब्सोरेट शूट करते हुए जहाँ पर द फर्स्ट वीक में ऑफ अगस्त 2024 के ईयर में फिल्म में लिया गया था जहाँ पर क्लाइमैक्स की शूट पटना इन द दे टेन डेज में शेड्यूल रखा गया था एंड बाय देन नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ द फिल्म की शूट कंप्लीट की गई थी जहां पर द द्लाइमैक्स सैड हैव व्यू जो रिक्स की स्टंट है विच शूट फिल्म के फर्स्ट फाइनल शेड्यूल बहुत विशाल एंड सूरती हसन कैरवी जो कि कैरवी करते नजर आएंगे आउट ऑफ रिस्क की स्टंट जो एंड फाइट सीन्स बाई टेंस की जो सम है वो क्लाइमैक्स में आल्सो शूट जो कि गोलीकोंडा फोर्ट इन हैदराबाद इन स्पेशल एंड एन के सेट जो कि हुए थे फॉर द क्लाइमैक्स एंड ये सॉन्ग्स की आल्सो शूट थ्री ऑन इन इट इज़ कंप्लेसन जो कि वन रोमांटिक सॉन्ग्स की शूट जो कि सीट वेजिलेंट एंड उसके साथ ही रिमेनिंग करके फास्ट पेसेस ली गई थी सॉन्ग के लिए शूट इन चेन्नई में भी विशाल सूरती हसन कंप्लीट किए थे या शूटिंग की हार्ड फोलक सॉन्ग्स के लिए स्वीकेंस के बीच शूट जो कि इन ये वी एम फेसिकल्टीज की बाई बाबा भास्कर ऑफ सॉन्ग्स की स्वीकल्स आल्सो शूट इन पोलैंड में भी लिया गया था जहाँ पर ट्वेंटी नाइन सेक्टम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में ले गए थे एयरक में जहाँ पर सूटती कम कन्फर्म की गई थी दैट शूटिंग ऑफ द फिल्म की वॉस कम्प्लीटेड हुई थी फिल्मिंग की तो इस तरह से इस फिल्म की फिल्मिंग की बात हुई थी तो दोस्तों आखिर में फिल्म के प्लॉट या फिर स्टोरी कह लो उसके बारे में भी कहानी के बारे में भी बात की जाएगी तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी जिस तरह से मैं आपको मतलब थोड़ा सा ही बताऊँगा जी दोस्तों नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी तो आपको मैं बता दूं कि फिल्म की कहानी जहाँ पर विशाल यानी इस फिल्म में वासुदेवन जो रहते हैं यानी इस फिल्म में तो वो काफ़ी अपने फैमिली की तरफ से जो कि फैमिली में काफ़ी ज़्यादा वो मतलब अपना दिलो जान देते देता अपने फैमिली के लिए कोई भी कदम उठाते हैं तो हालाँकि इस फिल्म में जो जिस तरह से जो बिलन उनके पीछे फैमिली के पीछे पड़े रहते हैं तो फिल्म में कहानी वही बनाती है जहाँ पर चीज़ें कैसे क्या बदलती है जहाँ पर फिल्म की कहानी जहाँ पर एक नया मोड लाती है जहाँ पर एक बोल सकते हैं फिल्म को यानी विशाल को इस फिल्म में जो कि सूरती हसन एक्ट्रेस को इस फिल्म में जो कि दिव्या का रोल प्ले कर रहे हैं तो वो उनके साथ जो मुलाकात होती है एक मॉल में फिर उनके बाद उसके साथ जो प्यार में पड़ जाते हैं उनके साथ फिर उसके बाद जो चीज़ें बदलती है जिस तरह से उनके पीछे पड़ जाते हैं गुंडे फिर उसके साथ विलन पड़ जाते हैं फिर उनके बाद उनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं फिर हर एक चीज़ें विशाल को ऊपर जो ठान दिया जाता है फिर वो कैसे क्या चीज़ें हर एक है, हैंडल करते हैं खतरनाक चीज़ें किस तरह से स्टंट लेते हैं अपने फैमिली में भी उस तरह से कुछ उनका एक पुराने रिश्तेदार में जिस तरह से वो एक बोल सकते हैं विशाल को कुछ मतलब फैमिली में एक प्रॉब्लम हो जाता है जहाँ पर उनको एक लड़की ने फंसा यानी ज़बरदस्ती फंसा दिया जाता है उसके बाद उनकी मम्मी उनको घर से निकाल दिया जाता है फिर उनके बाद उसके कई साल हो जाते हैं वो अपने मतलब एक बात के लिए तरसते हैं यानी सुनने के लिए जवाब के लिए विशाल उनकी माँ का तो फिर वो बात नहीं करते हैं फिर उसके साथ वो चीज़ें कैसे क्या बदलती है फिर कैसे क्या वो अपने फैमिली में फिर दोबारा आते हैं फिर मिल पाते हैं वो कैसे क्या करते हैं वो ऐसा क्या काम करते हैं फिर उनकी माँ उनके साथ जो मिलने के लिए तरसते हैं फिर बाद में वो सभी चीज़ें कैसे क्या एक बेहतरीन तरीके से दिखाई गई तो फिल्म की कहानी वही बनाती है कि इस तरह से कैसे अपने फैमिली के लिए वो किस तरह से कौन से कदम उठाते हैं